how can we identify con mans? Yeah, देखो, everybody is a con man in politics. Politics requires you to be a con man. उस con man, उस con से आपको थोड़े लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, और by that means के अवाम का और कंट्री का थोड़ा फ़ायदा भी हो रहा है, तो चलने देते हैं. Everybody is a, politics is about con man. It's a con. पता नहीं हम ये नेकी बदी की जंग क्यों बना लेते हैं पॉलिटिक्स को. I agree. हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस. जब हमारे ये मेहमान हमारे साथ आते हैं, लोगों की फरमाइशी प्रोग्राम शुरू हो जाता है. बहुत ज़्यादा सवाल है, लेकिन आज हमने ख़ास इनको बुलाया है इनकी नई किताब इमरान खान एंड द मिथ ऑफ द मिडिल क्लास डिस्कस करने के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉलमिस्ट, ऑथर, हिस्टोरियन मिस्टर नदीम फ़ारूक पराचा. कैसे हैं सर आप? इकोनॉमिस्ट कब से हो गया मैं? इकोनॉमिस्ट तो नहीं बोला मैंने, लेकिन आपकी है नहीं डिग्री? नहीं जरा. आपका बैचलर्स किसमें था? कॉमर्स में था. अच्छा, मैं इकोनॉमिस्ट कहीं से नहीं हूँ. मैंने तो बोला, मैंने बोला हिस्टोरियन बोला, कॉलमिस्ट बोला मैंने. कॉलमिस्ट आपने गलत सुन लिया. देखिए, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट नाराज हो जाते हैं. सोया नहीं ना सर, मैं पूरी रात आपकी किताब पढ़ रहा था. लीक हुई मेरे पास कल रात, आज ऑफिशियली हम उसको लॉन्च कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपने सोच के लिखी? यार, ये स्टार्ट की थी मैंने जब खान साहब की आउस्टर जो था वो करीब आना शुरू हो गया. अप्रैल 11 तारीख को, बिकॉज उस वक्त पता लग गया था कि अब जाने वाले हैं वो. इवन दो खान साहब खुद ही टिल लास्ट 48 आवर्स सुना है, वो मान ही नहीं रहे थे कि मैं मुझे निकाला जा सकता है. और बहुत सारे और भी हमारे सो कॉल्ड टीवी एंकर्स वगैरह जर्नलिस्ट थे, वो कह रहे थे नहीं जा सकते. आपने कल रात उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? कल रात की, यार उसकी उनकी इतनी वो तकरीर ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हैं, समझ नहीं आता कल रात में. अब सबको पता है पाकिस्तान में क्या हो रहा है. आज तारीख है 20 मई. कल रात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने बोला ये पीडीएम वाले झूठ बोल रहे हैं, मैं प्रॉमिस करता हूँ आसिम मुनीर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, तुम्हें नहीं निकालूंगा. तो अगर वो 20 मई को इस वक्त ये बातें कर रहे हैं, तो फिर वो डिलूजन्स का तो कुछ नहीं हो सकता ना. डिलूजन भी है, और आई थिंक वो उन्होंने कुछ चीज़ अभी भी बेचनी है ना लोगों को, कि ये बता के रखना है कि यार लगे रहो, मैं अभी भी मेरा चांस है आने का. इवन दो आई वुड से 0.000 वट एवर मैथमेटिक्स आप ले जाएँ नेगेटिव, कोई चांस नहीं आने का उनका. पर उनको ये लाइन फीड तो करनी है कि अभी भी चांस है, अभी भी चांस है, लगे रहो, हो सकता है मैं वापस आ जाऊं. कहीं से वापस नहीं आ रहे वो. तो अब नेक्स्ट देखते हैं अब क्या बोलते हैं. आजकल दिन में वो 4-4 तो तकरीरें में 5-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं. आई मीन द राइटिंग्स ऑन द वॉल फॉर अ व्हाइल. मैं मज़र अब्बास के साथ एक पैनल पे था, उन्होंने बोला कि वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की तरह मर के अमर होना चाहते हैं. फ्रॉम व्हाट आई नो ऑफ द मैन, आई डोंट थिंक इमरान खान हैज़ इट इन हिम टू डाई फॉर अ कॉज. बट आपकी क्या रीड है अबाउट व्हाट मज़र अब्बास सेड? आई टोटली एग्री विद यू, आई डोंट थिंक इट्स इन हिम. लेकिन देखें, भुट्टो की अगर आप पढ़ें तकरीरें और उनकी लाइफ देखें, उन पर काफ़ी ज़बरदस्त किताबें भी लिखी हैं. 2-3 तो बहुत ज़बरदस्त नहीं है, वॉलपॉट की है, उसके बाद अभी बेनेट जोन्स की भी है, वन बेनेट जोन्स वगैरह. तो उनकी साइकोलॉजी है कि भुट्टो व्हेन ही केम टू पावर, उनके अंदर एक नज़र आता है, एक फेटलिस्टिक भुट्टो साहब भी नज़र आते हैं. शुरू से उनकी तकरीर देख ले, उनके अंदर है कि हाँ शायद आई वोंट लास्ट, यू नो, आई माइट बी सॉर्ट ऑफ जस्ट साइड लाइंड और मे बी इवन किल्ड. तो मुझे कभी कभी लगता है ही वॉज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर दिस, द मोमेंट विच फाइनली केम. एंड ही नेवर हैड एनी इल्यूजन्स कि जब उनको जेल में फेंका गया और फिर उसमें उन पर जाली मुकदमे चलाए गए और फिर हैं, ही वॉज नेवर अंडर द इल्यूजन कि वो बच जाएंगे किसी तरह. He knew he's going. अगर वो उनका जो हैंगर था, वो जो उनका एक्सिक्यूशनर जो था, नाम भूल गया मैं उसका, सम मसी, तो उसकी आप पढ़े ना, बट ही वॉज कूल, रिलैक्सड, ही आस्क्ड फॉर अ सिगार बिफोर ही वॉज हैंग्ड. एंड शायद रिंग अपनी उतारी बिकॉज ही बिकेम सो वीक कि रिंग गिर जाती थी, हिज वेडिंग रिंग. तो ही वॉज क्वाइट काम, एज इफ ही न्यू इट वॉज कमिंग एंड ही वॉज प्रिपेयर्ड. बट आई एग्री विथ यू, Khan Saab is not that character or personality. Don't you think till that moment जुल्फ़िकार अली भुट्टो का फिर भी ब्रवाडो था कि वो जब जेल में भी थे उन्होंने बोला था कि मैं बाहर आके तुम्हें लड़काऊंगा ज़िया-उल-हक़ ने. तो वो इस तरह की बातें करते तो थे. वो करते थे. लाहौर में कहा था उन्होंने, just before his final arrest in October, वो कहा था उन्होंने. And उस वक्त तक तो चांस था because ज़िया-उल-हक़ was playing a nice game with him एंड वो मरी में जब नज़रबंद थे भुट्टो साहब, अगस्त की बात है, जुलाई में वो अरेस्ट हुए, अगस्त में मरी में। ज़िया-उल-हक साहब तो हाथ पीछे बांध के उनसे अभी भी कह रहे थे सर यू स्टिल माई प्राइम मिनिस्टर। एंड उस वक्त तक चांस था कि मे बी भुट्टो साहब वापस आ जाएंगे, बट वंस फाइनली जब उनको उन्होंने वो तकरीर की लाहौर में कि मिलिट्री टेक ओवर की सज़ा जो है वो सज़ाए मौत है, तो दैट इज़ व्हेन ज़िया-उल-हक डिसाइडेड एंड हिज क्या कहते हैं उसके आसपास जो लोग थे लाइक शरीफ उद दीन पीरज़ादा, एक थे A.K. बरोही साहब, जनरल चिश्ती वगैरह, उन्होंने लगे सर आई थिंक अब या तो आप रहेंगे या तो फिर वो रहेंगे, तो फिर बिस्मिल्लाह करें और इससे जान छुड़ाएं। हम आपकी बुक डिस्कस करना चाहते हैं। ज़िया-उल-हक के बारे में तो मैं नहीं पूछूंगा, वो आसिफ चट्टा ट्विटर पे जो कहते हैं वो शायद सच है उनके बारे में, ज़िया-उल-हक के बारे में। बट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को आपने ओवन बेनेट जोन्स की किताब का जिक्र किया। आई थिंक समथिंग दैट्स नॉट मेंशन्ड अ लॉट इज चिप ऑन ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शोल्डर दैट ही हैड सिंस ही वाज अ चाइल्ड। आई थिंक उनकी वालदा जो है वो जो बाकी फैमिली है वो कंसिडर करते थे कि ये ब्लड लाइन इनकी प्योर नहीं है, इनका पीछे से ये हिंदू हैं और ये यू नो इज़ ऑलमोस्ट मैन ही उनके लफ्ज़ के बास्टर्ड है, ये तो प्योर ब्लड लाइन का नहीं है। तो डू यू फील लाइक दैट आल्सो शेप्ड हिम कि आई हैड टू प्रूव कि अब मैं असली भुट्टो हूँ? यार आई डोंट नो इफ ही हैड टू प्रूव समथिंग, बट ही हैड दिस थिंग इन हिम दैट हिज मदर वाज नॉट ट्रीटेड वेल बाय हिज फादर बिकॉज शी वाज अ कन्वर्ट, हिंदू थी फिर मुसलमान बनी, एंड शी डिडंट कम फ्रॉम नोबल फ्यूडल फैमिली, एंड ही वाज वेरी क्लोज टू हिज मदर, बट ही सॉ हिज मदर बीइंग ट्रीटेड एज लेट्स से as sidelined within the household, and his father wasn't all that attentive towards her. तो वो एक दुख था उनके अंदर। तो ये भुट्टो के अंदर ये जो एक कहते हैं कि एक मोहब्बत थी for the masses, let's say, that was stemming from this aspect of his life, because his mother, he saw his mother also coming from that background, disadvantaged, discriminated, and when he saw people इन फ्रंट ऑफ हिम जो आवाम जिसको हम कहते हैं, तो वो चीज़ ट्रिगर हो जाती थी उनके अंदर। तो दैट्स वाई ही वाज वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, अदरवाइज ही वाज आल्सो वेरी एरिस्टोक्रेटिक, ही वाज यू नो ही हैड अ वेरी लेट्स से अ वेरी सोफिस्टिकेटेड सो टू से साइड टू हिम एज वेल, सो ही वाज अ कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर विद अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एज वेल। आई थिंक वही है ना, लोग रिड्यूस कर देते हैं फ्यूडल 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 फ्यूडल, नहीं वो तो वो इंटेलेक्चुअल लेजीनेस है, ठीक है ना, बिकॉज बहुत सारे कॉम्प्लेक्स लोगों के साथ अब एक ठप्पा नहीं लगा सकते उसको फ्यूडल कह के जी बात ख़त्म हो जाती है। नो ऐसे तो नहीं चलता, कोई भी हो। इंटेलेक्चुअल लेजीनेस की आपने जिक्र किया, तो है तो इंटेलेक्चुअल लेजी कंपैरिजन, बट क्योंकि खान साहब खुद करते रहते हैं, हैव यू फाउंड इट इंटरेस्टिंग और व्हाई डू यू थिंक कि जितनी वो शरीफ और भुट्टो के ख़िलाफ़ हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की फिर भी तारीफ़ ही करते हैं अपनी स्पीच में। व्हाई डू यू थिंक ही डज दैट? बिकॉज टू हिम इन हिज माइंड समटाइम्स he reminds himself of Zulfikar Ali Bhutto. He sometimes मुझे लगता है जब वो भुट्टो साहब की तारीफ़ करने लग जाते हैं वो समझते हैं भुट्टो साहब भी इसी डायलेमा में थे। फॉर एग्जांपल भुट्टो साहब यही करना चाह रहे थे, एक कैंप बनाना चाह रहे थे मुसलमान, वो थर्ड कैंप बनाना चाह रहे थे, थर्ड पावर बिटवीन सोवियत यूनियन एंड अमेरिका और वेस्ट एंड द ईस्ट। एंड भुट्टो साहब भी पॉपुलर थे, ठीक है, लेकिन मैं पहले भी शायद हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बिफोर दिस पॉडकास्ट कि भुट्टो साहब का पॉपुलिज्म वाज मोर ड्रिवन बाय द लैंग्वेज ही यूज्ड फॉर व्हाट ही थॉट वाज द मासेस। इमरान खान का जो पॉपुलिज्म इज़ मोर पॉपुलर एंड मोर अट्रैक्टिव टू द अर्बन मिडिल क्लासेस, तो उनकी रेटरिक इज़ डिफरेंट। इमरान खान अगर आप नोटिस करें ही रियली डजंट टॉक अबाउट आवाम, लेबर, वर्किंग क्लास पीपल्स, ही डजंट यूज़ दीज वर्ड्स, यू नो। उसकी जो वो सिम्बल्स यूज़ करता है और जो वर्ड्स यूज़ करता है वो मेरे तुम्हारे ऐसे मिडिल क्लास जो होते हैं ना उनको बड़ी अट्रैक्ट करती है बेसिकली। इसमें आपने मिडिल क्लास का जिक्र आ गया, तो मेरे ख्याल से सेकंड चैप्टर पहले डिस्कस कर लेते हैं। फॉर पीपल लिसनिंग, आपको पता है पढ़ने का तो कम ही लोगों का शौक़ है, आप अकबर जैदी का जो लेंस है वो यूज़ कर रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि 38% जो है वो मिडिल क्लास है, 42% हाँ। तो मतलब ये है कि एक्चुअली वो जब इमरान पे आप लिखते हैं किताब, बिकॉज दिस इज़ अ बुक ऑन द एवोल्यूशन इमरान खान पॉलिटिकल करियर बेसिकली, तो जब इमरान खान की राइज एंड म्यूटेशन, जिस तरह मैं किताब में कहता हूँ, अगर देखें तो दैट इज़ ऑल्सो द राइज एंड म्यूटेशन ऑफ द क्लास विच हेल्प्ड हिम और फैसिलिटेटेड हिज राइज, एंड दैट इज़ द अर्बन मिडिल क्लास, स्पेशली इन सेंट्रल नॉर्दर्न पंजाब, KP, अर्बन एरियाज एंड कराची, कैपिटल ऑफ सिंध, यहाँ बेसिकली। तो बेसिक जब आप इमरान की स्टडी करेंगे, उसकी सियासत की राइज एंड फॉल और जो भी कहना चाहें आप, तो ये ऑटोमेटिकली आप उसके जो मेन फॉलोइंग है, जो मेन उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मिडिल क्लास की स्टडी हो जाती है। नाउ इट्स वन ऑफ द मोस्ट एलूसिव क्लासेस टू स्टडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड, स्पेशली हमारे रीजन में, स्पेशली जहाँ इंडिया हुआ, पाकिस्तान हुआ, थाईलैंड हुआ, टर्की हुआ, बट इसमें ज़बरदस्त किस्म की तो जब आप इमरान खान की स्टडी करते हैं, पॉलिटिकल स्टडी करते हैं, उसको पॉलिटिकल करियर एक्सप्लोर करते हैं, तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द राइज और म्यूटेशन और फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पाकिस्तानी मिडिल क्लासेस, स्पेशली इन द एरियाज, इन द रीजन्स आई हैव टॉक्ड अबाउट, आई हैव जस्ट मेंशन्ड। तो 3-4 व्यूज़ हैं कि मिडिल क्लास है क्या, और उस पर 3-4 इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट की मैंने वो पढ़ी। तो आई चोज़ हाउ अकबर, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट हैं पाकिस्तानी, अकबर ज़ैदी, उनकी डेफिनेशन लेके मैं चलाऊँ आगे। बेसिकली ही कॉल्स देम द एस्पिरेशनल क्लासेस, ज़्यादातर अर्बन हैं, एंड ही सेज दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 42% ऑफ द पॉपुलेशन, विच इज़ प्रीटी बिग। एंड when we also, of course, when you talk about middle class, we are also talking about a certain sort of a mindset. But the main thesis of my book, as you might have noticed, is कि जो अभी हम देख रहे हैं tension between, let's say, PTI and PMLN, जो पिछले 10 साल से देख रहे हैं, to me it is basically about a tussle between two factions or two segments of the same class, especially in Punjab. It is, let's say, जिस तरह मार्क्सिस्ट कहते हैं, bourgeoisie elite के 2 टुकड़े हो गए और वो आपस में अब गुत्तम गुत्ता है। वन इज़ बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय PMLN एंड वन बाय PTI। PTI के जो सेक्शन है, दैट इज़ मोर कॉस्मोपॉलिटन एंड हैड रिमेन्ड एपोलिटिकल टिल मुशर्रफ। दूसरी साइड जो पंजाब की, जो आपकी अर्बन मिडिल क्लास है, दैट वाज मोस्टली डेवलप्ड ड्यूरिंग ज़िया-उल-हक़ पीरियड, उसकी जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ये हुई थी। But what Zia did was Zia merged, let's say, economic prosperity with religious piety. कहने का मकसद ये है कि ये trying to be religious or exhibiting your religiosity also meant that you made it economically. It also meant that अगर आप जितने ज़्यादा एग्जिबिशनिस्ट होंगे अपनी रिलीजियोसिटी में, उतने ज़्यादा आपके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी। तो इसका ये भी मतलब है। तो इन अ वे वो वाली जो मिडिल क्लास डेवलप होनी शुरू हुई 1980s में, इट वाज इनहेरेंटली कंजर्वेटिव, जो फिर नवाज शरीफ की लैप में आके गिर गई। ज़िया जब चले गए इस दुनिया से, तो नवाज शरीफ की मेन कॉन्स्टिट्यूंसी बन गई। लेकिन उसकी विद इन दिस मिडिल क्लास देयर वाज अ ह्यूज ए पोलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी एज वेल, जो आपको बड़े शहरों में मिल जाती है, जिसको मैं कॉस्मोपॉलिटन मिडिल क्लास कहता हूँ, जिसका मैं भी एक कह सकता हूँ हिस्सा हूँ। तो वो ए पोलिटिकल थे ज़्यादातर। मुशर्रफ ने आकर उनको पोलिटिसाइज किया टू अ सर्टन एक्सटेंट। फिर जब मुशर्रफ के साथ जो चीज़ हुई, जिस तरह वो आउस्ट होए गए, इन्होंने इतना इन्वेस्ट कर दिया था इमोशन मुशर्रफ के अंदर कि ये लोग भी सडनली बिकेम पोलिटिकलाइज्ड इन वॉट एवर वे। और फिर यही बनी बनाई कॉन्स्टिट्यूंसी इमरान खान की लैब में रख दी गई, जब मुशर्रफ का पता लग गया कि मुशर्रफ विल कैन नेवर कम बैक इनटू पॉलिटिक्स। तो मेरे लिए ये दीज आर टू, स्पेशली इन पंजाब, दीज टू एलीट अर्बन मिडिल क्लासेस। ठीक है ना, एक अर्बन मिडिल क्लास कहता है जी हम कैसे एलीट हो, नहीं आप भी एलीट हैं, मैं तुम भी एलीट हैं, बिकॉज ऑफ आर एजुकेशन, बिकॉज हम 42% में होंगे, लेकिन हमारे नीचे लेट से 50% से ज़्यादा अभी भी वो एलीट नहीं, वो जो उनको मैं मासेस मानता हूँ। तो जब हम मासेस का हिस्सा नहीं हैं एज सच, जिसको हम आवाम कहते हैं, हम मिडिल क्लास का हिस्सा हैं, जो एक एटलीस्ट इकोनॉमिक लेवल पे उनको इतनी इन्फ्लुएंस मिल चुका है कि वी हैव पावर, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है, बट दे नाउ वांटेड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एज वेल। यहाँ पर लोग नाराज़ हो जाते हैं, करोला भी हो तो अपने आप को वो कहते हैं मैं एलीट नहीं हूँ, मिडिल क्लास हूँ, लेकिन पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ मैं एग्जैक्ट नंबर भूल गया, बट अराउंड 30% पर इंसान 3500 रुपीज़ अ मंथ से कम पर लोग रहते हैं। तो हम टॉप 10% टॉप 5% में आते हैं, इवन इफ अगर हम अपनी क्लास में बैठे हैं स्कूल में एंड वी आर लाइक ओवर द पुअरेस्ट पीपल हियर। इसमें आपने ज़िया-उल-हक का जिक्र किया, आई थिंक समथिंग दैट डजंट गेट टॉक्ड अबाउट अ लॉट इज़ जब कराची के लोग कहते हैं कि भाई हमें डिसइनफ्रेंचाइज किया, हमसे ली गई। तो ज़िया-उल-हक से पहले जितना कराची को फेवर दिया गया था, जितने उनको चीज़ें मिल रही थी, आई थिंक 1951 तक कोई 50% पब्लिक हाउसिंग और पानी का बजट कराची को जाता था, जबकि 2% पॉपुलेशन थी। सो रिलीजियस पार्टी और एटलीस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस पार्टी तो ज़िया-उल-हक में ऑब्वियस ही है। इसमें मिलिट्री फेवर्स मे बी डजंट गेट टॉक्ड अबाउट दैट मच। तो मिलिट्री फेवर करके ज़िया-उल-हक ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई पंजाब में, उसमें एक मिलिटराइज एलिमेंट भी तो है ना, कि वो जो मिलिट्री से रिलेशनशिप्स बनाए पंजाब में, कि ना जो कायदे आज़म ने शायद कराची में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई थी इंडस्ट्रियल को ला के, वो ज़िया-उल-हक ने पंजाब में किया। यार या तो ज़िया-उल-हक ने किया, डेफिनेटली मिलिट्री का बहुत बड़ा हाथ था, ठीक है ना। और फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक्चुअली कराची और बाकी सिंध में भी करने की वही कोशिश की, व्हेन अ लॉट ऑफ पीपल वर सेंट हु हैड रिलेशंस, हु हैड कनेक्शंस और वर देमसेल्व्स ऑफिसर्स, मिलिट्री वाले भेजे गए, उनको लैंड दिया गया सिंध के अंदर। एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई द 1983 MRD मूवमेंट बिकेम सो वायलेंट। तो डेफिनेटली या मिलिट्री वाली बात थी, बट कराची में कॉन्स्टिट्यूंसी बनी नहीं इनकी, जैसे अगर तुम कह रहे हो कि जिन्ना साहब ट्राइड एंड देन लियाकत अली ट्राइड, इनकी ऐसा बनी नहीं। क्या कराची में जो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिकल बनी वो आपकी रिलीजियस पार्टीज़ की बनी बेसिकली, जैसे जमात इस्लामी है, जमीयत उलमाए पाकिस्तान स्पेशली, उनकी बनी, नॉट बिकॉज के आपका जो महाजर थे वो कंजर्वेटिव थे, नहीं, वो सोशली लिबरल थे लेकिन पॉलिटिकली कंजर्वेटिव थे महाजर आपके, बिकॉज एक तो दे वर्न जिसको कहते हैं ना सन्स ऑफ द सॉयल, वो तो इंडिया से आए थे, छोड़ के आ गए थे यहाँ एक नई जगह पे, उनकी यहाँ रूट्स नहीं थी, और जिस तरह सिंधियों की थी, बलोच की थी, पश्तून की थी, पंजाबीज़ की थी, तो दे थॉट दैट एवरी अदर पार्टी जो है वो कोई एथनिक इंटरेस्ट पे खेल रही है और हमारे तो यहाँ कोई रूट नहीं है, हम तो अभी भी आउटसाइडर्स यहाँ माने जाते हैं। तो उन्होंने रिलीजियस पार्टी को इसलिए वोट देना शुरू कर दिया टिल एटलीस्ट 77 तक, कि ये सोच के कि यार ये एटलीस्ट किसी एथनिक कार्ड पे नहीं बेस्ड हैं, सर्टन रिलीजियस आइडियोलॉजी पे बेस्ड हैं। इसमें ये भी तो एलिमेंट है ना कि वो एक उर्दू स्पीकिंग चले कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं तो ब्यूरोक्रेसी तो थी ब्यूरोक्रेसी थी, एंड दे सॉर्ट ऑफ फेल्ट लाइक कि अब हम अगर इधर आए हैं तो देन इस्लाम इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट हमारा पेटेंट, कि हम इस्लामिक कल्चर मुस्लिम कल्चर लेकर आ रहे हैं। मे बी वहाँ से भी रिलीजोसिटी आती है कि अच्छा ये जो लोकल्स हैं ये लोग इतने इस्लामिक नहीं हैं एज अपोज टू हम जो इस्लाम लेकर आ रहे हैं और इस्लाम के नाम पे मुल्क बना रहे हैं। सो वो डेमोक्रेसी ना हो ताकि वोट ना हो, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो पंजाब में भी। So maybe that's also why we saw a projection of religion in the early years. Yeah, but the most interesting thing is definitely Pakistan movement में सबसे बड़ा हाथ तो महाजर्स का था ना, और from people who were in for West Pakistan बंगाल को तो हम बंगाल के अलग था, ठीक है, for West Pakistan definitely उनका हाथ था, and they were coming from where Muslims were minority, they coming to where Muslims are already in majority जो पाकिस्तान बन गया। But एक चीज़ एक nuance है, a lot of people miss out on that is that जो इस्लाम ये बिलीव करते थे और जो प्रमोट करना चाह रहे थे, लेट्स से आपकी अर्ली ब्यूरोक्रेसी हो, अर्ली स्टेट हो, अर्ली स्टेट इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग मिलिट्री, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट कंपेयर्ड टू लेट्स से द इस्लाम दैट वाज बीइंग प्रोपेगेटेड बाय मौदूदीज, जमात इस्लामी और द बरेलवी JUP and the Jamiat Ulama Islam of Deobandi, वो डिफरेंट थी। तो ये डिफ्रेंसीशन रही टिल अबाउट late 60s तक रही। तो महाजर जो था यहाँ का, जहाँ ईस्ट पंजाब से जो पंजाबी आया था माइग्रेट करते वेस्ट पंजाब, they thought of themselves as following a more learned modernistic Islam which was easily adaptable with the times with the currents of the time, and they saw the other elements of Islam, for example Barelvi Islam as folk Islam जिसको भी कहते हैं, ये अभी भी सुपरस्टिशन में जहालत में फंसे हुए हैं। मौदूदी शाम का इस्लाम, मौदूदी वाला इस्लाम जो था, that was extremely political, that was purely saying कि let's create a theocracy, बट द मॉडर्निस्ट यूज टू से कि इस्लाम को एज आप नेशनल कार्ड यूज कर सकते हैं, एज ए नेशनलिस्टिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, बस कि इसके ऊपर बेस आप कोई हुकूमत नहीं कर सकते. The state cannot be based on this. मौदूदी साहब कहते हैं no, the state has to be Islamic as well. The Islamic state का जो idea उन्होंने conceive किया especially late 1930s से, उसके बाद फिर आपकी Muslim Brotherhood और इन्होंने adopt किया. तो modernist कहते थे कि I don't, ये आप कहाँ से ला रहे हैं? तो मौदूदी कहते थे it's all in the holy text. Modernist कहते there's nothing on this on the holy text. तो एक जमात इस्लामी वाला इस्लाम वो था, it was modern. But it wanted to create a theocracy basically, and if not a theocracy, then at least what is called a theo-democracy, which Pakistan today is, by the way, or has been from the 1980s onwards. Yeah, I think ये binary में भी कायदे-ए-आज़म के time तक तो थी, but 1960 शायद थोड़ा आप आगे चले गए, because 1950s में Maududi was with the bureaucracy, he had meetings with the bureaucracy, with chief secretary जो थे उनसे बड़ी गहरी दोस्ती थी. 64 में उनको बैन कर दिया था. Ayub ne. Ayub had banned Jamaat Islami in 1964. Found his own ulemas to oppose him, but Ayub. हाँ, वो तो 65 में ले आए थे ना, because फातिमा जना को वो खातून थी, तो वो देखे ना ये सियासत. बट वही मैं कह रहा हूँ, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस उनका मौदूदी से नहीं था, उनका पॉलिटिकल डिफरेंस था कि अच्छा कौन से उलेमा मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, because Ayub decided what he wanted to do. 65 तक था आइडियोलॉजी, बिकॉज अयूब की अगर आप तकरीरें पढ़ें, जो मैं ये किताब लिख रहा था तो आई वेंट थ्रू दैट पीरियड एज वेल. अयूब की सब जितनी स्पीचेज अवेलेबल हैं पढ़ी, तो 64 तक मैं कहूँगा, और लेट्स से जस्ट बिफोर द 1965 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एंड स्पेशली ड्यूरिंग द 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, तो अयूब का इस्लाम वाज द काइंड ऑफ इस्लाम विच लेट्स से सर सैयद अहमद ख़ान यूज्ड टू टॉक अबाउट. कि सर सैयद अहमद ख़ान तो ये कहते थे ना कि एवरी दिस इज़ मोस्ट रैशनल रिलीजन एंड इफ़ natural laws पे based है. There's a natural law in the universe which God created and that law is rational, और उसी पे आपके sacred texts भी हैं. Anything आपकी कोई भी interpretation उस text की अगर contradict करेगी उस natural law को, that means that it has nothing to do with Islam. So you was coming from that the Aligarh school of thought, rational, ठीक है ना, modernist, anti-theocracy, but willing to use Islam as a national identity card basically. I mean वो जीनी को तो वापस नहीं डाल सकते ना आप, मतलब उन्होंने अगर आप take over military dictator भी फतवे दे के justify करवाया. So once you're using that, it was essentially कि यूब जो करेगा वो करेगा, but then ulemas will be like ये ठीक है. उसमें जो modern Islam था ना वो inherently democrat, उसका overarching ये था कि इस तरह का Islam can only be imposed and popularized and utilized by a centralized system headed by a benevolent dictator. ये उसकी सबसे बड़ी मसला था कि it didn't have any trust in the masses because it thought the masses would remain illiterate for long periods of time and we don't have time to modernize. So this sort of a system, this sort of Islam we are talking about requires a modernized, enlightened dictator. जो बयू खान ने अपने आप को बना लिया था, वो समझ रहे थे वो अतातुर्क बन गए. तो फिर वो 65 के बाद फिरना शुरू हो गया जब ज़रूरत पड़ी. लेकिन ओवरऑल आई वुड से कि ही स्टक टू हिज गन्स, बिकॉज वो बहुत ही नाराज़ हुए थे जब उनके जो वन ऑफ द मेन एडवाइज़र्स थे इस्लामिक स्कॉलर, मॉडर्न इस्लामिक स्कॉलर फजलुर रहमान मलिक. मौदूदी साहब पड़ गए पीछे फजलुर रहमान मलिक के. जब उन्होंने देखा ना अयूब खान थोड़ा वीक हो रहा है तो वो फजलुर रहमान मलिक के पीछे पड़ गए. फजलुर रहमान मलिक वॉज ए प्रोफेसर. He was teaching in Canada Islamic history, and he was called in 1961 by Ayub to join and advise him. So Fazlur Rahman Malik did some fantastic research during Ayub's time, जो बड़ी मुश्किल से मिलती है. और Maududi hated him because Fazlur Rahman Malik said that things like, for example, कि आप हदीस पे रख के कोई लॉ नहीं क्रिएट कर सकते, बट हदीस की ऑथेंटिसिटी 100% करेक्ट नहीं हो सकती, लाइक द ऑथेंटिसिटी ऑफ कुरान इज़ 100% ड्यू टू अकॉर्डिंग टू मुस्लिम्स. ठीक है, तो उस पर बहुत खार आती थी मौदूदी साहब को, बिकॉज मौदूदी साहब ने जब जस्टिफाई करना शुरू किया कि इस्लाम में इस्लामिक स्टेट के बारे में है, तो ही यूटिलाइज्ड अ लॉट ऑफ हदीस एज वेल. ठीक है ना, तो अगर हदीस को आप साइडलाइन कर लेंगे तो इस्लामिक स्टेट का फिर जस्टिफिकेशन बनता नहीं है. तो 67 में निकाल बाहर किया उनको. अयूब कुन प्रोटेक्ट हिम, उनके ख़िलाफ़ फजलुर रहमान मलिक के ख़िलाफ़ मुजाहरे हुए बड़े बड़े शहरों में, तो इस साइड उन्होंने अपनी रिसर्च वसर्च रैप करके बोला जी सामले को, वो वापस चले गए और वो वापस फिर मेरे ख्याल में 78 में वापस 75 में वापस पाकिस्तान आए थे। भुट्टो साहब के साथ एक दो उन्होंने मीटिंग्स की थी, लेकिन वो 88 तक जब तक उनकी वफात हुई वो कनाडा में पढ़ाते रहे। आई थिंक वी लुक एट मुशर्रफ, याया खान, ज़ियाउल हक एंड अयूब खान, तो अयूब खान सेंट लगते हैं उनमें से। सिंस ये जिक्र छेड़ ही दिया है, मुस्तफ़ा क्योल की किताब है, वो उसमें आर्ग्यू करते हैं कि डेमोक्रेसी और इस्लाम शायद एंटीथेटिकल टू ईच अदर नहीं है। अहमद कुरू लुक्स एट हाउ जो मुल्ला मिलिट्री नेक्सस, हुसैन हक्कानी भी बात करते हैं कि ये इस्लामिक स्टेट्स में हमें नज़र आए। आप भी अपनी किताब में बोलते हैं कि जो ये रियासत मदीना है दैट्स मे बी नॉट, वो एक स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल है, क्योंकि जो वेस्टफीलियन आइडिया ऑफ स्टेट यूरोप में मर्ज हुआ, मे बी वो दोनों चीज़ें फिट नहीं बैठते। उसका जो एक क्राइटेरिया हमने बनाया हुआ है मॉडर्न नेशन स्टेट का, वो मदीना में नहीं अप्लाई होता उस तरह से। देखें रियासत का होल कॉन्सेप्ट भूल जाते हैं, हम समझते हैं कि रियासत जिस तरह की रियासत में हम रहते हैं, जो दुनिया के सब मुल्क रहते हैं, वो शायद 2000 साल से चली आ रही है, 1000 साल, ये बहुत ही मॉडर्न क्रिएशन है जी। ऑल इंक्लूसिव मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट जो सही मायने में 19वीं सेंचुरी इस्टेब्लिश होना शुरू हुआ, आइडिया फॉर्म हो गया था शायद 1 सेंचुरी पहले, लेकिन 19वीं सदी में हमने देखा द इमर्जेंस ऑफ द मॉडर्न स्टेट, स्पेशली यूरोप में, फिर यूएस में, फिर बाकियों में। लेकिन हम जब बात करते हैं पुराने स्टेट्स की, जिसको हम प्री मॉडर्न स्टेट्स कहते हैं, उसमें स्टेट्स के ये क्या कहते हैं, ये फंक्शंस नहीं थे, स्टेट के पास इतनी कैपेसिटी ही नहीं थी कि वो रेगुलेट कर सके एवरीडे लाइफ ऑफ सिटीजन्स। तो अब हमारे मौलवी हजरात, इमरान खान हजरात जब बात करते हैं रियासत मदीना की, देयर वाज अ स्टेट ऑफ कोर्स इन मदीना, बट उसके फंक्शंस ऐसे नहीं थे, लेकिन वो इस तरह एक्सप्लेन करते हैं जैसे कि वो जी हर एवरीडे लाइफ में लॉज पास हो रहे थे, लेजिस्लेट हो रहे थे, हर आपका एस्पेक्ट रेगुलेट हो रहा था। स्टेट डिडंट हैव द कैपेसिटी टू डू दीज थिंग्स। स्टेट का मेन मकसद क्या होता था कि जी वो बादशाह के लिए टैक्स कलेक्ट करे ताकि बादशाह एक स्टैंडिंग आर्मी खड़ी रखे और जितनी ज़्यादा उस आर्मी को या तो अपना रीजन अपना एम्पायर से प्रोटेक्ट करे या एक्सपैंड करे ताकि मोर टैक्सेबल पॉपुलेशन अंदर आए। स्टेट कभी इस तरह नहीं पास कर सकता कि तुम सिगरेट नहीं पी सकते, तुम ये नहीं कर सकते, ये कैपेसिटी नहीं थी। अगर आप देखें प्री मॉडर्न स्टेट के बारे में आप पढ़ें, नोबल्स को दे दिया जाता था जहाँ उनके नोबल्स होते थे, जो गवर्नर्स बना दिए जाते थे कि तुम जिस तरह चलाते हो उसको चलाओ, एज लॉन्ग एज यू डोंट रिबेल अगेंस्ट द प्राइमरी रूलर विच इज़ द किंग or and later on the queen, you are free to do anything. The state didn't have so much manpower. लेकिन हम बात करते हैं जैसे कि कोई यूटोपिया था, एक तो यूटोपिया कभी भी नहीं था। और जिस तरह का वो बेसिकली इट्स अ प्रोजेक्शन ऑफ आजकल जो स्टेट का जो आइडिया है, और लेट्स से फ्रॉम द 19वीं सेंचुरी इट्स अ प्रोजेक्शन, बैकवर्ड प्रोजेक्शन हम कर देते हैं जी आज से 14 साल पहले भी ऐसे कोई स्टेट एग्जिस्ट करते थे। उस तरह के स्टेट एग्जिस्ट करते ही नहीं थे 19वीं सदी से पहले, चाहे वो मुस्लिम वर्ल्ड में हो, चाहे वो क्रिश्चियन वर्ल्ड में हो, चाहे किसी और वर्ल्ड में हो। तो मकसद यही है कि लेकिन उस रियासत मदीना को इस तरह प्रेजेंट किया जाता है जैसे कि कोई मॉडर्न फंक्शनल ऑल इनकम्पसिंग मॉडर्न स्टेट था। नहीं, ऐसा नहीं था, वो एक अलग रियलिटी थी। एंड इंटरेस्टिंगली कुरान में भी कब कोई स्टेट का जिक्र नहीं है। देयर इज आई हैवंट फाउंड एनीथिंग। आई हैव रेड एज मच एज पॉसिबल ऑन कमेंट्रीज ऑन कुरान, उर्दू और अंग्रेजी में उसके ट्रांसलेट। देयर इज नथिंग देयर. There's nothing there. So that's why what Maududi Sahab does is, for example, Maududi Sahab starts creating symbols. जो इस्लाम में तौहीद का जो for example है ना, अल्लाह एक है, ठीक है ना, तो Maududi Sahab कहते हैं इसका सिर्फ ये मतलब नहीं, इसका ये मतलब भी है कि you know that state is that oneness as well. कि उसको आप symbolically देखें. स्टेट हैज़ ऑल्सो वननेस ऑफ स्टेट, ठीक है ना। फिर वो 2-3 चीज़ें और कहते हैं कि इसका ये मतलब है कि जिस तरह देखें ये पूरी कॉपी मारी है जर्मन फिलासफर जो था 19वीं सदी का, 18वीं सदी का, हेगल। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द लेट्स से स्पिरिचुअल एथिकल स्टेट, ठीक है ना, विच मौदूदी साहब टू कैर मीनिंग दैट। वो कहता था कि हेगल सेड दैट दिस इज द सॉर्ट ऑफ स्टेट ही इज़ लुकिंग फॉर and this is the sort of state which should be worshipped, because an ethical state is a manifestation of the higher power above. So Maududi sahab ka bhi yahi tha ki Islamic state, a theocracy, is a manifestation of God or God's rule on earth. And it's okay to worship it as well. Because if you serve that state, that means you're serving God. तो ये उनका इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट था मौदूदी साहब का. तो जो उनके काउंटर की आर्गुमेंट आती है कि ये आप कहाँ से लेकर आ रहे हैं. वो कहते हैं जी फलां हदीस ये है और कुरान में इस तरह है. बोले नो, ये तो आपकी इंटरप्रिटेशन है. इस तरह सर सैयद अहमद खान की भी अपनी इंटरप्रिटेशन थी कि कुरान इज़ ऑल अबाउट नेचुरल लॉ एंड रैशनल. ठीक है ना. तो इस इंटरप्रिटेशन हैं. देयर इज़ नथिंग एब्सोल्यूट जिस पे रख के आप कह सकते हैं नहीं जी इस पे स्टेट बनेगा बिकॉज ये इधर बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम ब्रदरहुड ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग द सेम वे लाइक मौदूदी साहब देयर व्हेन दे स्टार्ट सेइंग दैट वी डोंट नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, कुरान शरीफ इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हाउ कैन यू से दैट? व्हाट डज दैट इवन मीन? आई थिंक सर सैयद अगर आज जिंदा होते तो शायद किसी मॉब लिंचिंग का ही शिकार हो जाते. इकबाल भी हो जाते. आपको देखें इकबाल का तो मुझे नहीं पता. सर सैयद तो इनफैक्ट हमें तो स्कूल बुक्स में जो पढ़ाया जाता है सर सैयद, ऐसा लगता है कि बड़ी पीसफुल जिंदगी गुजारी. सर सैयद लिव्ड अ वेरी डेंजरस लाइफ. उनके खिलाफ कितने मेरे पास नंबर भी थे, 100 से ऊपर फतवे थे उनके खिलाफ. उस ज़माने के 19 सदी के जो खाना काबा के रखवाले कहते हैं, जब वो जो भी कहते हैं उनको, जो अंडर वो हैं, उनकी तरफ से भी एक आया था फतवा. He faced so much danger that ये हमारी सोच होगी, ये चीज़ें हम डिस्कस नहीं करते. सब मॉब लिंच होते हैं. इकबाल साहब की चले राइटिंग्स अगर हम साइड भी करते हैं, अगर उनकी अर्ली मेंबरशिप्स देखें आप, कायदे आज़म की अगर आप ग्रोसरी लिस्ट देख लें तो हो सकता है कि जो भी सारे हमारे लीडर्स थे वो आज के पाकिस्तान में तो नहीं सर्वाइव कर सकते, नहीं रह सकते थे वो. देखें और उनके जो अब देखें उनको क्या रिड्यूस कर दिया गया. इकबाल हैज़ बिकम एन इस्लामिक आइडियोलॉग. ठीक है, उनकी ऐसी भी बड़ी राइटिंग्स हैं इकबाल की, स्पेशली इन द लास्ट फ्यू ईयर्स जो उन्होंने लिखी 1930s में. उस पे से तो वो ही डज स्टार्ट लुकिंग लाइक एन इस्लामिक आइडियोलॉग टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बट ही वाज़न्ट, आई वोंट से ही वाज़न्ट लुकिंग फॉर अ थ्योक्रेसी. Iqbal was also inspired by certain romantic German philosophers, 19th century philosophers, which impacted him. And he felt excited about talking about passion and impulsion and intuition. अपने time के सैयद मुजम्मिल शाह जितना उन्होंने नीचे की बातें की है ना, I think. ठीक है ना, तो उन्होंने खैर क्रेडिट भी नहीं दिया. उन्होंने बताया नहीं कि मैं नीचे से छाप रहा हूँ. यार उस वक्त कोई देता नहीं था. या तो आप जब क्रिटिसाइज करते थे किसी फिलोसोफर उस वक्त उसका नाम ले लेते थे, नहीं तो एवरीबडी, इवन वेस्ट के अंदर मैं पढ़ा था अभी रिसेंटली, ऑल each one of them was influenced by what came before them. नाम लेके वो उसको क्रिटिसाइज कर सकते थे, but you saw influences. ठीक है ना. और स्पेशली हमारे यहाँ तो डेफिनेटली मौदूदी साहब पे भी मैं लिख रहा था ऐसे फॉर माई नेक्स्ट बुक, तो उसमें तो आपको हर किस्म का इन्फ्लुएंस नज़र आ जाता है. इकबाल के अंदर आपको नीचे का, हेगल का, मतलब ये चीज़ें नज़र आ जाती हैं. एंड इकबाल स्टडीड हिज फिलासफी इन जर्मनी एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाई दिस जर्मन रोमांटिक फिलासफीज. जर्मन रोमांटिक तो वो बहुत इंस्पायर्ड थे. फैसिनेटिंग कैरेक्टर है, लेकिन ये है कि कहीं कहीं आपके आप उनके पढ़ते हैं, आपकी लाइक आईब्रो खड़ी हो जाती है, यार ये क्या कह रहा है. बट अगर कोई भी एक फिलोसोफर है, एक पोएट है, एक आर्टिस्ट भी है, तो उस पर कॉन्ट्रडिक्शन तो मिलेगी ना. उसमें आप एक यूनिफाइड वो निकालना, मतलब इन्होंने तो वैगनर और इसको यूज़ करके एक नाजीज़म निकाल लिए, बट आई इट्स हार्ड. यू कैन गिव एन इंटरप्रिटेशन. देखिए यार, ही वाज अ पोएट. ठीक है ना, फिलोसफर कह सकते हैं, बट द थिंग इज कि वो पॉलिटिकल आइडियोलॉग बना दिया उसको हमने. अगर आप नोटिस करें, जिन्ना साहब इजंट कोटेड एज मच बाय योर पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, और इवन बाय योर राइट और लेफ्ट की पार्टीज दोनों, जितना इकबाल कोट होता है. जबकि इकबाल पर्सनली स्पीकिंग हैड नो आइडिया व्हाट अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी वाज. उनकी राइटिंग के साथ आप कोई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं क्रिएट कर सकते. आप उनकी राइटिंग से स्लोगन्स निकाल सकते हैं, जज्बाती स्लोगन्स निकाल सकते हैं. आप उसकी राइटिंग्स में से कहीं कहीं ईस्टर्न मैनिफेस्टेशन और सर्टन जर्मन फिलासफी ढूंढ सकते हैं, लेकिन उनको हमने एक पॉलिटिकल आइडियोलॉग बना दिया जो नहीं थे. हमने जिन्ना को भी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉग बना दिया जो बनाना पड़ा, स्पेशली 80s के बाद जब हमने बोला एक चीज़ पाकिस्तान आइडियोलॉजी बननी चाहिए. तो हमें इन लोगों को, जिन्ना साहब वॉज अ प्योर पॉलिटिशियन, इकबाल वॉज अ फैंटास्टिक उर्दू प्रोज एंड पोइट्री राइटर. ठीक है, इन लोगों को हमने पॉलिटिकल आइडियोलॉग्स बना दिए. 4-5 उनके हमने कोट्स लेके बोला था कि दिस इज़ व्हाट इट मींस, एक्सपैंड कर दिया. पॉलिटिकल आइडियोलॉग जो था ना असल में, वो थे मौलाना अबुल आला मौदूदी. ही वॉज ए जेन्युइन पॉलिटिकल आइडियोलॉग, आप उससे एग्री करें या ना करें, ही वॉज एन आइडियोलॉग. That is what an ideologue is, who create ideas के what a state should be, ठीक है ना, उसके अंदर politics क्या होगी, dynamics क्या होंगे, how it will be achieved, like Karl Marx or Lenin or Mao Zedong. These are political ideologues. Iqbal was never a political ideologue. Jinnah was never a political ideologue. I think mill बहुत जाता है ना. Iqbal has written a lot more prolifically than Jinnah. And sometimes so much written that एक चीज दूसरी चीज से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही होती है. बिकॉज इकबाल के तो बहुत सारे स्टेजेस थे ना. एक स्टेज पे वो क्या कहते हैं, अतातुर्क बिकेम अ हीरो, अ टाइगर. उसी दूसरे 2 साल बाद ही बिकेम कि यार इसने तो लाइन टुडे लाइन लगा दी है मुसलमानों को, ठीक है ना. कभी कभी वो कार्ल मार्क्स, आहा क्या चीज़ उनकी आप पढ़ी आपने, कम्युनिज्म पे उन्होंने ओड्स लिखी हैं इकबाल की. लीडर मुझे याद आ गया, जैसे इंटरव्यू में पूछा था कि एक जनरल साहब के बारे में क्या ख्याल है, तो उन्होंने बोला उनको तो हमने खुद ही लाइन लगा दी. हम रियासत मदीना की बात करते हैं, वापस आपकी किताब पे आते हैं. आप शब्बीर उस्मानी का जिक्र देते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को बोला था नया मदीना है. आई थिंक बुक में शायद मेंशन, आई डोंट रिमेंबर इट, शब्बीर उस्मानी है. बट जो निज़ाम मुस्तफ़ा मूवमेंट थी, दैट ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज़ विद व्हाट रियासत मदीना डज. तो ये हर चीज़ हमें एक नहीं लगती है, ज़ाहिर बात है हमें हमारी तारीख़ का नहीं पता. बट डू यू थिंक दैट Imran Khan's team or their media team or their PR team, they sit together and actually be like, अच्छा शब्बीर उस्मानी ने बोला था, ये हम रीब्रांड कर सकते हैं, या बस एक कॉन्शियसनेस बन गई है तो उन्होंने वो बना लिया, या do they connect with Pakistan history deliberately? यार आई थिंक एक अनकॉन्शियस लेवल पे कनेक्शन तो है. आप सुनते रहते हैं ना बातें, आप सुनते रहते हैं, इतना वो आपके डिस्कोर्सेज में यूज़ होती है, पता भी नहीं चलता किसने क्या बोला था, लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाती है. बट ऑल्सो रिमेंबर जो इमरान खान को बनाने वाले थे, जो थिंक टैंक्स, जो मिलिट्री चला रही थी फॉर एग्जांपल, जिन्होंने ये गोल खिलाया, ठीक है ना, दे वर वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस हिस्ट्री कि हाउ दीस सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजीज हैव बीन वर्कड फॉर टू देयर एडवांटेज और फॉर पॉलिटिकल रीजंस दे न्यू. तो रियासत मदीना वाज जस्ट अनदर टर्म फॉर लेट्स से निज़ाम मुस्तफ़ा जो 97, और उससे पहले पीपल्स पार्टी ऑल्सो टॉक्ट अबाउट क्या कहते थे, मुसावात मोहम्मदी फॉर एग्जांपल, इस्लामिक सोशलिज्म को. और उनका आइडिया था कि जी हम बात कर रहे हैं, और इंटरेस्टिंग है उनके फाउंडेशंस पेपर पढ़ो और स्पेशली 1970 का मैनिफेस्टो पढ़ो पीपल्स पार्टी का, दैट से कि बाय इस्लामिक सोशलिज्म वी मीन द सॉर्ट ऑफ फ्यूजन बिटवीन वेस्टर्न वेलफेयर सिस्टम, जो इमरान खान साहब भी कहते हैं, स्कैंडिनेवियन वेलफेयर सिस्टम, एंड ऑल्सो a welfare Islamic welfare state which existed in the 7th century Medina. तो वो बात उस वक्त से चल पड़ी थी, और उससे पहले भी कही जा रही थी, वो कह रहे थे लोग. बेको मौदूदी साहब ने भी अपना जो 1940s में कंसोलिडेट किया आइडिया ऑफ हकूमत इलाही जिसको कहते थे, वो भी इसी लाइन से आ रहे थे कि जी एक 7th सेंचुरी में एक वेलफेयर स्टेट था इस तरह का, रन ऑन शरिया लॉज, एंड वो प्योर था, ठीक है ना, उसको मैं रेप्लिकेट करूँगा आज के ज़माने में बाय एडिंग 20th सेंचुरी की मॉडर्न स्टेट डायनेमिक्स के साथ. तो वो बात तो चली आ रही थी, तो वो पहले पीपल्स पार्टी में सही मायनों में अब्जॉर्ब की, इस्लामिक सोशलिज़म के नाम से चली, जिसका नाम फिर उन्होंने मसावात मोहम्मदी रख दिया. फिर हमने उसके तोड़ में सुना जी एक निज़ाम मुस्तफ़ा चीज़ है जिसमें सोशलिज़म का कोई हाथ नहीं है, उसमें हर कोई फ्री एंटरप्राइज है, मतलब उसमें यू फ्री टू सॉर्ट ऑफ डू व्हाटएवर यू वांट टू डू एज लॉन्ग एज यू आर कंट्रीब्यूटिंग इन क्रिएटिंग अ ट्रूली पायस स्टेट. ठीक है, आप पे कोई डंडा नहीं है स्टेट का कि आप बोलें कि ये नेशनलाइज हो गया, आप ये नहीं कर सकते, ये यू आर इनकरेज्ड, जस्ट वाज जिहाद डिड ना, इवेंचुअली यू इनकरेज्ड टू स्टार्ट योर बिजनेस, मेक एज मच प्रॉफिट एज यू डूइंग, एज लॉन्ग एज ऑल दिस वाज कंट्रीब्यूटिंग इन क्रिएटिंग अ सो कॉल्ड पायस इस्लामिक स्टेट. और फिर हम आगे आ जाते हैं रियासत मदीना. इसमें सर लोग को बहुत पसंद है बोलना कि आवाम जाहिल है और शायद डेमोक्रेसी होनी नहीं चाहिए क्योंकि ये जो पॉपुलिज्म है वो जीत जाएगा. लेकिन अगर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शंस देखें, 1970 में इलेक्शन हुआ, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी मुजीबुर रहमान एंड ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को मिली. आई एग्री कि उन्होंने इस्लामिक सोशलिज्म किया, बट आई डोंट थिंक लार्जली पीपल वर वोटिंग फॉर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बिकॉज ही वाज द इस्लामिक कैंडिडेट. उनकी अपोजिशन वाज द इस्लामिक कैंडिडेट जिनको मिलिट्री पुश भी कर रही थी. जनरल मोहम्मद उमर के काफ़ी जिक्र है कि उन्होंने पैसे वैसे भी दिए, उसके बावजूद भी जमात इस्लामी और ये सब जो हैं 4-5 सीटें मेरे ख्याल से ईस्ट वेस्ट और मिलाकर मिले जीती थी. ज़िया के 10 साल हुए, उसमें उन्होंने ब्रेन वॉशिंग की, सब कुछ किया. उसके बाद इलेक्शन हुआ, बेनज़ीर भुट्टो जीती. तो जब पाकिस्तान में एक्चुअली फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो वो इस्लाम का मंजन इलेक्टोरल वोट में तो नहीं बिकता यार, इलेक्टोरल वोट पे नहीं बिकता, लेकिन हम देखना चाहिए हमें कि ठीक है 70 तक ये बात सही थी, 71 के बाद मसले होने शुरू हुए, 71 के बाद आप इसको कहते हैं ना एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आके हो गए कि ईस्ट पाकिस्तान चला गया, टू नेशन थ्योरी का अब क्या होगा, आपके मुसलमान भाई बंगाली जो थे वो ही चुटलात मार के आपको चले गए, टू नेशन थ्योरी कोलैप्स कर गई आपकी, अब क्या करें, बलोच भी गुस्से में बैठा हुआ है, सिंधी भी गुस्से में बैठा हुआ, पश्तून भी बैठा हुआ गुस्से में। जितने हम पे वैसे जयाले होने के इल्ज़ाम लगते हैं, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बलोचिस्तान में तो ज़्यादती किया, नहीं ज़्यादती देखो करेगी, स्टेट ऐसे ही करता है, मैं अभी आगे आऊँगा बताऊँगा कि स्टेट से जब पंगा लेते हैं ना तो यू हैव टू बी रेडी टू पे अ प्राइस। उस पे हम बाद में जनरल तिक्का खान भाई जो भी किया, मैं स्टेट की बात करूँ, आज भी जो हो रहा है ना, आज लोग उछल रहे हैं स्टेट स्टेट ये कर रहा है, भाई जब आप स्टेट से पंगा लेंगे यू हैव टू बी रेडी टू पे अ प्राइस। Imran Khan did this to TLP. Imran Khan did this with the state recently, ठीक है ना, now, but I think he wasn't ready to pay that price. चलो उस पर बाद में आते हैं, ये बाद में, मैं उसमें स्टेट की बात कर रहा हूँ। तो ये स्टार्ट तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से हुआ था ना, इस्लामाइजेशन और ये वो 73 का और कॉन्स्टिट्यूशन 74 के बाद देखा ना क्या हुआ, एंड इट वॉज कटिंग अक्रॉस मुस्लिम कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज सऊदी अरेबिया हैड बिकम टू पावरफुल। 73 के ऑयल क्राइसिस हुए, पेट्रोल प्राइसेस शॉट अप, सऊदी अरेबिया बिकेम द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट रिच कंट्रीज इन द वर्ल्ड, एंड देन इजिप्ट साइडलाइन हो गया, जो इजिप्ट एक ज़माने को लीडर ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड कहा जाता था, नासिर के ज़माने में, इट वाज सेक्युलर अरब नेशनलिस्ट, वो ख़त्म हो गई बात, तो उसने भी बड़ा वो किया, एंड जो स्पेशली 67 में हारे हैं ना वॉर, इजिप्ट, जॉर्डन और सीरिया, इसराइल से 6 दिन के अंदर अंदर इसराइल ने उड़ा के रख दिया उनको। सो डिसल्यूजनमेंट सॉर्ट ऑफ एज अ शॉक कट अक्रॉस द मुस्लिम वर्ल्ड, हु सॉ नासिर एज द गाय हु कैन नॉट बी डिफीटेड, हु स्टैंड्स अप अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इसराइल एंड इज स्टिल वेरी मॉडर्न, एंड वो खुद कहता था ये जो बादशाहते हैं सऊदी अरेबिया में, दीज आर बैकवर्ड पीपल, ठीक है, पैसा बहुत दे दिया अल्लाह मियां ने लेकिन अकल नहीं दी है, डेकेडेंट है ये लोग। तो वो जब हो गया, वो मिथ टूट गई, तो एक डिसल्यूजनमेंट आ गई, हमारे यहाँ भी एक डिसल्यूजनमेंट आ गई थी, बांग्लादेश चला गया, ये क्या हुआ, आखिरी दिन तक हम समझ रहे थे नहीं जी ये हो ही नहीं सकता, ये हम तो फॉरेन डिनाइल में चले जाते हैं ना। तो फिर फर्स्ट यू सॉ अ चेंज कमिंग विद इन द मिलिट्री, क्या भुट्टो साहब अलाउड द इस्लामाइजेशन ऑफ मिलिट्री, थिंकिंग कि अब जब वो ये करेंगे तो मिलिट्री की जो वो सो कॉल्ड दूसरी टेंडेंसीज होती हैं टू कम इनटू पावर थ्रू कूज, वो ख़त्म हो जाएंगी। ये नाइविटी थी भुट्टो साहब की। लेफ्टिनेंट जनरल थे ज़िया-उल-हक भुट्टो साहब की रिजीम में, और ही स्टार्टेड डिस्ट्रीब्यूटिंग बुक्स बाय मौदूदी एंड अदर इस्लामिक स्कॉलर्स टू सोल्जर्स, कोई पैम्फलेट लिखा था ना उन्होंने, वो भी खुद भी कर रहे थे ना, बट द थिंग इज के ही सेड कि ये डिसल्यूजनमेंट होगी आर्मी के अंदर, इनके अंदर बड़े जनरल्स के खिलाफ गुस्सा भी है कि हाउ कैन यू जस्ट यू नो जस्ट हथियार कैसे आपने रख दिए। तो ओवरकम दैट डिसल्यूजनमेंट लॉट ऑफ मिलिट्री पीपल स्टार्टेड चूजिंग रिलीजन और रिलीजियोसिटी और वट एवर, तो वहाँ और इसको इनकरेज किया गया भुट्टो साहब के ज़माने में कि ये शायद इस वक्त इसी ये नमाज़ों में लग जाएंगे, रोज़े वोज़े रखेंगे, इनकी जो अंदर ये सियासी अर्ज़ें ख़त्म हो जाएगी, नॉट रियलाइजिंग कि आप उनको मौदूदी पढ़ा रहे हैं, who talks about how to create an Islamic state, and मौदूदी पढ़ा है जिसने 1970 में एक फतवे में आपको काफिर कह दिया था। यू थिंक ज़ुल्फ़िकार भुट्टो मेड अ मिस्टेक 71 के बाद वो जो सीनियर लीडरशिप जनरल की थी वो फारिग करनी चाहिए थी? यार देखो फारिग नहीं करता रहा, फिर भी उसको दुआ के क्रिटिसिज्म मिलता कि क्यों नहीं किया, ये तो एम्बिशियस जनरल्स हैं, दे आर स्टिल गोइंग टू यूज यू बिकॉज ही डिडंट वांट टू बी यूज्ड। अयूब खान, याया खान को इसने नहीं हटाया था, ये तो बाहर, ही वाज इन आई थिंक पेरिस जब वॉर हारे, पाकिस्तान हारी, तो इट वाज जस्ट बैच ऑफ जनरल्स एंड बैच ऑफ ऑफिसर्स, जूनियर ऑफिसर्स हु सेड याया खान, if you don't want to die, if you we will topple you, just go, yeah. एंड भुट्टो साहब को ले आया था, आ जाइए जी ले लें पावर आप. Apparently one of the generals close to Yahya also wanted Zulfikar Ali Bhutto arrested and the junior officers were like nahi bhai kya ho gaya. Junior officers were with Bhutto sahab because Bhutto sahab had taken a very anti-Indian aggressive stance, ठीक है ना. एंड अगर आप उनके इलेक्शन रिजल्ट भी पढ़ें ना तो जहाँ जहाँ ये पिंडी एरिया जहाँ ये आर्मी की रिक्रूटमेंट स्ट्रांग होती है अटक ये स्वीप कर गए थे भुट्टो साहब वहाँ. सो विद इन दी आर्मी भुट्टो साहब के लिए बहुत सिंपथी और सपोर्ट थी अर्ली ऑन. बट देखो भुट्टो साहब वाज अ पॉलिटिशियन इन सेंस ही न्यू कि यार आज उन्होंने याह्या के साथ ये किया है ना एंड दे फीलिंग स्ट्रांग एंड दे फीलिंग मीनिंगफुल एंड दे फीलिंग इन्फ्लुएंशियल. ये मेरे साथ भी 1-2 साल में किया था और हुआ 73 में देयर वाज अ कू अटेम्प्ट. जनरल गुल हसन को निकाला गया तो वो था ही वाज सपोजली पार्ट ऑफ दैट कू अटेम्प्ट और हुआ एंड उन्होंने निकाला. अगर वो नहीं निकालते तो मोस्ट प्रोबेबली वो कूब में शायद 74 से पहले हटा दिया जाता है. इतनी नहीं हुई ना अकाउंटेबिलिटी. अ लॉट ऑफ द जनरल स्टेट या लॉट ऑफ जनरल स्टेट बिकॉज यू हैड टू देखें आप देन यू 73 में आप आर्मी को वापस मेन स्ट्रीम में इस तरह ले आते हैं या आप वापस उनको एक्टिवेट करते हैं जब आप बलूचिस्तान में भेजेंगे. यू नीडेड द मिलिट्री. पुलिस से तो नहीं होता था. So that is when the military actually got the space to reorganize itself and then strike back in 1977 July. By that time Nizam-e Mustafa ki popularity among certain middle and urban middle classes also gave them a jawaz or a rationale or an ideology to play with. Jo Zia-ul-Haq ne le li, hijack kar li. To ye hua basically. तो फिर ये इस्लामाइजेशन और सोसाइटी पहले हमारे इन क्लासेस में पहली हुई थी. इनसिक्योरिटी वो नेशनलाइजेशन हो रही है, इकॉनमी नॉट डूइंग वेल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मिडिल क्लासेस वर इम्पैक्टेड बाय दैट एंड दे आल्सो डिड एग्जैक्टली व्हाट द सोल्जर्स वर डूइंग टू फाइंड सम सॉर्ट ऑफ रेफ्यूज फ्रॉम द टेंशंस ऑफ द डे और दे फेल्ट इनसिक्योर. दे आल्सो स्टार्टेड टू फाइंड रेफ्यूज इन religiosity and religion. That's why Nizam-e-Mustafa became so popular, especially among the classes, the middle and lower middle classes in Karachi and Lahore, for example. These two became the epicenters of the movement against Zulfikar Ali Bhutto in 1977. वोट तो नहीं मिला इतना. नहीं यार अब पता नहीं ना वोट नहीं मिला. मैं तो कह रहा हूँ भुट्टो साहब तो वैसे ही जीत जाते हैं बिकॉज उस वक्त आपकी मिडिल क्लास की वोट बैंक इतना बड़ा नहीं था. आपके अभी भी वोट बैंक ज़्यादातर प्रो भुट्टो था. बट वो बीच में उन्होंने खुद ही भुट्टो साहब कहते थे कि यार पंजाब में 3-4 और उनको डॉक्टर मुबशर हुसैन जो बड़े क्लोज थे एक ज़माने में उन्होंने जो मिराज ऑफ पावर किताब लिखी 2001 जो 2000 में ये लिखा कि हाँ ज़्यादा ज़्यादा 6-7 सीटों में पंजाब में धांधली की कोई ओवर इंथुजियास्टिक ब्यूरोक्रेट्स जाले थे उन्होंने की. उसकी वजह से खैर वो वजह नहीं होती तो कोई और वजह बन जाती. कोई ना कोई बन जाती. आई थिंक बिकॉज इवन द इलेक्शन कॉल ऐसा है जब उनके पास गई कि सर आप बहुत पॉपुलर हैं आप इलेक्शन करवा वो कोई नेक नियति से गई थी. अब देखो ना नेक नियति. अब लेकिन दूसरी बात भी है कि जब ये भुट्टो साहब को टंगाने लगा था ज़िया इसने मैं ऐसा ऐसे पूछा था कि क्या होगा कि अगर टंगा दो पता लगाओ कि क्या होगा. तो ऐसा ही की रिपोर्ट ये थी कि सर एनार्की सिविल वॉर. तो उसके आसपास जो भुट्टो साहब के थे ना जो वो भुट्टो साहब के कह रहा हूँ ज़िया के मेन स्पेशली A.K. बरोही एंड वो दूसरे जो है पीरजादा साहब जो हर डिक्टेटर के साथ थे. अब तो चल बसे जो अयूब के खास साहब के साथ भी थे. ज़िया के बाद में मुशर्रफ के भी बन गए थे. उनकी खासियत ये थी कि वो ओथ लिखते थे ना हर डिक्टेटर के लिए. उन्होंने ओथ लिखा और जजेस के लिए जिसमें द फैक्ट दैट यू हैव टू रिमेन लॉयल टू कॉन्स्टिट्यूशन वो गायब कर देते थे. शरीफ उद दीन पीरजादा तो ये उनकी ही वॉज ब्रिलियंट लॉयर बैरिस्टर था. वो ओथ ऐसे लिखते थे इसके अंदर ये ओथ के अंदर नहीं होता था कि यू हैव टू रिमेन लॉयल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. खैर उन्होंने नहीं गो फॉर इट कुछ नहीं होना. और क्या होना था यार खुद आई मीन ऑब्वियसली कोई एनार्की नहीं हुई. नहीं हुई बिकॉज एक तो लोगों ने लोग सड़क पे आए उन्होंने अपने आप को जलाया. लोग कहते हैं मार्शल लॉ आया और आजकल खान साहब भी रोते फिर रहे हैं इतना बुरा तो ज़िया में क्यों. यार उनको नहीं पता इट इज़ वन ऑफ द वर्स्ट वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट डिक्टेटरशिप्स इन दिस कंट्री. वन ऑफ द मोस्ट वायलेंट. कोई इस वक्त यहाँ चीखें मारने ना ट्विटर तो ज़ाहिर होता नहीं था, मतलब आपको उठा के ले जाएं, मिलिट्री समरी ट्रायल हुआ और आपको एक्सिक्यूट कर देते थे। 84, 85 में आई डोंट नो कितने 7-8 यंग लड़के फ्रॉम एजेस बिटवीन 15 to 23, 24 टंगा दिया विथ व्हाट एविडेंस फॉर व्हाट नोबडी नोज। अब सिर्फ उनको याद करती है पीपल्स पार्टी, कभी उस बेचारी की तस्वीर लगा देती है किसी को, वो टांग दिए गए। कोई अखबार में कुछ नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। एक औरत थी सिर्फ उस जमाने में जो सिर्फ कुछ बात करती थी इस पे, और उसका नाम था आसमा जहांगीर। आजकल पीटीआई वाले आसमा जहांगीर की वीडियो शेयर करते हैं, वेर सॉरी यू वर राइट, जब वो बोल रही थी तब आप उनके बारे में क्या 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 नहीं कहते थे। यार शी इज़ दी ओनली वन जिसको मैं कहता हूँ कि आज भी अगर आसमा जहांगीर जिंदा होती और वो कह रही होती कि जो पीटीआई के खिलाफ जो हो रहा है गलत हो रहा है, मैं उसको आंखें बंद करके उसको मैं रिस्पेक्ट करता, बिकॉज उसका एक कंसिस्टेंट वो रहा है, कोई उसके अंदर कोई सियासी बैगेज के साथ वो ही नहीं बोलती थी। शी एक्चुअली मेंट व्हाट शी सेड एंड शी फॉट फॉर इट। ये तो उसकी हमें बड़ी बड़ी फाइट्स पता है, इसकी छोटी मोटी फाइट्स का पता ही नहीं है कि वो किस तरह मतलब ऐसी औरतों के साथ जिसके बारे में हम सुनते भी नहीं है, क्या क्या नहीं हुआ उसके लिए फ्री केसेस भी लड़ती थी वो। ठीक है, आजकल जो आजकल हो रहा है ना, आजकल हमारे बहुत है जी कॉन्स्टिट्यूशन को दिफा करने के लिए और धमेरे बचाने के लिए बहुत लोग निकले हुए हैं आजकल। आई डोंट ट्रस्ट देम। सर इसमें मैं तारीख से ही आपको जोड़कर यही सवाल पूछना चाहूँगा, डोंट यू ऑल्सो थिंक कि हमें तारीख से इतने हम अनकम्फर्टेबल इसलिए हैं क्योंकि हम भी जिन क्लासेस में बैठते हैं उठते हैं, जिनको हम ट्विटर पर देखते हैं, जो सबसे नुमाया हैं, जो टीवी पे आते हैं, अगर हम सच बताएं हाजिर नाजर जानकर अल्लाह मियाँ को सच बोले तो तारीख में तो यही दगड़ है ना, जो यही है ना जो हमारी एक एलीट क्लास है who's been okay with आमरियत, who's been in bed with dictators, who's taken all the elite privileges that have been available to them, who have hated democracy। आपने किताब में भी लिखा है कि मिडिल क्लास अराउंड द वर्ल्ड उनको वर्किंग क्लास से एक नफरत होती है, शायद पाकिस्तान में और भी ज़्यादा है क्योंकि कॉलोनियलिज्म की वजह से हमने एक बाबू क्लास बना दी थी, तो वो तो वर्किंग क्लास को अपने जैसा समझते भी नहीं है ना, उनको लगता है कि ये तो सैवेजेस हैं और हम लोग एक्चुअली ब्रिटिशर्स हैं, हम लोग उनसे करीब हैं। सो ये जो हमारी इंटेलेक्चुअली बैंकरप्ट एलीट है, यू ऑल्सो फील लाइक ए पॉपुलर नैरेटिव में हमारी हिस्ट्री की सच्चाई इसलिए नहीं आती बिकॉज दे हैव बिन द विलन्स, पीपल वी रिस्पेक्ट एज इंटेलिजेंसिया, पीपल वी कॉल इट फेस्टिवल्स एंड से कि इन्होंने बड़ी सर्विस की है। वो और उनके ख़ानदान वाले हमेशा से जनरलों की गोदों में बैठे हुए थे। जी हाँ बिल्कुल, मैं मानता हूँ। मैं यही भी कहना चाहूँगा कि जिस क्लास की तुम बात कर रहे हो जिसमें मैं भी शामिल हूँ, तुम भी शामिल हो, मैं लेट्स जस्ट टॉक अबाउट जनरल मिडिल क्लास, बुलाना मत छोड़ देना फिर भी हम ये तो एकेडमिक डिस्कशन है। चाहे इस क्लास के लेफ्ट के हों, चाहे इस क्लास के राइट के हों, चाहे सेंटर के हों, इनहेरेंटली फॉर सर्टन रीजन विच वी कैन डिस्कस वी आर ऑल रिएक्शनरीज। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, 77 में भुट्टो साहब के खिलाफ जब मूवमेंट चल रही थी वो राइट विंग मूवमेंट थी, वो मिडिल क्लास मूवमेंट थी। उस मूवमेंट में आप देखते थे कि ये तीन मेन रिलीजियस पार्टीज जो हमारी हैं उसके मौलवी आगे आगे कुरान शरीफ पकड़ा हुआ है, ये हमारा दस्तूर है, पीछे पीछे इसी मिडिल क्लास के सुर्खे, किसी ने माओ ज़ेडुंग की रेड बुक पकड़ी हुई है तो किसी ने कार्ल मार्क्स की दास कापिटाल पढ़ी है, ये भी लगे हुए हैं। इनका हमेशा हिस्ट्री रही है, लेट 60s में ये थोड़े चढ़े थे लेकिन उसके बाद फिर ये साइडलाइन हो गए। भुट्टो साहब को दे सॉ एज अ डेमागॉग, अथॉरिटेरियन, वडेरा, पता नहीं क्या मौलवियों के पीछे चल पड़े थे, पता नहीं क्या सुन रहे थे क्या मिलेगा इनको। तो बेसिकली आई वुड से दे वर बीइंग इक्वली रिएक्शनरी। ठीक है, मेरा सवाल उनसे हमेशा ये होता है कि यार इतने आप पढ़े लिखे, छोड़ दें आप मौलवियों को ना, आप तो क्या क्या थीसिस एंड थ्योरीज पढ़ते हैं, आप तो कहते हैं कि हम मार्क्सिज्म के थ्रू और वो हिस्टोरिकल डायलेक्टिक प्रॉब्लम के थ्रू हम पकड़ लेते हैं कि क्या होने वाला आइंदा 20 साल में, या आइंदा 5 साल में एटलीस्ट। आप आगे नहीं देख सके क्या होने वाला है। इन हाइंडसाइट, इवन दो मैं तो बिल्कुल ही छोटा बच्चा था, मुझे नहीं पता 77 में क्या हुआ, लेकिन इन हाइंडसाइट आई कैन सी कि कांट दे सी ऑल द कंडीशंस वर राइप फॉर एन आर्मी मिलिट्री टेक ओवर एंड अ रिएक्शनरी बैकलैश अगेंस्ट भुट्टो। इससे कोई ना जमहूरियत को फ़ायदा होना था ना यहाँ सोशलिज्म आना था उसके बाद आपकी तरह, ना वो सही मायनों जनवर, यहाँ एक रिएक्शनरी अथॉरिटेरियन सेटअप को की स्पेस बन चुकी थी। If I may project the present into the past, ये क्लास के लिए तो अच्छा ही है ना। वो जो एक फ़ोन कॉल भी ली कोई कि कमबख्त मार्शल लॉ भी तो नहीं लगा रहे, यही मेंटालिटी है ना। मैंने बोला यही मेंटालिटी है। खातून ने ये कहा था ना सासू जी ने, यही आपको लेफ्ट में भी मिल जाएगा। वो ना डायरेक्टली नहीं कहेंगे कमबख्त मार्शल लॉ नहीं लगा रहे। ये मैं कॉन्ट्रोवर्शियल बात करने लगा हूँ। Inherently we are all reactionaries. Why? Because we are a very insecure class. Middle class आपकी स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, थाईलैंड, तुर्की फॉर एग्जाम्पल में हमारी एवोल्यूशन, हमारी इमर्जेंस इतनी रेवोल्यूशनरी नहीं थी। यूरोपियन रेवोल्यूशन मिडिल क्लास की इमर्जेंस थी फ्रेंच रेवोल्यूशन के ड्यूरिंग, ठीक है ना। उस जमाने में तो ऐसा रेवोल्यूशनरी क्लास उभर के आई थी ना आपकी मिडिल क्लास यूरोप में। थाईलैंड की जिस तरह मिडिल क्लास इनसिक्योरिटीज निकल रही हैं, काश हमारी भी उस तरह निकलती तो हम खुश होते। यार थाईलैंड के मिडिल क्लास का वही हाल है। वहाँ पे भी यही हो रहा है। मैं बता, दो मिडिल क्लासेस वहाँ बन गई हैं। एक वो मिडिल क्लास बन गई है जो रूरल एरिया से आई थी, जिसको ये मानते नहीं है, जो बड़े बड़े बैंकॉक शहरों में रहते हैं उनको नहीं मानते, वो कहते हैं जाहिल। हमारे यहाँ भी यही हुआ। ज़िया के ज़माने में बहुत से रूरल एरिया से लोग, या सेमी रूरल या पेरी अर्बन रूरल एरिया से लोग आए एंड दे डिड प्रीटी वेल इन बिग शहर, और वो एक मिडिल क्लास बन गए। आपकी जो एस्टैब्लिश मिडिल क्लास थी वो यूँ करके देखती थी शक से, गैर मकामी आ गए। हाँ वही ना कि ये जाहिल कहाँ से आ गए, वही मेंटालिटी। नौ दौलती है फॉर एग्जाम्पल थी भी, लेकिन मसला ये है कि मैं वहीं आ रहा हूँ कि अभी भी इनकी जो ये फितरत है ना, मैं तो लेफ्ट पे अटक जाता हूँ बिकॉज मेरी एक हिस्ट्री रही है लेफ्ट के साथ, और बड़ा मैंने जज्बात और बड़ी उनके लिए मारे खाई हैं, जेलें खाई हैं। ये सीखते ही नहीं हैं। इनकी दूसरी जनरेशन, तीसरी आ गई हैं। इनकी आदत है दे आर ऑलवेज एंड अप राइडिंग द कोट टेल्स ऑफ रिएक्शनरीज, कि इनको पता नहीं क्या मिल जाएगा। आई थिंक लेफ्ट तो बेचारा छोटा सा ही रह गया। ये जो लिबरल एलीट है, आरंट दे अ लॉट टू ब्लेम। मतलब अगर हम Javed Jabbar came on the podcast, right? Like he would be considered a intelligent person on the right, right? But अब वो Zia-ul-Haq के साथ भी थे, मुशर्रफ के साथ भी थे। तो जब आपकी तारीख है, इवन अगर इशरत हुसैन की बात करें, मैं भी रिस्पेक्ट करूँगा, काम बहुत ही अच्छा है, सेमिनल काम है। But I mean you worked with dictators ना, तो once everybody who's considered intelligent or is respected in these circles, अगर आप लोग justify कर रहे हैं military dictators को, military dictators से salaries ले रहे हैं। अभी वो जो खदीजा शाह खातून है जिनके पीछे ये लोग पड़े हुए हैं, अगेन इफ शी वाज जस्ट एट द प्रोटेस्ट दैट्स नॉट अ क्राइम, दैट्स नॉट व्हाई शी शुड बी टारगेटेड। आपके वालिद सलमान शाह, व्हाई शी हाइडिंग इफ शी इज नथिंग रॉन्ग। वही है ना कि एक क्लास के पास ये प्रिविलेज है कि वो मुल्क छोड़ सकती हैं या छुप सकते हैं या उनको लोग छुपा सकते हैं। देखा था ना क्या कितने एक्साइटेड हो रहे थे हम लोग जब हम खातून या किसी मर्द को देखते हैं जो हमारी तरह ड्रेस हुआ होता है और प्रोटेस्ट कर रहा होता है या कर रही होती है और चीज़ें तोड़ फोड़ रही होती है, हम उसको इनकलाब कहते हैं। हम कहते हैं हाँ, तालियां बजनी शुरू हो गई थी, पूरा ट्विटर अपलॉड कर रहा था आपके लेफ्ट के होए या कुछ भी होए। वो मौलवी के मौलाना साहब के दाढ़ी वाले जो गेट फैलांग रहे थे उस वक्त एकदम से रिपल्शन हो रही थी देख के उनको। अगर हम 2021 में टीएलपी वालों के साथ यही हो रहा था, वो जला घरा रहे थे। मैंने 7 लोग पकड़े फॉलो कर रहा उनको, जो बहुत तालियां बजा रहे थे टीएलपी के खिलाफ। नहीं टीएलपी पे नहीं, जो अभी हो रहा था। यार ये है रियल रेवोल्यूशन, ये मिडिल क्लास नहीं, ये देखो खातून और ये देखो। वो ताड़ गए थे, वो देख लिया था कि हमारी तरह कपड़े पहने हुए, अंग्रेजी बोल रही है, तो समथिंग स्पेशल इज हैपनिंग, नॉट रियलाइजिंग दिस हैपेंड ओवर एंड ओवर अगेन। सो आई वेंट बैक, साथ थे लोग, आई वेंट बैक एंड चेक देयर ट्वीट्स। पता नहीं कौन सा महीना 2021 में टीएलपी के राइट से लाहौर में हुए थे। उनमें से 4 ऐसी गालियाँ, ये जाहिल, ब्यूटीफुल लाहौर को तबाह कर दिया। ब्यूटीफुल लाहौर को, जो भी ब्यूटीफुल लाहौर अभी तबाह हो रहा था वो इनकलाब था, ब्यूटीफुल लाहौर उसका तबाह हो रहा था वो जाहिलों का काम था। मेरा मकसद अगेन कहने का ये है कि यार हम सब रिएक्शनरीज हैं इनहेरेंटली, चाहे हम बिल्कुल बड़ी बड़ी तकरीरें करें ह्यूमन राइट्स की और बड़ी तकरीरें करें क्या कहते हैं जमहूरियत की और कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे यहाँ रिएक्शनरी है। हमें इन दी एंड, अब जैसे मैं वापस आ जाता हूँ, कराची वाले इलेक्शन जो बोल रहे थे, वो फॉरन स्वीपिंग स्टेटमेंट दे दिया था लेफ्ट ने कि वो जमात स्वीप कर जाएगी। भाई कैसे? जस्ट बिकॉज यू डू नॉट लाइक, और यू ऑल्सो हैव, पंजाब में रहते हो, यू ऑल्सो हैव अ सर्टन परसेप्शन ऑफ पीपल्स पार्टी बीइंग अ फ्यूडल पार्टी। अनफॉर्चुनेटली आपके वो परसेप्शन टूटा नहीं है. हाउ कैन यू एंड देन एक साहब कहते हैं फिर वही कि यार अब चांस देना चाहिए इनको. हमारे ऐसे मिडिल क्लास ये कह रहे थे पंजाब में बैठ के, हम इतना डिस्कस कर चुके हैं चांस क्या, चांस तो कब से मिल रहा है भाई. ज़िया-उल-हक की जो पहली कैबिनेट थी उसमें जमात इस्लामी वाज वन ऑफ द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टीज टू जॉइन. 79 से 87 उनका मेयर रहा कराची में, 2003 में भी उनसे लेके 2005 तक शायद उनका मेयर रहा. तो मतलब मेरा सिर्फ मकसद अगेन कहने का ये है, ये अभी डेवलपिंग थीसिस है मेरे अंदर. मैं यार इनसे मुझे कोफ्त ये हुई, आई वॉजंट सेइंग कि यार इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो कर रही हैं. आई वॉजंट अगेंस्ट द आइडिया कि उनका जमहूरी हक है वो बाहर जाके कोई भी क्लास की हो प्रोटेस्ट करें. बट मुझे बताएं ये दोगलापन, ये हिपोक्रेसी कब खत्म होगी हमारी क्लास की, कि जब हमारे ऐसे लोग टी शर्ट जीन्स वाले या खातून जो हम मिडिल क्लास की तरफ आते हैं, हम जब रिकग्नाइज उनको करते हैं, हम तालियां बजाते हैं, वाह 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 को इनकलाब आ गया. आज तो खैर वो एक दो जगह तो काफ़ी मेरे ख्याल में ये भी हुआ कि फेक थी, वो AI जनरेटेड थी, फ्रांस 24 ने की जो. बट स्टिल अगेन ज़्यादती हुई है, जाहिर बात है. लाहौर में हमने देखा कि दो वीडियोस हैं, बाल पकड़ के खींच रहे थे. दोनों चीज़ें गलत हैं यार, गलत हैं. बट मैं अगेन कहूँगा बार बार, 80s में थ्रू आउट में हमारे बाल खींचे गए. मैंने तुम्हें लास्ट टाइम समझाया था किस तरह मारा गया. व्हेन यू टेक ऑन द स्टेट or when you take on a very prominent power of the state, let's say, you have to be ready to pay a certain price. जब मेरे कॉलेज के बाहर बस चलती थी, उसमें हमारी इन्वॉल्वमेंट होती थी, चाहे मैं खुद ना जाऊँ लेकिन हम रैली का हिस्सा होते थे. वी ऑलवेज न्यू दैट्स गोइंग टू बी अ बैकलैश. आपने एक हुकूमत की बस चलाई एक डिक्टेटरशिप के अंदर, आजकल तो डिक्टेटरशिप भी नहीं है, एक डिक्टेटरशिप के अंदर, इसको डिक्टेटरशिप कहोगे यार, हाइब्रिड चल रहा है. We were ready for that कि आप इसका backlash आएगा, because we understood how the state operates. State will go all out, especially in secure states like Pakistan जो 1971 में टूट चुका था. वो तो और ज़्यादा paranoid और ज़्यादा aggressive हो गया, और वो अभी तक paranoid aggression है. यही तो प्रॉब्लम है कि आपने सालों साल मुशर्रफ को अपना हीरो माना, अबू माना, सेलिब्रेट किया. आई मीन दिस खतीजा शाह, सलमान शाह जो हैं वो मुशर्रफ के फाइनेंस एडवाइज़र थे, केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर थे, रूडा के हेड हैं जो गरीब लोगों की ज़मीनें छीन कर एक रियल इस्टेट वो बन रहे. फिर आप लोग बात करते हैं सुप्रेमेसी की. TLP में ज़्यादा गरीब लोग थे. अगर हम कहते हैं क्लास रेवोल्यूशन है तो TLP में ज़्यादा गरीब, हद तक मुमताज़ कादरी की जो प्रोटेस्ट हुई थी उसकी जब डिमांड्स आई, वो मुझे इमेज बहुत अच्छी तरह याद है कि हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे और नीचे से चप्पलें मार रहे थे. आई मीन इजंट दैट द इमेज ऑफ आवर स्टेट, दैट देयर इज एन आर्मी हेलीकॉप्टर एंड लोगों के पास कुछ भी नहीं है और वो चप्पल मार रहे हैं. उनको पता भी है कि चप्पल वापस हमारे मुंह पर ही आनी है. चप्पल मार नहीं रहे थे वो, एक्चुअली चप्पल दिखा रहे थे. इट्स लाइक फेंकी भी थी लोगों ने, फेंक दी होगी एक्साइटमेंट में आके, चप्पल दिखा रहे थे. वो लानत देने के करीब वाली बात है. बट इजंट दैट अ ग्रेट इमेज. बट सर इवन देयर आप मुमताज़ कादरी के लिए आए हैं, जब डिमांड्स आई उनकी उसमें इकोनॉमिक डिमांड भी थी, नौकरियां दे दो, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है मुमताज़ कादरी से. बट बिकॉज देयर इज एन इकोनॉमिक एलिमेंट टू दैट, राइट. लेकिन उनसे इनको कोफ्त आती है, उनसे इनको नफरतें होती हैं कि यार ये कैसे आ गए. इनफैक्ट अगर PPP की रैली कराची में हो जाए ना, आप लोगों का रिएक्शन देखा करें ग्रुप्स में, ओ माय गॉड ये गरीब लोग आ गए हैं शहर गंदा कर रहे हैं, अच्छा पीटियाँ निकल गई तो वाओ रेवोल्यूशन. आप सालों साल इस्टेब्लिशमेंट की गोदी में बैठे, इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव आपने लिया, फिर आपने एक दिन डिसाइड किया आज हम PTM हैं, और फिर आप बोल रहे हैं अच्छा जी गर्मी में हम ख़राब हो रहे हैं. वो ज़ुहैर तोड़ू जो थे, खान साहब ने भी ये बोला इतनी गर्मी में लोगों को जेल में डालो. आप गर्मी में जेल नहीं जा सकते आप लोग, और आप लोग चाहते हैं हमें रेवोल्यूशन चाहिए. दोनों चीज़ें तो नहीं हो सकती. मैं वही कह रहा हूँ ना कि मोस्ट ऑफ देखें इनके अंदर इतना, उनको 10 साल से हर किस्म की उन्होंने ट्रांसग्रेशन की, सियासी कुछ नहीं हुआ उनको, ठीक है ना. ये एक अजीब सा फॉल्स सेंस ऑफ क्या कहेंगे सिक्योरिटी इनके अंदर आ गई, इनविंसिबिलिटी आ गई. क्या हमसे हमारे क्या करेंगे, हमारी क्लास के तो लोग हैं, ये मिलिट्री भी तो वहीं से उसी क्लास से निकल के आ रही है ना. जनरल ऑफिसर सोल्जर तक नहीं लेकिन एटलीस्ट ऑफिसर लेवल तक यही हैं, और अभी बाहर आ रही है बात कि कितने बड़े एक से एक युवतियाँ अंदर बैठा हुआ था, ठीक है. बट द थिंग इज के वही वाली बात है, ये क्यों हमें तो नहीं टच करेंगे, हमें तो नहीं कर सकते हम इन. We are among them, but they again keep failing to understand कि यार स्टेट जो होता है ना उसमें कोई भी हो स्टेट होता है. स्टेट is not a class बैठी हुई है और वो आपको देख के कह रही है कि empathize कर रही है. No, स्टेट विल गो आउट ऑफ द वे, और स्टेट का हमारा वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट जो ब्रांच है दैट्स द मिलिट्री. सो पर्सनली आई एम नॉट सरप्राइज्ड द मिलिट्री इज बिहेविंग दिस वे बिकॉज वो I'm surprised it took this long. I was surprised too, and I'm still surprised कि they still holding a lot back. उसका बस चले वो तो बिल्कुल फेर दे, कोई टैंकों के नीचे यहाँ बंदा नहीं आके लेटेगा. अभी जो एक्शन हुआ, अभी जमान पार के बाहर की रिपोर्ट्स पढ़े, खाली हो गए वो, जब उनके जो टाइगर्स है सब शॉट हो गए. खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि अगर कोई लोग कोर कमांडर हाउस के हमले में मुलविस थे आप मुझे बताएं, मैं पकड़वाऊंगा उनको. एक तो उस आदमी पे मसला ये है कि कोई बिलीफ ही नहीं कर सकता, बल्कि वो हर घंटे दो घंटे बाद उसके स्टेटमेंट चेंज हो जाते हैं. ठीक है, उसकी बहुत बुरी हालत है. पर्सनली आई वुड लाइक हिम टू लीव द कंट्री. अगर इफ़ देयर इज़ एन ऑप्शन, एक चीज़ उड़ी हुई है कि जी ऑप्शन दिया जा रहा है उनको, आप चले जाएँ, इंग्लैंड चले जाएँ. पर्सनली आई वुड लाइक हिम टू लीव. अब बहुत पर्सनल हो गया. आई थिंक खान साहब को बहुत पहले राइटिंग ऑन द वॉल देखनी थी चाहिए थी, एटलीस्ट इमीडिएट में. अगेन हम मिलिट्री का कुछ भी नहीं बोल सकते. नवाज शरीफ के सब ने जब यूलॉजीज दिखती थी आई वाज लाइक मत करो, अभी नहीं कुछ पता कि क्या होगा. मैं पीएमएल लीडर से मिला था लाहौर में, जब पीटीआई के 10 साल का एजेंडा था, जैसे 10 साल की हम प्लानिंग कर रहे हैं. आई वाज लाइक कुछ नहीं पता होता, सो फ्यूचर का कुछ नहीं पता, बट एटलीस्ट इस साल इमीडिएट फ्यूचर इमरान खान का कोई पोलिटिकल फ्यूचर नहीं है. इवन इफ पीटीआई का पोलिटिकल फ्यूचर है, इमरान खान की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. पीटीआई का पॉलिटिकल फ्यूचर कैसे? परवेज शाह महमूद कुरैशी लड़ेगा, अब वो पीटीआई की टिकट पे लड़े ना लड़े, परवेज लाई लड़ेगा इलेक्शंस, परवेज खट्टर लड़ेगा इलेक्शंस, और जीतेंगे भी ये लोग. देखो, अगर अक्टूबर में इलेक्शन अगर होते, जो मुझे लगता है कि अक्टूबर में नहीं होते, मुझे लगता है होंगे, हो गए तो अच्छा है. आई डोंट सी हाउ, इफ इमरान खान इज नॉट देयर टू लीड रैलीज एंड इफ़ ही या जेल चले जाते हैं या डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं या एग्जाइल में चले जाते हैं, पीटीआई क्या होगी? पीटीआई देखें, जहांगीर तरीन भी अब फील्ड में आ रहे हैं, तो अपनी अपनी जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी वो सीटें निकालेंगे ना, पीटीआई वो स्पॉइलर रहेंगे. स्पॉइलर भी क्या रहेंगे यार, तो मिलिट्री विल, वो स्पॉइलर नहीं हो, किंग मेकर मिलिट्री इन द एंड होगी. सो देन जो पीटीआई के जो 7 हैं बॉयज़ के, वही पीटीआई होगी ना, और वो स्पॉइलर रहेंगे. यानी तुम कह रहे हो बेसिकली एक माइनस अल्ताफ जिस तरह एमक्यूएम थी, पीएमएल क्यों बन जाएगी पंजाब में? पीटीआई बेसिकली. सो यू नो व्हेन पीपल से कि जी पीएमएलएन पीपीपी तोड़ने की कोशिश की, नहीं हुआ, पीएमएलएन तोड़ने की कोशिश की, सियासी पीटीआई सियासी पार्टी तो नहीं है ना, आपने एक मिक्स प्लेट बना के दे दी थी खान साहब को, रूट्स नहीं है उसके. तो पीटीआई का पॉलिटिकल फ्यूचर आप उस तरह से देखें जिस तरह पीएमएलक्यू का आपने देखा था. It's, I think it's a very false equivalence कि आप उसको PPP या PMLN से बना रहे हैं. नहीं, not at all. For on so many levels. एक तो कोई वो, you know, there's not another Khan to come in. Yeah. Like it or not, हमारे region चाहे वो इंडिया हो, बांग्लादेश हो, even Thailand to a certain extent, जो ये चीज़ चलती है. खान के बेटे अगर होते हैं यहाँ, for example, तो चला लेते पार्टी को. एक खान होता, भुट्टोज ने चला ली, फिर ज़रदारीज़ ने चला ली, शरीफ चला रहे हैं. वो एक है अटैचमेंट, साइकोलॉजिकल एक हमारा. ठीक है ना, हम मिडिल क्लास, हम लोग बैठ के ड्राइंग रूम में बोलते रहेंगे, क्या कहते हैं उसको, व्हाट डिनेस्टिक पॉलिटिक्स को एक है ना. यहाँ पे तो इस तरह है यार, आप लॉयर हो, अगर कोई जज बोलना चाहे आप उनके बेटे हैं, मतलब वो ऑलरेडी एक रिस्पेक्ट हो जाती है कि उनके बेटे को. दैट्स अ कल्चर. ठीक है ना, दैट्स अ कल्चर. तो कौन चलाएगा? प्लस दोस पार्टीज एक्चुअली डेवलप्ड रूट्स. ठीक है ना, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन लाइफ दे, और मैं बार बार कहता हूँ उन्होंने एक चीज़ सीख ली है और बहुत अच्छी तरह करते हैं. जो मेन स्ट्रीम बड़ी पार्टीज आपकी होती हैं, वो जो एक चीज़ कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स, वो बहुत अच्छी कर लेते हैं. हर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में उनको पता होता है, क्या शिफ्ट आई है, क्या चाहिए, वहाँ जाके किस तरह बात करनी है, अपनी प्रेजेंस दिखानी है. पीटीआई तो सिर्फ यार बस इनकलाबी पार्टी ऑन ट्विटर एंड टीवी एंड सोशल मीडिया, और प्लस उनके ऊपर इतनी तोहमतें लगाई गई कि तुम बर्गर हो, बर्गर हो. ये मेरे ख्याल में आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, गुस्से में निकल बाहर आई कि नहीं, हम तुमसे बड़े इनकलाबी है, देखो हमने ये इसको जला दिया, हम उसको जला दिया. भांजे ने एक पैंट निकाल के कोर कमांडर की, वो दिखाने के लिए ना, कि फिर कहाँ गए कल. These guys, यार उनसे बात करो, दे वेरी कॉन्शियस कि हमें बर्गर बर्गर आप कहते हैं, हम ऐसी चीज़ हमने कर दी. मैं हैरान हूँ कि लोग भूल गए. ओह, फर्स्ट टाइम हो रहा. देखो ना, सिंधी जब करात किया था ना, ये तो वो सिंधी है, इसके बारे में लिखा नहीं है. मार्डी मूवमेंट 1983 में दादू मोरो के बीच में 2 विलेजेस को बॉम्ब करके वाइप आउट कर दिया एयरफोर्स ने. वाई? बिकॉज MRT movement, उस villages, उसके आसपास they had attacked certain army installations. Army they bombed with air force. Planes. Air force, two planes, air force came and bombed two, wiped out two villages in '83 because those guys had attacked certain army installations. But Punjabi करता तो शायद हमारी history का हिस्सा बन जाती. वो आज हम बात कर रहे थे. The way people were saying, oh, for the first time, I said no. एक तो अर्बन पंजाब में हो रहा है, दैट्स व्हाई इतना स्टार्क लग रहा है, प्लस एक पर्टिकुलर क्लास के लोग कर रहे हैं, जब भी स्टार्क लग रहा है आपको करने दिया है दिस आइडिया क्या हमने वो कर दिया. अदर पीपल हैव आल्सो हैड दीस आइडियाज. या वो पहुंच नहीं सकते थे दरवाजे पर. जिस दिन हो रहा मैंने और खोदो खड्डे और खोदो, खुद ही गिरोगे इस खड्डे में. अब इसमें मेरी एक एनालिसिस गलत हो गया था. आई सेड कि उन्होंने जानबूझ के आपके लिए ट्रैप सेट किया था, हनी ट्रैप. जब मैंने वो फैमिली की वीडियो देखी कोर कमांडर की, मे बी दैट वाजंट राइट कि वो आई थिंक उन्होंने हनी ट्रैप नहीं सेट किया. लेकिन उसी दिन मैंने लिख दिया था कि जो लोग जश्न मना रहे हो ना, आप लोगों ने ये भांजे जैसे उल्लू के बेवकूफ़ अहमकाना लोगों ने, आप लोगों ने पीटीआई का डेथ वारंट लिख दिया है. आज पार्टी कर लो कि तुम लोग रेवोल्यूशन लाए हो, इट्स ओवर. दैट शोज देयर आई से वेरी इमैच्योर पॉलिटिकल थिंकिंग. पता नहीं क्या सोच रहे थे कि ये करेंगे. अरे व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग कि आर्मी क्रम्बल कर जाएगी, फैक्शंस बन जाएंगे, सिविल वॉर हो जाएगी. विद एन आर्मी कू इज व्हाट विद एन आर्मी दे एक्चुअली बिलीव इट इज गोइंग टू हैपन. उन्होंने प्रमोट करना शुरू कर दिया. मुझे फिर एक चीज बताओ, शायद वैज ब्रो जैसे लोग हैं इनके उसमें, जी ये क्लियर था ना, शमशाद अख्तर इज टेकिंग ओवर द आर्मी. भाई आप यार नहीं होगा ये, यार होगा. इनके दिमाग में होती हैं चीजें ना. आधी हॉलीवुड की फिल्में ही बहुत देखते हैं, फिर स्पाई नावल्स ही पढ़ते हैं, और फिर समझते हैं कि हम इस तरह की जो थिंकिंग करते हैं हम बड़ी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कर रहे हैं. बिकॉज दे एक्चुअली थिंक दे आर वेरी गुड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स जो आर्मी माइंडसेट को और उसको समझते हैं. पर मुझे बताओ, जब ये चीज़ें सोच रहे थे, हाउ डिड दे एक्सपेक्ट द आर्मी टू रिटेलिएट और नॉट टू रिटेलिएट, कि वो गन्स रख देंगे और प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन कर लेंगे. ये सोचा था इन लोगों ने. वो जो इंकलाबी फिल्मों में होता है. This is not Portugal of 1974. These are conditions तो देखें ना. जब आर्मीज ये करती हैं वो कंडीशन बड़ी डिफरेंट होती हैं. वो एक जेनुइन इनकलाब हो रहा होता है, वो मुल्क डिफरेंट होते हैं. पोर्चुगल में यही हुआ था 74 में. मिलिट्रीज एक्चुअली थ्रू ऑफ द गन एंड दे जॉइन द मासेस, बिकॉज वहाँ इतनी बुरी रिप्रेशन थी. वहाँ पिछले 40-50 साल से डिक्टेटरशिप थी. प्लस दे वर वन पीपल and there was everybody followed the same religion, even though it was a secular socialist revolution, but still ek hi unki wo thi. Iran mein bhi shayad ye ho sakta hai, Turkey mein bhi shayad ho sakta hai, because they are one people. We are not one people. Ab to hum dekh rahe hain ki hamari within class ke andar division ho gayi hai. Meri wahi thesis hai ki jo hum dekh rahe hain hamare samne, there are two parts of the same middle class which is clashing, which is for resources, because economy जितनी shrink होगी उतनी इनके अंदर hatred एक दूसरे के लिए बनेगी. Military is also part of it. But अब आएगा सही इम्तिहान. आप अगर छुपना चाहते हैं, वो constitutionalism, वो human rights, वो करें बेशक करें. लेकिन मैं कहूँगा इनको, जो लोग कह रहे हैं ये, और मज़े की बात तो ये है कि ये उन उसकी दुम पकड़ रहे हैं जब उसको सपोर्ट कर रहे हैं. जो कल क्या हुआ वो देखा था वीडियो जिसमें वो साहब शुरू हो गए थे, मुशर्रफ जैदी भी था उसमें, अततर काज़मी जो फेमिनिस्ट के खिलाफ शुरू. हाँ आई डोंट नो काज़मी कौन, आई हैव नेवर सीन हिम. मुझे अब नज़र आना शुरू हो गया कि आप जितना भी इनके साथ कर लें एम्पथाइज, ये बताने के लिए आप कितने फेयर हैं, बैलेंस्ड है, कि देखो हमें पूरी ज़िंदगी इन्होंने गालियाँ दी लेकिन उनके साथ ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो आपकी क्लास के हैं बेसिकली. मेरी ये थिंकिंग है. आई ऑल्सो थिंक किसी के साथ नहीं होना, मैं तो कहता हूँ किसी क्लास के साथ नहीं होना चाहिए. मैं ये कहता हूँ ना भी हो तो आप देखें, जैसे सारे पीटीआई के लीडर्स हैं, सबसे ज़्यादा सिंपैथी मेरी श्री मज़ारी के लिए है, बिकॉज उनकी बेटी 2 दफ़ा पॉडकास्ट पे आ चुकी है, मेरी उनसे बात हो चुकी है. It adds to it. मेरी सिंपैथी उनकी बेटी के साथ है. उनकी बेटी कंसिस्टेंट रही है अपनी आइडियोलॉजी में, अपनी फाइट में. उसकी बेटी जो है शीनी मज़ारी की, वो कंसिस्टेंट रही है. लाइक इट और नॉट, इवन अली जैदी जो हैं उन पे भी मुझे तरस आता है, कि इस कुर्सी जिस पे आप बैठे हुए हैं वो आ चुके हैं, मैं उनसे बात कर चुका हूँ. वंस यू सिट अक्रॉस टू समबडी, एक ह्यूमन एलिमेंट आ ही जाता है, ठीक है ना. अगर इमरान इस्माइल अली जैदी अरेस्ट होंगे, मेरी सिंपैथी अली जैदी के लिए ज़्यादा होंगी. मुझे बात राइटली और रॉन्गली ये एक ह्यूमन एलिमेंट आ जाता है. सच्ची बात मुझे बताओ जी, खादिम हुसैन रिजवी के लिए कभी तुम्हें हुआ था? सर मैं, अगर आप मेरी मुमताज़ कादरी वाले भी पढ़े ना, मैं आई वॉज वेरी वोकली अगेंस्ट द बैनिंग ऑफ TLP एंड मुझे बहुत लिबरल्स ने गालियाँ दी। ऐसा क्या बैन नहीं कर सकते? चलो तुम में वो था ना, मैं जानता हूँ जो लोग आज बहुत सिंपथाइज कर रहे हैं, वो खादिम हुसैन रिजवी ऐसे लोगों के लिए कोई सिंपथी नहीं है, उनके लिए नहीं है। तुम्हारे में होगी, मैं मानता हूँ, नहीं है उनके लिए सिंपथी। मैं जब भी क्लास की बात कर रहा हूँ, दिस इज अनडिनाइबल, ठीक है ना। आपका नूर मुकद्दम का केस था, ग्राफिक केस, horrific case, probably not the worst thing that has happened to a woman in Pakistan, but नूर पे एक movement चलती है because obviously they look like you. वो एक फ़र्क पड़ता है कि यार ये तो हम जैसी दिखती है, हम जैसी लगती है। शाहजेब को जो गोली लगी थी, शाहरुख जतोई को, again yes, so the reason these are the most popular ones is कि ओ ये तो मेरे जैसा लगता है, ये मेरे साथ हो सकता है, मैं समझ सकता हूँ उसका pain, that's pretty human. No, that's human, that's human, but the thing is then don't pretend. मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप ये सब कुछ जमहूरियत और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना। आप सर्टन एम्पथाइज करते हैं, काफ़ी तो ऐसा होता है कि आप किसी बच्चे को फॉर एग्जांपल देखते हैं तो आपको आपका बेटा याद आ जाता है, या आपका कोई नवासा या नीस या नेफ्यू, तो ये स्टार्ट नहीं है ना, आपका एक नेचुरल, दैट्स द इमोशनल थिंग, दैट्स द ह्यूमन थिंग, आई एग्री। क्लास में भी यही होता है बिल्कुल, बट मेरा सिर्फ, मुझे सिर्फ कोफ्ती होती है कि यार इसमें आप एक फॉल्स परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि ये कहने के लिए कि आप इसके साथ, फलां के साथ सिंपथाइज इसलिए कर रहे हैं, ये जमहूरियत के लिए अच्छा है। नहीं, आप इंतजाइज करें बिकॉज यू अंडरस्टैंड दैट पर्सन वेल। जब आपकी तरह कोई लगे, मैं भी उस बंदे को फ़ौरन समझ जाता हूँ, मैं भी उसी क्लास से आता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा हाँ आई सिंपथाइज, यार मुझे ये लगता है इसके साथ बुरा हुआ, ये भी मेरी तरह, चलो खैर पॉलिटिशियन तो नहीं है, मेरी तरह वो मतलब 9 to 5 जॉब करता होगा, एक गाड़ी होगा, एक अपार्टमेंट में 17 साल से रह रहा होगा, इसको तो ही फंसना चाहिए, इस बेचारे क्या कनेक्शंस हो गए उसने। सर अब तो प्रीटेंस भी गिर चुका है ना, लोगों ने आके PTI वालों ने खुला बोल दिया है कि ये पंजाब नहीं है, ये सॉरी ये वजीराबाद नहीं है, ये फाटा नहीं है, ये पंजाब है, आप इस तरह नहीं कर सकते। मतलब आप डिफेंस में भी बोल रहे हो कि हाँ वहाँ आप कर सकते हैं। मतलब PTI के दौरे हुकूमत में खरमखर वैसे कर जो हुआ था, 17-18 लोग मार दिए गए थे, प्रोटेस्टर्स, जिल्च, जीरो, साइलेंस। और PTI वाले आकर बोलते थे कि हाँ ये तो PTM वाले जो हैं ये पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ट्रेटर भी हैं, इनसे बुरे तो कोई लोग भी नहीं है, इनको तो सब जेलों में भी डालो। सो आई गेट के वो जो उनका ह्यूबरस था उसकी वजह से इट्स हार्ड टू एम्पथाइज एंड सिंपथाइज विद देम, राइट। इमरान खान को अरेस्ट करते हैं, मतलब तो सालों साल इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव प्रमोट करता था, बलोच एक्टिविस्ट के ख़िलाफ़ बात करता था, नूर मुकद्दम का मर्डर जस्टिफाई किया, जाहिर जाफ़र को डिफेंड किया, मतलब डिस्पेकेबल कैरेक्टर, राइट। बट उठा लेना विदाउट बीइंग लाइक, FIR भी नहीं कटी, किसी को पता भी नहीं कहाँ है, इट्स स्टिल रॉन्ग, इट इज़ रॉन्ग, थियोरेटिकली इट इज़ रॉन्ग, बट वन हैज़ टू अंडरस्टैंड दैट्स ऑलवेज अ प्रोसेस गोइंग ऑन। हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, चाहे वो इकोनॉमिक में इन्वॉल्वमेंट हो, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट हो, ये जो कुछ हो रहा है ये भी एक प्रोसेस है ना हमारी सोसाइटी के अंदर। सर्टन टेंशनस क्रिएट हो गए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक टेंशनस क्रिएट हो गए, उसकी वजह से ही होता है, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है, एवरीथिंग इज़ दैट। मेरे सिर्फ ये कहना है कि यार अगर इफ़ यू डोंट डजंट वांट टू साउंड हिपोक्रेटिकल, बिकॉज मुझे पता है कि ये जब हो रही थी चीज़ TLP के ख़िलाफ़ हो रही हो, चाहे वो किसी सिंधी के ख़िलाफ़ हो रही हो, चाहे वो पश्तून ख़िलाफ़ हो रही हो, चाहे बलोच के ख़िलाफ़, इतना ज़ोर से बात नहीं बनती है और कह देते हैं लोग। लेकिन इस वक्त जो पंजाब में हुआ ना, मेरा अगेन अब मैं एथनिक वाली बात कर रहा हूँ, क्लास की बात तो कर ली, और वो भी पंजाब इज़ प्रोमिनेंट, मोस्टली पंजाबी आपस में लड़ रहे हैं बेसिकली, मेरे ख्याल में। आपकी मोर देन हाफ तो वैसे कुछ भी नहीं हुआ। 9 मई को भी एक रेंजर्स की चेक, मुझे सबसे ज़्यादा जो खा रहे हैं, अच्छा ये तो बोल दिया, सबसे ज़्यादा मुझे खा रहे हैं वो जो लाल बस भैंचोदों ने जला दी, मुझे सबसे ज़्यादा खार हुआ इतने साल। कराची आ गया, कराची को बस मिली, और ये फिर हरामजादे ये खुद ही फिर रोते हो, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, कुछ भी नहीं दिया, आप 20 साल से हुकूमत कर रहे हैं, यू नो। वो जब आए वो जला दिया, मुझे सबसे ज़्यादा खार उस वक्त मुझे वो साइकोलॉजिकल होता है। जब मैंने देखा लोग तालियां बजा रहा, आहा फॉर द फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ हो रही है, मैं रहन दो यार उल्लू के पट्टों, फर्स्ट टाइम हो रही है, चाहे तुम लेफ्ट के हो राइट के हो, तुम चूतिए हो। लेफ्ट का सॉरी बट मुझे पता बुरा लगेगा उनको, मैं भी उसी क्लास से आ रहा हूँ बेसिकली। यार देखें लेफ्ट क्या जस्टिफिकेशन? माफी मांगूंगा, मेरे दोस्त बहुत ज्यादा हैं, मेरे ही बहुत दोस्त बहुत ज्यादा हैं। दिल्ली के ख्वाब में छीचड़े वाली बात है कि उन्होंने देखा कोर कमांडर हाउस, उन्होंने बोला जो हम 30 साल से चाहते थे आज वो सुबह आ गई। यही तो था, यही तो हम चाहते थे। मुझे पता है जिस तरह उनकी प्रोजेक्टेड देयर ड्रीम्स ऑनटू व्हाट वाज हैपनिंग, इट वाज नॉट एक्चुअली हैपनिंग। तुमने जिस तरह बोला है ना, मुझे याद है मेरे पास एक जमाना VHS पे फिल्में होती थी, 8 फिल्में नहीं होती थी इंडिया में जो बनती थी, तो 3-4 ऐसी फिल्में थी मेरे पास जो बहुत ही ऑब्सक्योर हैं, अभी भी शायद हों, नेक्स्ट लाइट मूवमेंट्स बंगाल वेस्ट बंगाल वगैरह, उधर ऐसे डायलॉग होते थे। तो मैं जो उस वक्त भी देख रहा होता था, मैं कहता था यार ये सीरियसली ये क्या किस दुनिया में, वो जी वो पेजेंट्स हैव टेकन ओवर, वो सुबह आ गई, फिर पीछे एक सूरज निकलता था वो लाल हो जाता था, है ना, मतलब क्या के बोल्शेविक मूवमेंट जो चली। सीरियसली मतलब इवन इन दोज डेज हम आई वाज यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, ये वो ना, मैं तो कहता था ना डंडे हमें पड़ते थे, जो हमारा लीडर था मॉस्को में बैठा होता था, हम गलती से कहते हैं सर हमें कभी मॉस्को भेज दिया अगर, हट साइड पे हो जा, तुझे पता क्या है, यू हैवंट अंडरस्टूड मार्क्सिज्म वेरी वेल। ठीक है, आपको यहीं कराची में रशियन से काम चलाना पड़ता था यार, हम चलते थे वो एक दफा हमारे उस पर भी डंडा, मैं बता रहा हूँ हमारी सर उसको डंडा नहीं छापा बोलते, मैं बताता हूँ मैं वाई आई कॉल देम। मेरी जो क्लास है और तेरी क्लास है मिडिल क्लास, चाहे वो लेफ्ट की हो लिबरल हो चाहे राइट की हो, हम इनहेरेंटली जो मैंने बोल चुका हूँ वो है, क्यों वही फितर मैं ये है अबाउट जस्ट बिफोर ज़िया-उल-हक की डेथ से पहले की बात, हम NSF मिराज में थे, ठीक है, और एक टांग कम्युनिस्ट पार्टी यार ना कौन सा फैक्शन, 20,000 फैक्शन थे 4-4 लोगों के ठीक है ना यार, टॉल्स्टॉय से हो पता नहीं कौन से, ठीक है ना टॉट्स्की हो, नहीं तुम काफिर निकलो, निकल भाई से लेफ्ट की सेक्रेटेरियनिज्म इतनी विशेष। तो 2 दफा जेल भी हुई, मतलब जेल क्या हुई, मतलब थाने गए मारे खाई, तो फिर चांस एक मिला, वो चांस ये था, मेरा एक दोस्त था वो आजकल साइकोलॉजिस्ट है न्यूजीलैंड में, हमें बताया गया कि क्यूबा में कास्ट्रो एक वाहिद लेफ्ट का लीडर जिसको मैं अभी भी फुल रिस्पेक्ट करता हूँ, जेन्युइन, कि क्यूबा में एक शावेज की नहीं करते आप, शावेज यार वो अनदर पॉपुलिस्ट एनीवे। तो क्यूबा में एक यूनिवर्सिटी थी, आप है नहीं है, जहाँ अच्छा क्यूबा की एजुकेशन सिस्टम इज फैंटास्टिक, हेल्थ सिस्टम एजुकेशन फैंटास्टिक, लेकिन वो यूनिवर्सिटी आपको फ्री एजुकेशन देती है, इसकी सिर्फ फी क्या होती थी, दैट थ्राइस अ वीक यू हैड टू वर्क इन द शुगर केन फील्ड्स, कि आप जाएं शुगर केन काटें फील्ड के ना, ताकि पता लगे वर्कर किस तरह काम करता है, ये आपकी फ़ी थी। लेकिन उसमें कंडीशन ये थी कि बाई रीचिंग टू रीच दैट यूनिवर्सिटी और गेट अ स्कॉलरशिप फ्रॉम दैट, आपको एक 6 महीने का कोर्स करना पड़ता था, लेनिन यूनिवर्सिटी समवेयर जो स्टैनल पता नहीं कौन से शहर में थी सोवियत यूनियन के, वो 6 महीने का कोर्स, वो 6 महीने कोर्स क्या था, वो बेसिकली KGB की चलाने वाली यूनिवर्सिटी थी, वो ट्रेन करते थे, लेकिन आपको रशियन सीखनी पड़ती थी, पता नहीं रशियन क्यों सीखनी पड़ती थी, मैं जा रहा हूँ स्पेनिश से कहा मुझे, खैर ये था। हमने फ्रेंडशिप हाउस होती थी, लाइब्रेरी ऑफ सोवियत PCHS में होती थी, जहाँ बाहर जब हम किताबें लेके निकलते थे वहाँ वो ISI वाले वो खड़े होते थे जिन्होंने आपके मोटरसाइकिल का नंबर ले रहे होते थे, फिर आगे बैल्कनी होती थी, 2 सर निकलते थे ऊपर से। तो यार हो गया, वी गॉट द एडमिशन इन दैट रशियन यूनिवर्सिटी फॉर 6 मंथ कोर्स करेंगे, और हवाना यूनिवर्सिटी के कोई आउटस्कर्ट्स में वो यूनिवर्सिटी थी जहाँ शुगर केन्स भी थी, फील्ड्स भी थी। हमारे जो लीडर थे जो आधे से ज़्यादा टाइम मॉस्को में गुजारते थे और हमें बड़े बड़े लेक्चर देते थे, और हाल ये था उन्होंने कि जब मूवमेंट होती थी, जब कोई ज़िया-उल-हक के ख़िलाफ़ होता था उस पर हम फॉडर होते थे, हमें मार पड़ती थी, वो अंडरग्राउंड चले जाते थे। अंडरग्राउंड क्या मतलब, वो बेडरूम में होते थे, अपने मार्क्स की किताबें थ्योरी पढ़ रहे होते थे, दिखा हमें बताने के लिए असल में हो क्या रहा है। ठीक है बेटा जाओ जेल में, तुम खा मारे खाओ जो करो, मैं तुम्हें समझाऊंगा। तो उनके पास हम चले गए, उनका घर इधर होता था नाज़िमाबाद में ही था, लियाकतबाद जिसको आज कहते हैं, जो पहले लालू खेत था। अच्छा खासे वेल ऑफ थे, जॉब करते थे, वो अपने 2-3 रिसाले निकालते थे। तो उनके पास गए, मैंने सर ये साइन नहीं चाहिए उनका, उनकी सर्टन से थी रूस में उनकी कनेक्शन, हमें हो गया वेल डन ये है वो है, मेरी बातें याद रखना और ये करना और ये इनकलाब तो वो इनकलाब, साइन नहीं किया उन्होंने। थोड़ी देर में आना, मैं कुछ किताबें भी तुम्हें देना चाहता हूँ, वो साथ ले जाना और साइन भी मैं कर दूंगा। यार 6-7 दिन गुजर गए, कोई कनेक्शन उनसे नहीं हुआ, ना किताबें मिली ना कुछ। हम गए, सर साइन कर दें, अब हमारा वो डेडलाइन निकली जा रही है। नहीं, जो फलां का बेटा चला गया है, वो ये था कि वो उनकी बहन का बेटे को वो स्कॉलरशिप दिलवा दी उस हरामजादे ने, ठीक है ना, ये कह के कि उसकी अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज मार्क्सिज्म ज़्यादा है। तो वही वाली बात है ना, रिश्तेदारी में आके यार ये साले दो कहाँ के लफंगे, ये क्यों जाएं? तो हम नहीं गए। तो मेरा मकसद ये कहने का कि ये लेफ्ट आपका मार्क्सिस्ट थे, मिडिल क्लास ही हमारी तरह तुम्हारी तरह। एक्शंस वही थे जो एक फ्यूडल का होता है या किसी भी करप्ट बंदे का होता है कि यार मेरा रिश्तेदार आ जाए, जब मुझे वो फ़ायदा मिल जाए, किसी और को क्यों हो। ये जो एक मिथ, एक और डिसफ्रेंचाइजमेंट का भी है कि जी इमरान खान ने पॉलिटिकली अवेयर कर दिया, वो जो मुझे कभी समझ नहीं आता। अगर आप बलूचिस्तान में पैदा हुए हैं, आपकी पैदाइश आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस है। अगर आप पाकिस्तान में शिया हैं, पैदाइश आपकी पॉलिटिकल अवेयरनेस है। केपी में अगर आप हैं तो अगैन, सिंध में अगर आप हैं, कराची पोस्ट ऑपरेशन अगेंस्ट MQM पॉलिटिकली अवेयर हो गई थी। साउथ पंजाब में आप सराइकी हैं, आप पॉलिटिकली अवेयर हैं। तो किसकी पॉलिटिकल अवेयरनेस हुई है? DHS की, बहुत अच्छा काम किया खान साहब ने। बट ये जो एक डिसएनफ्रेंचाइज था कि खान से पहले हमारे पास ऑप्शन नहीं था, थर्ड फोर्स थी। आप लोगों ने कुत्तों की तरह मुशर्रफ को सपोर्ट किया। कराची स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो एक मिडिल क्लास, विच आई थिंक इज अ लॉट मोर जेन्युइन मिडिल क्लास मूवमेंट विच इज़ MQM देन PTI कैन एवर बी। तो सारा वक्त तो आप लोगों के पास वॉइस थी, पावर में थे, तो ये खान साहब में क्यों मिला था? हमेशा से तो आप ही थे। यार मिथ्स तो अब क्रिएट करनी है ना, ग्लोरीफाई करना है, रोमांटिसाइज करना है, हीरोइक दिखाना है अपनी स्ट्रगल को। तो ये मिथ्स क्रिएट करनी होती हैं कि हम क्या थे, हमारे पास कुछ नहीं था। अब ये तो ये नहीं कह सकते हमारे पास कुछ नहीं था, तो ये भी नहीं कह सकते कि हम पिसे हुए थे, ठीक है ना। इवन तो हमारे मिडिल क्लास, हमें कहने का बड़ा मज़ा आता है हम पिसे हुए थे, नहीं, हमारे पास अच्छा खासा इकनॉमिक इन्फ्लुएंस है, हमारी एक से है। आप जुडिशरी देख लें, आप मतलब एजुकेशन सिस्टम देख लें, लीगल सिस्टम देख लें, ब्यूरोक्रेसी देख लें, और आप मीडिया देख लें, मीडिया स्पेशली देख लें, हमारी क्लास से भरा हुआ है, हमारी इंटरेस्ट की हमेशा वही बात करता है, ठीक है। तो हम कोई पिसे वैसे नहीं थे, ये मैं कह सकता हूँ कि हाँ, जिसको हमेशा मैंने वो किताब में वही वर्ड यूज़ किया, वी आर अ ब्लॉक्ड एलीट। हम एलीट हैं लेकिन हमारी ब्लॉक्ड है, वी फील ब्लॉक्ड कि हमारी इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस हमारे पास आ गया लेकिन हमारे पास वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं आ रहा। मेरा सिर्फ ये है कि ये समझ जब जाएंगे ना कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस उस वक्त आएगा व्हेन यू एक्चुअली स्टार्ट टू एंगेज विद क्लासेस बिलो यू फॉर वोट्स एंड एवरीथिंग। ये इंगेज ही नहीं करते। एलीट आपके जो है ना, रूलिंग एलीट आप कहते हैं, चाहे वो जरदारीज होए चाहे वो शरीफ हो, उनके साथ एक चीज़ है कि उनका कनेक्शन विद द मासेस रहता है बिकॉज उनको वोट चाहिए। तो दे हैव टू कॉन्स्टेंटली डू कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स एंड एंगेज विद द मासेस। हम एंगेज नहीं करते उनसे, हम उनको ऐसा थ्रेट देखते हैं कि यार ये हमारी जगह, बिकॉज मिडिल क्लास बेचारे, हमारा यही मसला है कि यार थोड़ी डिवैल्यूएशन एवैल्यूएशन हो गई, हमारी सेविंग्स लाइन पे लग जाएंगे, वी माइट कोलैप्स। हम तो वनरेबल क्लास फील करते हैं, हमारी पैरानोया, और हम सबसे बड़ा डर हमारा उन क्लासेस से होता है हमारे जो नीचे हैं, ये हमारे गले ना पड़ जाए, ये हमारी को रिप्लेस ना कर दें। तो हमारी इंगेजमेंट उनसे यही होती है, हमारी ज़्यादा इंगेजमेंट बताओ किस तरह होती है, कितने जाके ये लोग जाके, हमारी इंगेजमेंट ये होती है कि मासी आ जाती है हमारे घर में साफ करनी, ये इंगेजमेंट होती है। हमारा ड्राइवर से बात हो गई, इंगेजमेंट हुई है। इनकी बातें भी अगर सुनो ना यार, आजकल तो लोग जो है मासेस के बीच में, ये कैसे पता, वो मेरी मासी ये कह रही थी, मेरा ड्राइवर ये कह रहा था, ये इनके सोर्सेज हैं, ये इंगेजमेंट विद द मासेस हैं। एट द सेम टाइम दैट लाइक मासी नहीं मिल रही, बहुत महंगी हो गई है, कितनी महंगी हो गई है, देयर अंडरस्टैंडिंग 7,000 रुपए तनख्वाह देती थी, उसमें कोई नहीं आ रहा, अभी तो क्यों आएगी वो 7,000 अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मासेस इज what their driver says, and of course the poor driver and the masi will be remain very diplomatic. देखिए अच्छा साहब जो बैठा है वो इमरान खान के नारे मारता रहता है, तो वही बात बोल दो उसको, तब नहीं पड़ी। Why would he or she say anything else? या वो आ भी जाएगा इन्फ्लुएंस में, अगर साथ में बैठा सुन रहा है, शायद आ भी जाए। और आ भी जाते हैं, बट मेरा सर ये कहना है कि यार ये एंगेजमेंट नहीं होती है कि आपने मासी के साथ बात कर ली, जब मासी को थोड़ी हेल्प भी आपने कर दी, एंगेजमेंट नहीं है। इसलिए तो ट्विटर पे जो लोग बोलते हैं ना, हाउ डिड दिस पार्टी विन, मैं 6 लोगों से बात की, 6 के 6, अबे तेरे 6 लोग नहीं है ना पूरा पाकिस्तान। वही 6 वाली जो आजकल जो चलती है ना आपकी सो कॉल्ड सर्वेज, ये ऐसे ही सर्वे होते हैं। मैंने 6 लोगों से बात की, 6 के 6 ने बोला मैं पीटीआई को वोट दूंगा, दैट मींस अबाउट 60%। 1500 लाइक्स वाला फेसबुक पेज था उसका सर्वे खान साहब ने स्पीच में दिखा दिया। उसको पता है यार ये चीज़ बिकती है ही। देखो वो उस वाली सिचुएशन में पहुंच गए, ही डजंट केयर के आसपास क्या लोग बोल रहे हैं। उसको पता है देयर इज स्टिल एन ऑडियंस आउट देयर कि मैं जिसको मतलब एक इसको मैं गोल्ड कहूँ, एक 50 रुपए लाइटर को मैं गोल्ड ब्लॉक कह के कह दूँ, वो मान लेंगे। लेकिन आई डोंट नो कब कितने रह गए हैं वो। बट वेयर डिड द अवाम मीट, जो आपने बोहेफर का ऑन स्टूपिडिटी का भी जिक्र किया है, आपने कहा खान साहब ने तो 97 में भी सोचा था कि मैं स्वीप करूँगा इलेक्शन। उसके बाद 2013 में भी उनको लगता था कि बस ये तो फाइनल बैटल यही है, और फिर 2018 में भी लगता था। अब तो वो कहते हैं कि मतलब कैंडिडेट भी खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, मेरा नाम देख के 2/3 मुझे मिल जाएगी। शुक्र है वो 3/3 नहीं बोलते एट दिस पॉइंट। बट वेयर डू यू थिंक द जनरल स्टूपिडिटी मेट इमरान खान डिल्यूजन्स, और वाज इट जस्ट कि उन्होंने इतना रिपीट कर दिया, उसको इतना प्रोजेक्ट कर दिया। एंड आजकल जियो बड़ा रोता है, बट सारी रात आप बिठा के खान साहब को कैपिटल टॉक करवाते थे, को होस्ट थे वो हामिद मीर के। वेयर डू यू थिंक द अवाम मेट इमरान खान? यार अवाम नेवर मेट इमरान खान। आई रिफ्यूज़ टू बिलीव दैट। मैं अगेन वो बार बार कह रहा हूँ, द 42% अकॉर्डिंग टू एस अकबर जैदी, हु इज़ अ वेरी क्रेडिबल सोर्स ऑफ दीज थिंग्स, 42% इज़ क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल। दैट्स वाई 2018 में 10 साल की इतनी प्रोपेगेंडा, इतनी ब्रेन वॉशिंग, इतनी इंडोक्ट्रिनेशन के बावजूद कितनी सीटें मिली। इंजीनियरिंग के बावजूद ज़बरदस्ती सीटें कराची इधर उधर दिलवाई गई ताकि इसकी 100 से ऊपर हों। एस्टैब्लिशमेंट रियलाइज ईयर बिफोर के पंजाब नहीं दे सकेगा, तो उन्होंने टीएलपी बनाई। मैं यही कह रहा हूँ कि इसको वोट वही अर्बन मिडिल क्लास का मिला, और ज़्यादातर वो जो पहली बार निकले वोट करने के लिए। अवामी वोट नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ केपी में शायद अभी है, मानता हूँ, मैं केपी की सियासत को जानता नहीं हूँ, सो आई डोंट नो मच अबाउट, बट आई स्टिल थिंक वहाँ अर्बन एंड सेमी अर्बन एरियाज में, बिकॉज वहाँ जो वॉइड क्रिएट हुआ जब मुशर्रफ गया, पहले वो एएनपी ने फिल करने की कोशिश की, बट इट फेल्ड, इट कुडंट, बिकॉज देखो ना उनके साथ भी बड़ा बुरा हुआ। एएनपी के साथ टारगेटेड उनको चुन को उस पार्टी को वाइप आउट करने की कोशिश की टेररिस्ट से। वाइल इमरान खान वाज डूइंग रैलीज, वो तो रैलीज घरों पे बम फट रहे थे, बिल्कुल उनको तो नहीं था एएनपी के, तो वो पीटीआई ने अच्छा खासा आके बिठा दिया अपने आप को, वो वॉइड फिल कर दिया, ठीक है। लेकिन द थिंग इज कि अवामी पार्टी नहीं है। जब मैंने शुरू में ये कहा था कि इसकी रेट्रिक आप देखें, जुल्फिकार अली भुट्टो की रेट्रिक और पॉपुलिस्ट रेट्रिक में वर्ड्स अवाम, पीपल्स, उस द वे ही यूज्ड टू वेयर, कपड़े जो पहनता था, वही कपड़े वाली बात है ना, दैट्स हाउ यू रिकग्नाइज योर क्लास। क्यों भुट्टो साहब आस्तीने चढ़ा के वो शादी खोल के अवाम के सामने आते थे? बिकॉज ही वांटेड टू सी हिम नॉट एज फ्रॉम व्हाट दैट ही इज फ्रॉम हिज क्लास सपोजली। खान साहब भी तो शलवार कमीज पहन कर आते हैं यार, इनकी शलवार कमीज ज़िया-उल-हक वाली शलवार कमीज है जो टीजेज वाले बनाते थे, क्रिस्प होगी, ठीक है ना, कॉमी बुड्ढे हो गए। हाँ। आपकी रेफरेंसेस भी अब टीजेज वाली हैं जो दुकान भी बंद हो गई है शायद। 80s में हुई था ना, उसने स्टाइलाइज किया ना। हाँ। शलवार कमीज को, वो दैट वाज एन एंटी भुट्टो शलवार स्टाइल, एलीट शलवार कमीज, कि पॉपुलर नहीं शलवार आप पहने, शुरफा मिडिल क्लास की तरह आप कल्फ वाले, शरीफ मिडिल क्लास वाले पहने, आदाब के बजाय सलाम लोग करें, आदाब तो ख़त्म हो गया था, समझ रहे हो ना। तो वो वाला शलवार कमीज़ है, कोटी पहनने, ब्यूरोक्रेट लगे, बिजनेसमैन लगे, ताजर लगे, शरीफ लगे बेसिकली। भुट्टो हुड्डा लगता था, ये जो काला शलवार कमीज पहन के उंडा था, वो बेसिकली यही मैसेज था। तो खान साहब का भी वही शलवार कमीज है, खेड़ियाँ, वो ज़रा वो आपका basically I would say it's more to do with the feudal, जब एक urban middle class का बंदा के भी feudal fantasies भी होती है ना, आपका बड़े CEOs और आपको executives नज़र आ जाएंगे जो guards के साथ फिरते हैं, that's their feudal fantasy, even though they don't own land, they don't come from these rural areas, but उनकी भी feudal fantasies हैं। तो हाँ, the way Khan साहब dresses as a politician, तो उसके अंदर एक feudal fantasy भी है, it is how a feudal also looks। you know, manly, charismatic. तो इसमें जो खान साहब की आई थिंक आपने पर्सनल फैमिली हिस्ट्री तो इतनी नहीं डिस्कस की, जैसे हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी बात कर रहे थे. डोंट यू आल्सो फील कि इमरान खान आल्सो हैज़ दैट चिप ऑन हिज शोल्डर, कि वो जो उनकी आइडिया ऑफ हिज ओन पश्तून आइडेंटिटी भी है वो भी चलिए क्वेश्चनेबल है, कि इनकी आई थिंक वालदा जालंधर से हैं और इनके जो वालिद हैं वो साउथ पंजाब से हैं, मियां वाली. तो जो ये पश्तूनों के बारे में बोलते हैं और लिखते हैं वो एक कॉलोनियल आइडिया ऑफ पश्तून है कि जी हम मार्शल रेसेस थे और हम लोग ये थे, विच इज़ नॉट ऑर्गेनिक, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट से नज़र आता है. वो कोई रीडिंग नहीं है. तो एक पाकिस्तानियों को भी एक कॉलोनियल लेंस से देखते हैं, अपने आप को भी ये अंग्रेज़ समझते थे. तो इवन व्हेन ही गोज़ टू वेस्टर्न मीडिया एंड सेज यू नो जोनाथन मे बी यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ, बट मैन आर नॉट रोबोट्स. तो ये तो सैवेजेस हैं, तो ये तो चूंटियाँ हैं, तो ये एक कॉलोनाइज माइंड कहेंगे आप उनको, या उनकी जो HSN वाली रीजन जिस तरह वो बड़े हुए या ऑक्सफोर्ड गए, वो would you say this colonized mind? I'm glad कि PTM क्या कहते हैं दावर वाली जो मूवमेंट है, अली वजीर मंजूर पश्तीन वाली मूवमेंट है जिसमें वजीर और ये लोग जो हैं दावर हैं और अली वजीर हैं. आई एम सो ग्लैड, एक तो जेन्युइन मूवमेंट प्लस दे आर शैटरिंग दिस मिथ. You are right, the British created कि पठान जो होता है वो जंगजू होता है, फनेटिक होता है, ये ब्रिटिश के है ना. अभी ज़मान पार्क के बाहर खाने वाला दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, इंसान और पठान. हाँ एग्जैक्टली. तो वो डेफिनेटली इज कमिंग फ्रॉम देयर, बट इसी को लॉन्ग टाइम इमरान खान स्टार्ट कॉलिंग और स्टार्ट थिंकिंग हिमसेल्फ एज अ पठान. ये इसकी लेट 80s में बेसिकली शुरू हुई है, सडनली ये पठान बन गए. यही माइंडसेट को इस्तेमाल करके पश्तून नेशनलिज्म को मारने की कोशिश की स्टेट ने, और जिहाद के लिए जब उनको पश्तून चाहिए था अफगानिस्तान में तो ये माइंडसेट इस्तेमाल किया. अमेरिका, मेरे पास किताबें पढ़ी हैं जो अमेरिका में टेक्सास में छपी थी, पश्तून में लिखी हुई हैं, उर्दू में हैं, अरबिक में हैं, पर्शियन में हैं, जो वहाँ से छप के यहाँ आती थी फॉर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन मदरसास among Afghanis and Pakistanis, especially Afghanis. हाँ, तो उसमें यही माइंडसेट है. पश्तूनों की हिस्ट्री रही है ऑफ वॉरियर्स एंड फाइटिंग फॉर इस्लाम एंड बेसिकली एक जगह तो ये भी मैंने पढ़ा था कि पश्तून आर राइट व्हेन दे थिंक दैट पीपल हु आस्क देम टू बी रैशनल एंड यूज अकल इज एक्चुअली दीज आर एक्ट्स अगेंस्ट इस्लाम, बिकॉज इस्लाम इज इम्पल्सिव, emotional, it emits from the heart, you know. So ये जो imagery है ना, इसको आपकी state ने ज़िया के ज़माने में specially promote किया to promote the whole idea of anti-communist jihad in Afghanistan. तो ये उसकी लपेट में आ गए. जब ये सियासत में interest लेना इन्होंने शुरू किया late 80s से, शायद थोड़ा बहुत इन्होंने दूसरे लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर रहमान, no, wasn't he the first to approach Imran Khan in the 80s? I don't know यार, 80s में तो ज़िया साहब बड़े उनके साथ थे, but अब मेरी रिसर्च कहती है जीरो क्लू व्हाट वाज हैपनिंग पाकिस्तान. इनफैक्ट अपनी 2011 की उसने किताब लिखी, 2012 की इमरान ने अपनी खुद किताब लिखी थी, खुद लिखा है उसने कि जब तक मैं क्रिकेट से रिटायर नहीं हुआ मुझे पाकिस्तान के बारे में कुछ पता ही नहीं था. सो ही हैड जीरो आइडिया. आज जो कहता है ना ज़िया के ज़माने में ऐसा नहीं हुआ था, ही हैड नो क्लू. ज़िया कर क्या रहे वो किताब में मैंने ये लिखा, ही हैड नो क्लू कि कोड़े लगते हैं, ये होते हैं, एंड ही वाज बीइंग यूज्ड फॉर क्रिकेट डिप्लोमेसी. ही हैड नो क्लू. ही इज़ वन ऑफ दोज कैरेक्टर्स, उसको हर चीज़ मिली हुई थी. वो ही वाज सुपरस्टार. 6 महीने वो साल के 6 महीने से ज़्यादा इनफैक्ट यूके में गुजारता था, उसको नहीं पता था यहाँ क्या हो रहा है. ये अचानक ये रिटायर हुए हैं, तो पहले तो वो आपके वो कौन था यार अपना जनरल हमीद गुल तो पहले हमीद गुल द आर्किटेक्ट ऑफ अफगान जहाद एज फार एज आई से कंसर्न. ये उसने उसके दिमाग में डालनी शुरू की, तुम पठान हो, तुम जज्बाती हो, तुम वॉरियर रेस से आते हो. तो उसने एक किताब भी शायद मेरे ख्याल में इमरान ने निकाली थी उस ज़माने में, आई नो उस ज़माने की वो एक है कि वेर ही सेज ऑल दीज थिंग्स एंड ही इज फोटोग्राफ्ड कि वो बैठा हुआ है गन के साथ चारपाई में, ये मेरा कल्चर. भाई कहाँ से तू मियाँ वाली का आदमी, आधा तू लाहौर का, ईस्ट पंजाब का, ये तो क्या मतलब है तुम्हारा, जिंदगी तूने टाइगर प्रिंट पहन के यूके में गुजारी. पता यार. तो बट द थिंग इज व्हाट डज इट शो, द शो दैट सडनली ही फेल इनटू एन आइडेंटिटी क्राइसिस वंस ही लेफ्ट इज लाइक क्रिकेट इसकी जिंदगी से निकला है ना, ही फेल इनटू एन आइडेंटिटी क्राइसिस. मैं हूं कौन, मैं क्या हूँ, मतलब इमरान खान जो क्रिकेटर तो खत्म, वर्ल्ड कप जीत गया, अब मैं क्या हूँ? And you also miss the spotlight. I think a lot of people what they don't talk about. Yes, especially a man like him, who's always been in the spotlight and had crossed 40 when he won the World Cup. तो फिर तो सवाल आता है कि अब मैं क्या करूं? अब मेरे पास, मेरे को तो अब कौन होगा applause करने के लिए? Yes, people supported him. He liked that when he was making the hospital, but he wanted more, and he was told by these people like Hamid Gul and एक और ऑर्गेनाइजेशन होती है पासबान के नाम से, हमीद गुल की थी ना, वो थी एक्चुअली, कुछ पुराने जमाती थे, उन्होंने निकाली थी, और उनका देखो उस वक्त से ये कड़ी चल आ रही है। पासबान का मैनिफेस्टो क्या था? पासबान क्या था? दे वर अ लॉबी, वी आर वर्किंग टू फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द मिडिल क्लासेस, और द ऑडेसिटी, द मैनिफेस्टो ऑल्सो सेड दैट वी वांट टू एजुकेट द मासेस who have been unknowingly giving their votes to corrupt parties. Educate the masses. हम middle class के हैं, हमें ज़्यादा पता है, हम इनको educate करेंगे. Basically educate them के एक और dictator को, जो authoritarian बंदे को वोट दे दो भाई. ये कीमे वाले नान पे बिकने वाले लोग, ये सिंध में, अच्छा लोग बात, मुझे लिटरली समझ नहीं आता, कभी कभी लोग कमेंट करते हैं तुम डेमोक्रेसी बात करते हो, सिंध में जो एक पार्टी ने जहनी मरीज बनाए हुए हैं, अच्छा वो वोट कर, सिंध में जो वोट करे वो जहनी मरीज है, आप करें तो वो ठीक है, कोई इशू नहीं, वो जहनी मरीज है। मसला ये है कि जहनी मरीज यही है, वो कहते हैं ना, एक पागल कभी अपने आप को पागल नहीं बोलेगा, दूसरों को पागल कहेगा, मसला इनके साथ यही है। अगर ये कह रहे थे जहनी मरीज है, आयरनी हुए देखे ना, इमरान खान कराची आया तो जिंदा लाशें बोला मुहाजिरों को, उसके आगे क्या थे आज धरने में जो हम देखते थे इमरान खान के, वो उन क्या थी, वो देवर समथिंग वर्स आई वुड से। अभी वो फिरदौस शमीम नकवी को भी किडनैप कर लिया, गलत बात है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बट उनका भी अभी यही बयान आया था ना कि पाकिस्तान फौज जिंदाबाद, पर ये कौम जो है मुर्दा है, कौम मुर्दाबाद। मेरा मैं उस पे कमेंट करना चाह रहा था, अगर ये किसी और ने बात की होती, और पीटीआई जब कौम मुर्दा पे उठ गई बात उसने छोड़ दी थी, मैं उस पर कमेंट करना चाहे, मैं यार ये लग जाएंगे पीछे, are you saying that he should have been, you know? No, he shouldn't have been. But the thing is, it's open. फौजी जिंदाबाद, कौम मुर्दा। बट तू है तो कौन है कौम को मुर्दा? सरकास्टिकली कह रहे हैं कि फौज जिंदाबाद। I know that उसने सरकास्टिकली बोला था। कौम को मुर्दा। अचानक वो बंदा जो एक वो स्ट्रैप्स वो पहनता तो वो जिन्ना कैप पहन के आ गया, जैसे एकदम से बड़े भैया तू, मतलब वही वाली बात है ना, इनकी बिगटरी जब तक नहीं खत्म होगी ना। तो कौम मुर्दा उस वक्त नहीं थी जब पीटीएम पे गोलियां जलाई जा रही थी, कौम मुर्दा उस वक्त नहीं थी कि जब औरत मार्च पे एफआईआर कटाई जा रही थी, कौम मुर्दा उस वक्त नहीं थी जब पीएमएल डिसमेंटल हो रही थी, पूरी लीडरशिप को जेल डाला जा रहा था, तब आप लोग असेंबली में बैठ के तालियां बजा रहे थे। एमक्यूएम के ऊपर ऑपरेशंस कराची के अंदर, वहाँ हम कहते हैं जी अर्बन सेंटर नहीं है, हमने वीडियोज़ देखी जो यूट्यूब इतना वायरल भी नहीं था फिर भी वायरल होती थी, रेंजर्स ने गली पर गोली मारी है, ये वीडियोज़ अभी जब मैं बोल रहा हूँ लोग बोला हाँ यार ये तो हमने देखी थी, तब आप मुर्दा नहीं थे, तब आप लोग तालियां बजा रहे थे कि स्टेट ने जी बहुत अच्छा काम किया। बाकी देखो वो मंजूर पश्तीन वाले भी टेररिस्ट थे, एमक्यूएम वाले भी टेररिस्ट थे, सिंधी जो है वो मुर्दा हैं और ज़ॉम्बीज हैं, बलोच भी टेररिस्ट हैं, एंटी पाकिस्तान हैं, एजेंट्स हैं, ठीक है ना। खान साहब के डिजिटल मीडिया विंग वाले कुछ पॉडकास्ट होस्ट भी, उन्होंने पूरी प्रोफाइल बनाई थी 5th जनरेशन की कि ये जो हैं ये क्या प्रोपेगेंडा विंग्स हैं, उनके रॉ से कनेक्शन का है। आप लोग इस तरह एक्टिव मतलब वॉइसेस और एक्टिविस्ट को रॉ एजेंट्स बोलते थे कि अच्छा चलो अरेस्ट उठाए जाएं तो दूर की बात, कोई गली में ही ना गोली मार दे, ब्लास्फेमी कैंपेन चलाते थे। अबरार हक बोलते हैं कि मेरे घर के अंदर कैसे घुस गए, आपने एहसन इकबाल के खिलाफ एक ब्लास्फेमी कैंपेन चलाई जिसपे उनको गोली चली, उसके बाद आप टीवी पे बैठे, एहसन इकबाल का बेटा आपके साथ बैठा था और आपने बोला इन लोगों को ये मुझे कैसे हरा सकता है एहसन इकबाल, ये तो कहीं जाता था, लोग कोई जूते मारते थे, कोई गोली मारता था। वसीम बदामी ने बोला यार खुदा खौफ करना, बोला गलत बात क्या कर रहा हूँ, आज ही बोल रहे हैं हमारे घर में लोग आ रहे हैं, अब अगर खुदा ना खास्ता इमरान खान को गोली लगी, हम बोलना शुरू हो जाए हाँ तुम्हारी तो औकात ही ये है कि कहीं जाते हो लोग जूते मारते हैं, गोली मारते हैं, शायद इनके सपोर्टर मुझे गोली मार दें बोलने पर, आप लोग तालियां बजाते हैं। बोलेंगे भी नहीं, बिकॉज आपके अंदर कॉन्शियसनेस है, आपके अंदर गिल्ट है, यार नहीं कहना चाहिए, ठीक है, बेशक आपका सबसे बड़ा ही ओपोनेंट ना हो, आपको नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। द थिंग इज, लेकिन इनको कौन समझाए, इन्होंने कुलसूम नवाज के बारे में क्या नहीं बोला। जी जी मुझे याद है, एतजाज ऐसे जैसे पढ़े लिखे लोग क्या कुछ नहीं बोला आप लोगों ने? सिद्धार्थ, वो इंसान नहीं समझते ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ। हाँ, वो कह रहा है मुर्दा, वो खड़े होकर मुहाजिर कह रहे तुम लाशें हो, तो ये क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये को इंसान ही नहीं समझते, इनको नहीं समझते इंसान। कहते हैं व्हाट दे गेट इज व्हाट दे डिजर्व। लुक एट देयर इंटरेक्शन। मैं अगेन आई विल कम बैक टू इनका इंटरेक्शन सो कॉल्ड मासेस से होता है। लुक हाउ दे इंटरेक्ट विद देयर मासेस। लुक एट हाउ खान साहब जो बोला फ्लड अफेक्टेड एरिया में गया, एक टेंट बनाया, एक प्लेट एक टेबल पे 3 लोगों को बिठाया, उनको बिरयानी दी एंड देन खाया। ये इसी से खुश हो जाएंगे, बिरयानी खाने आए हैं ना, 2 प्लेटें दो, ये ऐसे भी बिक जाएंगे फोटो ऑफ करके बस। हाँ, ये इनको दे दो, कुछ नहीं होना। तो वही मैं कह रहा हूँ कि यार मेरे अंदर तो सिंपैथी नहीं जागती। प्रिंसिपली यस, बंदा कह सकता है नहीं होना चाहिए, इस तरह लेवल पे नहीं होना चाहिए, बट अगेन लाइक ऐसे तुमने स्टेट से टक्कर ली है तो यू शुड नो व्हाट द प्राइस इज एंड यू शुड बी विलिंग टू पे दैट प्राइस। एंड इफ यू सर्वाइव यूल कम आउट एंड यू सर्वाइव एंड हैव सम स्टेक इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। But if you think you refuse to pay that price of clashing with a very important institution and you totally आप unwill कर रहे हैं, मतलब आप you are not ready to pay that price, और आप constitution के पीछे, judiciary के पीछे, जमहूरियत के नारे के पीछे छुपना चाह रहे हैं, I'm sorry, this will not, I can't sympathize with that. फेब में इनको बोला था कि कोई उल्लू का पट्टे आपको एडवाइस कर रहे हैं, हर ऑप्शन पे न्यूक्लियर नहीं जाते। चौधरी परवेज अली को प्रेसिडेंट बनाना, जेल भरो तहरीक, आपने जेल भरो तहरीक चलाई तो आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए कि स्टेट ने बोला अच्छा चलें जी आपकी तहरीक को हम सक्सेसफुल बनाते हैं। असेंबलीज को डिसॉल्व कर दें, अच्छा क्यों असेंबलीज डिसॉल्व की, मुझे तो जनरल बाजवा ने बोला था। क्यों भाई, जब जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं है, आप क्यों जनरल बाजवा की सुन के असेंबलीज डिसॉल्व कर रहे हैं? बेवकूफ़ाना हरकत। असेंबलीज छोड़ना ही, इफ़ इमरान खान आफ्टर द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हैड स्टेड इन द असेंबली और कुछ नहीं करता, लिटरली अगर वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलता ना 1 साल, वो प्राइम मिनिस्टर था अगला आपका। जितनी इकोनॉमी बर्बाद हुई है वो आप रियलाइज़ कर रहे हैं ना। आप पहले कोर्ट के पास गए कि हमारे इस्तीफे नहीं मान रहे, पहले स्पीकर साहब इस्तीफे नहीं मान रहे थे, कोर्ट में जाके बोला, ये इनको बोला हमारे इस्तीफे माने, अब कोर्ट के पास जाके बोला कि इनको बोला हमारे इस्तीफे। बट वो ये ना जो पॉपुलराइज होता है, 90 डे वाला उन्होंने पॉपुलराइज कर दिया कि जी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन तो 60 डे का बाई इलेक्शन भी कहता था, जिसमें आप लोग स्टेज ले रहे थे कि नहीं नहीं मेरी सीट पे अभी बाई इलेक्शन है, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था कि 60 दिन में होना जरूरी है। यार ये देखो ना थिंक, वही मैं कह रहा हूँ कि यार मुझसे ज़्यादा नॉलेजेबल लोग जो लॉ को समझते हैं वो छूटते ही 90 दिन शुरू हो जाते हैं। हाँ प्रिंसिपली वो तो सही है, सो मेनी complexities involved in this, situations involved in this, कि भाई अगर start करना है तो वो 61A था ना, 63A तो वहाँ से start करो ना। that was totally wrong। कि मेरे ऐसा बंदा भी जो law वो नहीं पढ़ा हुआ वो भी देख सकता है कि there's something not right about this judgment and this interpretation। वहाँ से start करो ना, ये क्या 90 दिन तो होने चाहिए, वैसे बड़े आप constitutional हो गए, जहाँ constitution देखना चाहिए वहाँ वो देखते नहीं है। मतलब ये कि मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि किस नैरेटिव पे, किस लॉजिक पे दे आर लुकिंग फॉर सिंपैथी। आई एम विलिंग टू गिव, देखो मैं इस पर ज़्यादा कमेंट ही नहीं कर रहा, इफ दे बीइंग अरेस्टेड, आई डोंट वांट टू कमेंट बिकॉज आई कांट फाइंड अ जस्टिफिकेशन। आई आल्सो कांट फाइंड अ जस्टिफिकेशन इन अपलॉडिंग व्हाट्स हैपनिंग टू देम। वन कांट, ठीक है ना, नहीं कर सकता, सो मे एज वेल चुप कर जाओ। तो मेरे भी काफ़ी लोगों से है कि देखो काफ़ी तो ऐसा होता है कि लोग कभी कभी करते हैं, एक डिस्क्लेमर वाले ट्वीट्स भी आने शुरू हो गए, वैसे तो ये बड़ा बहुत कमीने थे लेकिन देख रहा ये बट वाली जो होती है काफ़ी करते हैं। बट द थिंग इज आई थिंक डिस्क्रिमिनेशन देनी नहीं चाहिए। बट बात सही है कि यार इमरान राज खान जैसा भी था ये तो नहीं होना चाहिए यार। अच्छा चले आप FIR काट दें, देखो ना उसका उसका उसके 3-4 हैं वो नहीं पता, गायब भी कर दें कि पता भी नहीं किसी को कहाँ, ये तो ना करो यार। आई हैव नेवर सीन हिज शोज, आई नेवर लाइक्ड हिम, आई हैव नेवर, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन हिम, आई कैन नॉट रैशनलाइज माय सिंपैथी फॉर हिम, आई कैन नॉट रैशनलाइज समथिंग व्हाट हैज हैपेंड टू हिम, सो मे एज वेल चुप कर रहे हो बेसिकली कि नहीं बोलो यार, ठीक है ना। हमारे कुछ सहाफ़ी दोस्त भी हैं जो जिनमें यूथ आ गया है तो वो भी शुरू हो गए हैं कि प्रिंसिपल्ड ऑब्जेक्टिव पोजीशन जो है ना वो लेनी चाहिए, और वो प्रो पीटीआई होती है। वो सबसे मज़ाहिया होती है एक्चुअली। और मैं किस बात पे अटैक हुआ, मैंने यही को पीटीआई के अकाउंट से जिन्होंने कुछ और लोगों की तस्वीरें डाली थी कि ये लोग जेल में क्यों नहीं है। मोना सिलाई ने नवाज शरीफ की 90s की एक क्लिप निकाली जिसमें वो कह रहे कि फ़ौज क्यों सियासत में मुदाखलत करते, और ट्वीट क्या कर रहे हैं, अब इनके खिलाफ आर्मी एक्ट नहीं लगेगा। मतलब ये अभी भी ये चाह रहे हैं कि आर्मी एक्ट लगे, और खान साहब का पुराना बयान भी है कि सब पे लगना चाहिए, हम पे ना लगे। हाँ, तो मैंने यही बोला था कि ये लोग चाहते हैं कि जेल में जाएं सियासतदान, हम ना जाएं, कोई और जाए। They really think they are someone special. That's why they went nuclear on that day, because इनके अंदर था this misconception, this perception or this delusion rather, कि इनके साथ नहीं हो सकता कुछ, क्या हो जाएगा ज़्यादा, नहीं हो सकता। जनरल आसिम मुनीर विल नेवर रिएक्ट। अरे भाई, मैं वही कहता हूँ किस दुनिया में रहते हो। और वो जो हमारे भाई और बहनें जो बड़ी प्रिंसिपल बनी फिर रही हैं, वो भी आस्ते आस्ते इस तरह एक्सपोज हो रहे हैं कि द थिंग के अब वो जैसे थे। सर, इनके अराउंड भी तो बेवकूफ़ लोग हैं ना, रोज़ ब्लॉग बना के कि जनरल आसिम मुनीर ने कोर कमांडर मीटिंग की, 7 लोग खड़े हो गए कि तुझे तो हम मानते ही नहीं है, अब इस पर आप यकीन कर लोगे। अब वो उल्लू का पटा एक एब्सकॉन्डर बाहर बैठा हुआ व्लॉग बना रहा है जूम पर व्यूज़ लेने के लिए। हाँ, ये न्यूज़ आप मान लोगे कि एक्चुअली ना आर्मी में म्यूटनी हो गई, कोई जनरल आसिम मुनीर ऑर्डर देंगे वो फॉलो नहीं करेगा। मतलब आपने कुछ नहीं पता पाकिस्तान की नारी क्या है, हिस्ट्री क्या है, 2 टके के ब्लॉगर्स की आप बातें सुन रहे हैं। नहीं यार, देखो ना, वही आप सुनेंगे जो आप सुनना चाहते हैं। इनके साथ तो मसला यही रहा है ना पूरी ज़िंदगी। जैसे वो किसी साहब ने सही उस दिन कहा था कि यार 10 साल के लिए कंटोनमेंट एरियाज़ में सिर्फ बोल और ARY चलता था। तो और 10 साल में जो बंदा 10 साल का, एक 2010 में बच्चा 10 साल का, तो वो 2018 में 18 का हो गया, फिर अब 23 साल का हो गया होगा। तो उसने तो सिर्फ एक ही ये वन वे ट्रैफिक सुनी है, एक ही तरीके की बातें सुनी है, एक ही उन्होंने इसने नैरेटिव सुना है, एक ही आइडिया सुने। तो वो इधर उधर क्या उसको पता होगा, क्या वो देख सकेगा? तो अभी भी वो वही ARY बोल नहीं तो वो वीलॉग्स आके सुनता है, बिकॉज ही स्टिल दोज वीलॉग्स आर टेलिंग हिम और हर एग्जैक्टली व्हाट दे वांट टू लिसन टू, एंड देन दे विल कम एंड फाइट विथ यू। एंड मैं अभी रिसेंटली मैंने फेस किया है इस तरह 2-3 आर्ग्यूमेंट्स। मैं देखा, माय गॉड सर, यार ये जो आप जो सोल्जर स्पीक्स है, पता नहीं क्या नाम है उस बंदे का, मेजर अदल राजा बागावा, मैं ऐसे कुछ देख लो। बेशक आई कांट स्टॉप यू फ्रॉम वाचिंग हिम, पर कुछ और भी तो देख लो ताकि बैलेंस भी मिल जाए, पता लग जाए कि यार ज़रूरी नहीं है कि ये। और ये जो लोग अभी जो हैं, PTI ने सोचा कि लेट्स बी क्लियर, मिलिट्री आपके खिलाफ ऑपरेशन कर रही है, ऑनेस्ट। उनको तो बोल नहीं सकते, वो तो इनके माई बाप हैं सालों से। ये फेमिनिस्ट जो है ना, अब मतलब इस वक्त भी आप फेमिनिस्ट को अटैक कर रहे हैं, बिकॉज अब आप आर्मी का नाम लेते हो, आपकी फट रही है इसलिए। तो आपके जो अब्बू हैं मेजर आदिल राजा, जो व्लॉग बनाते हैं, उन्होंने एक्ट्रेसेस के नाम लेके क्या इंसिनुएशन की कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ इनके रिश्ते थे। तब आप लोगों का फेमिनिज्म नहीं जागा था, उनको आपने हीरो बनाया हुआ है इस आदमी को। नहीं तो आप वही है ना यार, देखें ये तो इजी टारगेट्स है ना, फेमिनिस्ट एंड लिबरल्स आर इजी टारगेट्स। नॉट रियलाइजिंग आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ लिबरल्स बिहेविंग वेरी यूथियापिक दीस डेज, ठीक है ना। And they say they're doing it for principle. They say they're doing it for jamhuriyat and constitution, which is nonsense. ठीक है, मैं कहता हूँ मेरे ख्याल में basically what they're doing is what they should do really is first make these people you're trying to और उन लोगों के जिनके आप जमहूरी rights बचा रहे हैं, पहले उनको certain चीज़ें realize करवा दें। जेल में जाते हैं जाने उनको देखने दें क्या होता है और क्या होता रहा है majority of पाकिस्तानियों के साथ। उनको रियलाइज़ करवा दें, जब आप सियासी एक्टिविस्ट बनते हैं, जब इनकलाबी बनते हैं, यू हैव देयर इज अ सर्टेन प्राइस यू हैव टू पे, यू आर नॉट स्पेशल। आई थिंक यू आर स्पॉट ऑन कि दे हैवंट पेड दैट प्राइस ना। बिजली के बिल आप जला देते हैं जी, पार्लियामेंट पे आप हमला कर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे अपनी शलवारें डाल देते हैं सुखाने के लिए, बोलते हैं कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो फिर हमें मसला क्या है? IMF का प्रोग्राम आप डीरेल कर देते हैं कि ठीक है पाकिस्तान फ्लड में डूबा हुआ है पर हम IMF का पैसा ना आने दें ताकि लोग ये मर जाएँ। एंड यूर लाइक, हम तो इनविंसिबल हैं, हम तो टेफलॉन खान हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना, इनको अब जो लोग इनकी सिंपैथी कर रहे हैं उनको पहले थोड़े बता दें कि उनकी हैसियत क्या है, को रियलाइज़ करवा दें उनके। ये जो वायरस इनके अंदर है ना, ये अब कम हो रहा है। सॉफ्टवेयर अपडेट आप कह रहे हैं कर दें, सॉफ्टवेयर अपडेट तो होएगी, एक ही इंस्टीट्यूशन कर सकता है, ये बेचारे मैं तुम क्या करेंगे उनको। नहीं, मैं अक्सर कहना एक छोटी सी रियलाइजेशन भी आ जाए ना इनके अंदर, बिकॉज ये देखो ना अभी भी बिल्कुल डूबे हुए हैं। दे आर डिप्ड, दे आर एनगल्फ्ड बाय दिस स्ट्रेंज डिल्यूजन्स कि हम अनटचेबल हैं, वी आर द राइट पीपल, हमारे से अच्छा कोई है ही नहीं, हमें टच नहीं करना चाहिए, हमने पाकिस्तान के लिए जितना किया वो किसी और ने नहीं किया, अनप्रेसिडेंटेड। ये इस माइंड सेट से जब निकलेंगे ना, अब तो ये besieged mindset हो गया, which is very dangerous also. सर निकल भी नहीं सकते ना, because इमरान खान की अगर सारी सियासत है कि नवाज शरीफ और जरदारी चोर हैं, so now he has to articulate what is happening as unique and unprecedented. हाँ. What he should do is कि अच्छा ये इससे पहले PMLN के साथ ये किया, उससे पहले PBB के साथ ये किया, तो जो PTI के साथ हो रहा है it's a continuation of 70 years of पाकिस्तान की हिस्ट्री. लेकिन अगर वो ये बोल दे तो बोले भाई तू पिछले 15 साल से फिर जो इनका फ्रंटमैन बना हुआ था दो पार्टियों के खिलाफ, अब अगर तो आके कह रहा है कि नहीं इन पार्टियों के खिलाफ उसी इस्टेब्लिशमेंट ने गलत किया जिसके आप फ्रंटमैन दे, तो तूने 15 साल की सियासत तो गलत की ना. सो नाउ ही इज इन दैट कनंड्रम. नो, ही विल नेवर सी इट एज अ कनंड्रम. ही विल नेवर सी इट एज ही सीज इज फुल ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस. ही विल नेवर सी दैट. ठीक है, ही इज स्टिल जस्ट अब वो आखिरी उसमें उसने लास्ट पकड़ा हुआ है ना आखिर में, कि जो अभी भी इसको बिलीव करने वाले अभी भी हैं, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु इन्वेस्टेड सो मच ऑफ देयर एफर्ट एंड इमोशन इन हिम. They don't want to let go because if he goes, so they might crumble. उनकी पूरी identity is defined by this man. तो मसला सिर्फ ये है कि he knows कि there are still his viewers. वो time आएगा और मैं predict कर रहा हूँ आएगा. A lot of people will start saying यार okay, enough is enough. अब timing बड़ी important होनी चाहिए कि किस तरह इमरान जाता है, चाहे वो जेल जाए, चाहे वो exile में चला जाए, चाहे वो disqualify हो जाए. उसकी टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट आई थिंक द स्टेट इज नाउ डूइंग इज बेसिकली, एक तो खैर वो पार्टी को डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहे हैं. पार्टी हमेशा ये इमरान खान ही थी बेसिकली, वो एक अलग चीज़ है. दे आर ट्राइंग टू ग्रेजुअली अनडू व्हाट दे डिड देमसेल्व्स बाय इमरानिज्म, जो जिसको कहें आप. एंड दैट्स व्हाट जनरल आसिम मुनीर वाज डूइंग क्वाइटली फॉर द लास्ट ईयर. तो जब ये लोग व्लॉग्स बनाते हैं जनरल आसिम मुनीर वीक है, आई वाज लाइक तुम्हें पता नहीं पीछे क्या हो रहा है, नादरा में कौन लोग गायब हो रहे हैं, आर्मी में कौन लोग हाउस अरेस्ट हो रहे हैं, बिकॉज दे न्यू के यार फैज के कैंप्स क्या क्या हैं. हां, वो सोर्सेस कंसोलिडेट, यस, सोर्सेस कंट्रोल कर रहा है. वंस वो एम्पैथी, जो सिंपैथी इसको मिलती है इसकी बातों की, वो कम होती जाएगी. एक पॉइंट आएगा, एग्जॉशन भी तो सेट इन हो जाएगी ना एक पॉइंट. अब देखे ना क्या हुआ, वही हुआ. कोई सोच ही नहीं सकता था कि जमान पार्क आप जाएं और वहाँ लोग डंडे बरदार, लोग नहीं खड़े हों, टेंट नहीं खड़े हों, और बिरयानियाँ नहीं खा रहे हों, और गाने चल रहे हों. आज सुना है वहाँ खाली हो गया है, कोई नहीं है, कोई नहीं है. इट्स गॉन, द पार्टी इज ओवर. वो बैनर शैनर भी मैंने भी देखा था, उतार रहे थे वहाँ जो पूरा बैनर्स लगाए थे. मैं लाहौर भी गया था फ्यू मंथ्स अगो, तो वो बैनर और झंडे लगे रहे जमान, सब उठ खत्म हो गया. And that should be taken, that's symbolic of something. So this is what's happening, आस्ते-आस्ते eroding all these things. तो फिर of course और कोई आया नहीं. कितनी दफ़ा ट्रेंड चले तुमने देखे नहीं? ज़मान पार्क पहुँचो, ज़मान पार्क, बिग बॉस कह रहे हैं सब ज़मान पार्क पहुँचे, कोई नहीं पहुँचा. नहीं पहुँचा because वहाँ तो बिरयानी मिलना ही बंद हो गई ना, चाय बिस्किट भी नहीं मिल रहे वहाँ, फटी भी हुई लोगी. ठीक है, लिटरली ऑनलाइन गालियां पढ़ना कम हो गई हैं. हैव यू नोटिस ना? तो वो तो होगा. तो दैट इज व्हाट द स्टेट इज डूइंग, और लेट्स से द मिलिट्री इज डूइंग. ये उसको अब जरा समेटा जाए. ये पीटीआई की गलती है. आपका एक शैडोज में चल रहा था, आपसे भीखे मांगी गई, कर लो मुज़ाकरात कर लो. मैं नहीं करूँगा. अब उन्होंने जो 9 मई को हुआ है, अब प्रीटेंस ओवर हो गया ना. नाउ अब वो डायरेक्ट हो गया. पीटीआई वर्सेस मिलिट्री था वही, बट ये जो बीच में लोग सियासतदान थे कि बेटा हम देख चुके हैं किस तरह से सिस्टम जो है ना वो लपेटा जाता है, बट यू सेड मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ या मार्शल लॉ लगा. तो अब वो जो माय वे और हाईवे, बट अब जो वो डायरेक्ट हो गया है ना, अब देयर इज ओनली वन विनर. आई कैन सी इट, ओनली वन विनर. आई कैन सी इन ऑन हिज फेस एज वेल. आई आल्सो सॉ इट. खान साहब के लाइक इज लाइक worn out, drained. इन आखिरी दम वो जो पुरानी मॉन्टी पायथन की फिल्म थी कि उसमें एक सीन होता है कि एक ब्रेव ब्लैक नाइट होता है, तो एक बंदा आता है, उसका पहले हाथ काटता है, फाइट में वो हाथ भी टांग के साथ, आखिर में कुछ नहीं रहता है. ठीक है, वो वाला सीन रह गया, व्हिच इज रिडिकुलस. लेट्स कॉल इट अ ड्रॉ. आगे चलो कोई वे निकालो, मेरे ड्रॉ ही कह दो. सो अजीब सा. कल तो ये भी कहा गया, जो लोग मुझे छोड़ के यहाँ जाते हैं, मुझे नजर आ रहा है आप पे बहुत प्रेशर है, वो रो रहे हैं, ठीक है आप चले जाएँ. I mean, there is that hint of acceptance of defeat कि ठीक है लोग जा रहे हैं. यार sometimes the best, you know, एक strategy होती है सियासी, और वो आर्मी मिलिट्रीज में भी होती है, वॉर में भी होती है, कि when you pull back, you know, retreat is also strategic move. That doesn't mean you've lost. उसको तो कुछ है ही नहीं ना, बट इस तरह सियासी थिंकिंग है नहीं इस आदमी में। वो छोटे छोटे चुटकियाँ वाली थिंकिंग है ना, मैं ये कर दूंगा, ड्रामेटिक से न्यूज़ बन जाती है तो पॉलिटिकली आपको मार देती है, डिसॉल्व कर दूंगा मैं, ड्रामेटिक एक्ट। कोई कोई लोग अरे यार क्या ब्रिलियंट बंदा है, अरे यार क्या चुतिया पे क्या मूव था भाई, ब्रिलियंट मूव कैसे होगा? आपकी हुकूमत जा चुकी, आप अपनी हुकूमत पंजाब और केपी से हटा रहे, वहाँ बैठे तो रहे। पहली बात तो आपको पार्लियामेंट छोड़नी नहीं चाहिए थी ना, मैं छोड़ दूंगा ये, अरे यार ये है ना, आप इसने कॉर्नर कर दिया यार, वो भी सारा यू टर्न। या अमेरिकन साजिश, नाउ आई सी इट वाज नॉट अमेरिकन, नाउ अमेरिकन बिकॉज़ द अमेरिकन नॉट इंस्टेंटली नाउ उसके सपोर्ट में। यार वो कोई कांग्रेस में ना आ रहे हैं, और वो जो वो है घटिया आदमी, वो जिसने ज़ल्मी खलीलजाद, हां खलीलजाद, नो वन, जीरो क्रेडिबिलिटी, वो आके उसको चला रहा है। यार कांट हिज सपोर्टर्स सी कि अभी आप अमेरिका को गालियां दे रहे थे, अमेरिकन एम्बेसी बाहर आप खड़े हुए थे, कह रहे थे आपने वो एक कंस्पिरेसी करके एक पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया। आप उसी के पास जा रहे हैं, उनके साइन ले रहे हैं और उनको कह रहे हैं इसे प्रेशर डालो उस पर। बंदियाल के चेहरे पे चपले मारी थी इन्होंने अपनी रैली में अप्रैल के बाद, जी तीनों जजेस के बना के चपले मारते थे। अब बंदियाल इनके अब्बू हैं, अब बंदियाल दुनिया के सबसे ब्रेव चीफ जस्टिस एवर। ये भी एक खान साहब की बेवकूफ़ी थी, उनको लगा कि बंदियाल और ये जो तीन बेंच है ना, बेंच ये बेंच छुड़वा देगा मुझे, लेकिन ये बेंच एक हद तक जाएगा, लेकिन वो जो यार एक तो ये रोना शुरू कर देते। सुना वो कोई लाहौर हाई कोर्ट के भी जज थे औरंगजेब साहब, वो भी रोना शुरू हो गए, सुना मैंने। मतलब बंदियाल उससे पहले उनके आंसू आ गए थे यार। मतलब हमने तो सुना था कि जज जो होता है उसका जो सबसे पावर, उसका एक आर्ट होता है, हाउ टू रेगुलेट योर इमोशंस इन अ कोर्ट रूम वेयर यू शुड लुक यू नो ऑब्जेक्टिव, एटलीस्ट लुक ऑब्जेक्टिव एंड स्टर्न। ये तो रोना शुरू हो गया यार। वो जन औरंगजेब जज थे लाहौर के, ये मैंने मुझे भी सुना, मैंने मुझे पता नहीं नाम उनका। वो इमोशनल हो गए। मतलब इनके ऊपर कितना पैसा, मैं मतलब मैं मानता हूँ ठीक है कि वही मैं बात करूँ, ये सब हमारी क्लास में से हैं और ये युतियापा इन सब में आ गया था बिल्कुल। तो उनका रोना जो है ना, ये है कि यार ठीक है गलती हो गई, अब इतना तो ना करो हमारे साथ, मतलब हमें तो नहीं डेडलाइन लगा दो। हाँ तो यही है कि अच्छा 2-3 महीने में रिटायरमेंट है, ये मेरे पर्क्स हैं, मेरे लैंड है, छोड़ो ना। मतलब हद तक जो हमारे सहाफ़ी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट से पैसे लेते थे, आज बड़े एंटी इस्टेब्लिशमेंट के यूट्यूब पे अपने पैसे कमा रहे हैं बाहर बैठ कर। ठीक है, कोई पूछे मुहित पीरजादा से कि किसने फंड किया जी, पैसे तो वापस कर दो, डोनेट कर दो। इन ये जो लड़के PTI के उठाए गए हैं, कुछ तो जियो फेंसिंग में ही उठा दिया ना। आप प्रोटेस्ट पे गए थे, आप भले कोर कमांडर के घर के अंदर ना गए हो, बाहर बैठे हुए हो, मोबाइल तो आ गया ना आपका। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि मुझे जो लोग नहीं पसंद नेक्स्ट टाइम ना उनके या तो मोबाइल रख दूँ या जहाँ भी प्रोटेस्ट हो उसको फ़ोन कर दूँ कि यार मैं इधर मिलना चाहता हूँ, इधर आ जाओ। हाँ, इधर रीजेंट के ऑपोजिट एक जियो फेंसिंग में उसका मोबाइल और चोरी कर लेते हैं, पैसे वापस कर दो। आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए हो ना, तो क्यों आप फ्लैट एक एक्सपेंसिव लेकर दुबई शुबई में बैठे हुए, वो पैसे तो वापस करो। आपका हमारा टैक्स पेयर है ना। बोलते हो जी करप्ट, ये नवाज शरीफ ज़रदारी खा लिया, आपने जो हमारा टैक्स पेयर खा लिया। साफ़ी बनते हैं आप, अपने आपको बोलते हैं प्रोपेगेंडिस्ट। हम तो आप वापस करो, डोनेट कर दो, लीगल फीस में दे दो। इनको लगता है वापस नहीं आएंगे क्या? इनमें से काफ़ी को वापस तो आना पड़ेगा। क्यों आएंगे वापस? आई डोंट नो। आप मुहित पीरजादा से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जब आपने एलिजिडली खलीज टाइम्स की स्टोरी है कि उनके वालिद जब मर रहे थे तो इन्होंने ICU में जाकर थम उनके अंगूठे लगाए थे प्रॉपर्टी पेपर्स पे। तो ये थम ज़्यादा जो है, थम्बलीना, थम्बल ज़्यादा तो ये क्या अच्छा काम करेंगे? यही है, तो यही लोग हैं। हम मौलवियों को गालियाँ देते हैं कि हलवे खा के मदरसों में जो करते हैं और फिर हमें आके दर्स देते हैं पाईटी का। तो ये भी वही माइंडसेट है, दुनिया जहाँ की कमीनगियाँ करेंगे और फिर हमें आके लेक्चर्स देंगे अच्छाई बुराई का, नेकी और बदी का, और जमहूरियत का और कॉन्स्टिट्यूशन का। ये वही कॉम है, वही माइंडसेट है। मैं बार बार कह रहा हूँ ना, इसी क्लास में चाहे आप राइट के हों, मौलवी हों, या कुछ हों, या आप लेफ्ट के हों, वही है माइंडसेट, वही है। और ये इन सबको लेक्चर देने का बड़ा शौक है। जिसको भी देखो ना लेक्चर देना शुरू कर देता है, चाहे वो मार्क्सिस्ट हो, चाहे वो रिलीजनिस्ट हो, इस्लामिस्ट हो, को लेक्चर देने का बड़ा शौक है। इनसे बात भी करो लेक्चर शुरू हो जाता है। भाई डिस्कोर्स करो, लेक्चर। जब लेक्चर शुरू हो जाता है तकरीजा शुरू हो जाती है, उस पे मुझे शक हो जाता है। या वर्चू सिग्नलिंग दबा के भाई नॉर्मल बात नहीं कर सकते आप। सबसे बड़ी बात है कि आप बोले आप परफेक्ट नहीं हो सकते, बीइंग इम्परफेक्ट इज बीइंग ह्यूमन। एक साहब थे ना, हम भी जिनसे मिले, जिन्होंने बोला कि अच्छा तुम आओ मेरे उस पर, मैं आ जाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। भाई तू बुला तुम्हें सिखाना चाहता हूँ मैथ नहीं है एक्चुअली, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। तो भाई तू बुला क्यों रहा है? क्या सिखाना चाह रहे थे वो पता नहीं, छोड़ दें उन साहब के भी अपने मसले मसाइल हैं। तो ये जो एक इस्लामिक वोटर रहा है, वो भले जमात का रहा है, जमीयत का रहा है हिस्टोरिकली, वो खान साहब को कैसे उनकी गोदी में आ गया? इज दिस द एस्टैब्लिशमेंट कनेक्शन? क्योंकि खान साहब तो एक क्लीन शेवन, या उनकी परफॉर्मेंस ऑफ पार्टी इतनी अच्छी थी, इसलिए आ गया कि आपका, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, मुहजर जो था वो जमात इस्लामी को और उसको वोट देता था, फिर अल्ताफ़ हुसैन को वोट दे दिया बिकॉज अल्ताफ़ को उसको सही लगा बंदा। एक तो खैर अल्ताफ़ वॉज रिप्रेजेंटिंग नॉट ओनली देयर क्लास बट ऑल्सो देयर एथनिक और सो कॉल्ड एथनिक ग्रुप। He also said the right things initially, यार स्पीचेस बहुत अच्छी होती हैं। अब खान जो है तो खान हैंडसम है, ठीक है, करिश्मा है, उसको बर्गर्स को भी अच्छा लगता है वो। तो वो जो रिलीजियस वाले भी हैं, जो रिलीजियस लगते भी हैं, चाहे वो औरत हो जो मर्द हो, तो दे फेल्ट गुड कि समवन जो रियासत मदीना की बात करता है और गुड लुकिंग भी है वगैरह। तो दैट्स व्हाई आई थिंक दैट साइकोलॉजी प्लेड अ बिगर रोल देन एनीथिंग एल्स। ऑफ कोर्स क्लास इंटरेस्ट तो रहेगा बिकॉज खान वाज रिप्रेजेंटिंग ए पर्टिकुलर मिडिल क्लास एंड लाइक आई सेड दिस क्लास में हर किस्म के लोग हैं, सो दे सॉ हिम कि यार ये बंदा सही है। एक साहब ने मुझे ट्विटर पर ब्लॉक करते हुए भी बोला, तुम जो भी बोलो आई विल नेवर बिलीव यू बिकॉज इमरान खान वाज 3 बैचेस बिलो मी एट HSN एंड आई विल ऑलवेज ट्रस्ट हिम ओवर यू। He was 3 batches below him. हाँ, तो बस वो मेरा HSN का था तब खत्म। अब तुम जो मुझे एविडेंस दिखा दो मैं मानूंगा ही नहीं। नहीं मानेंगे ना, एक उनकी दुनिया कर। आप देखो ना कितने बड़े बड़े ज़ईफ अंकल्स का जो हाल हुआ हुआ है यार। वो ज़ईफ अंकल हैं जिन्होंने कभी किसी को फॉलो ही नहीं किया पॉलिटिक्स, उनको था ही पता नहीं था कि वॉट इट फेल्ट टू बी इन्वेस्टिंग सो मच इमोशन इन आवर आइडियोलॉजी और इन अ पॉलिटिकल लीडर। उनके अंदर था ही नहीं है कभी, उन्होंने कभी किया ही नहीं। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने किया, उनको मज़े लग गए। अब वो कहते हैं हमारी बुढ़ापे में भी हमसे वो ले लिया तुमने। बेचारे को देखा जिसने रेंजर्स की चौकी जलाई थी, दाढ़ी वाला, मैं हूँ खड़ा। हाँ, जो बेटे के साथ पकड़ा गया। हाँ, बेटा वीडियो बना रहा था। अब तरस भी आता है, अंकल क्यों इस उम्र में आप ये कर रहे थे यार, क्यों आप रेंजर्स? वो भी तो अंकल हैं वो जो गालियाँ देते रहते हैं ट्विटर पे। आर्मी में थे वो, एयरफोर्स में जो थे, जिनको पुलिस ने रोका था। गाली तो नहीं थी, वो एयर कॉमोडोर जो थे उन्होंने बड़ी तमीज से बात की थी। खैर वो पुलिस ने ट्विटर देखा है उनका आपने? अच्छा नहीं, ट्विटर नहीं देखा, मैं पुलिस वाली क्लिप देखी थी। ट्विटर चेक कर लें आप उनका, मतलब बास्टर्ड गाली देते हैं, ये तो सिविलियंस का एक निकनेम है। आप उनका ट्विटर देख लें। पहले मैं भी देखा, मैं यार इस अंकल को यार चलो शौक हुआ था सियासत का, वो आपने ले लिया इस उम्र में। फिर किसी ने बोला आप जरा इसका ट्विटर चेक करें। मुझे बताएं जो इस्टेब्लिशमेंट, मतलब जो मिलिट्री एयरफोर्स नेवी के लोग हैं जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, इनमें से कितनों ने अपनी लैंड अलॉटमेंट्स और प्रोजेक्ट छोड़ दिए? एक ने भी नहीं। ऑफ कोर्स इमरान नेवर वांटेड टू डू दैम ना। इन्होंने पहले, आपकी मिलिट्री बहुत सारे लोग थे ऑफिसर जिन्होंने जुल्फिकार अली भुट्टो को सपोर्ट किया, लेकिन जुल्फिकार भुट्टो की सियासत उनको अच्छी नहीं लगी इन दी एंड। वो लैंड रिफॉर्म्स की बात करता था, करे ना करे अलग बात है, नेशनलाइजेशन की बात करता था, मिलिट्री के पावर्स लेने की बात करता था। इमरान वॉज द टोटल ऑपोजिट, कहता लो और प्लॉट लो, मुझे भी दो। प्लॉट लिए ना, दुनिया की सबसे पहले मैंने सूफी यूनिवर्सिटी बना दी। एक कंट्रोवर्शियल प्लॉट मिला, उसमें सूफी यूनिवर्सिटी बना दी, दुनिया में सूफी तुम फैलाऊंगा मैं। खान का ये हाल है तो छोटे खानों का क्या हाल है? सलमान अहमद ने ट्वीट किया, फौरन आप लोग जमान पार्क पहुंचे, खान साहब की जिंदगी डेंजर में, वो अरेस्ट करने आने लोगों ने बोला अबे तू है कौन? सूफी जैल तू है कौन ये कॉल देने वाला? यार अब नहीं, उनकी सूफीज़म में देखे ना, मुशर्रफ भी तो सूफीज़म ला रहे थे ना, वो इनकी सूफीज़म भी उनके पढ़ो ना, अगर इनकी वो सूफीज़म थ्योरी हंसी आएगी। उस सूफीज़म पे आप कोक का पूरा सीजन बना सकते हैं लेकिन उस पर आप जिंदगी नहीं जी जा सकती ना। आप उसमें सियासत डेफिनेटली नहीं कर सकते। जब भी तो ये खादिम हुसैन रिजवी ऐसे लोग जो हैं, जो भी अपने आप को सूफीज़म कहते हैं, टीएलपी वाले भी अपने आप को सूफी कहते हैं, जब भी तो उनको खार आती है कि ये क्या मतलब, ये तो नहीं हम, मैं ये नहीं कह रहा वो जो वो वाला सूफीज़म फॉलो करते हैं वो भी सही है, ठीक है, उनके अपने मसले मसाले हैं, बट दैट हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर सेंचुरीज। आई मीन शाह वलीउल्लाह वाज नॉट अ कोक स्टूडियो सूफी, तो ये तो सो कोक स्टूडियो वाला सूफी है, तो उस पर आप सीजन बन सकता कोक स्टूडियो पे, उस पर और ज़्यादा हो नहीं सकता। तो वो लेकिन उन्होंने सूफी यूनिवर्सिटी बना दी है। वो कह रहे हैं देखो जो बेशक चोरी की हो, चोरी का प्लॉट हो, लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी बनाई है और वो भी सूफीज़म पे, तो मेरे पे तो छूट होनी चाहिए, टैक्स नहीं लगना चाहिए, मेरे को अंदर नहीं होना चाहिए इसके बारे में, इसके लिए मैं तो बड़ा, मैं तो दुनिया का फ़ायदा कर रहा हूँ। आवाम का नुमाइंदा कौन है? मलिक रियाज का बिजनेस पार्टनर। हाँ, it wasn't this our problem with Nawaz Sharif and Zardari that they were in bed with the elite? So why were they bed? वो मैं बता रहा हूँ, इनका वही है कि ये क्लास में अगर इनकी आप बातें सुने ना, और ये मैं पहले सुनता आ रहा हूँ, 80s में भी ये होता था, यानी क्लास में अगर बैठ जाए ना तो ये डिस्कस क्या करे, फलां जो है ना वो इतने पैसे खा गया, फलां ने ये इस तरह करके ऐसे पैसे बना रहा है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं मैं क्यों नहीं बना रहा इतने पैसे, ऑलरेडी अल्लाह मियां ने उनको बहुत दिया हुआ था, लेकिन इतना क्यों नहीं दिया, तो ये उससे ज़्यादा करने लगे। तो इसमें भी यही है, नवाज ज़रदारी कर रहा था, हमें भी होना चाहिए, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी ऑफ करप्शन क्यों नहीं है। बेसिकली दे वर लुकिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी सो दे कैन एक्सरसाइज द सेम करप्शन विच दे वर बिचिंग अबाउट। ये है मेन बात। अब खान साहब ने उनको प्रोवाइड कर दी, इन दी एंड वही होता है, अब जो प्रोवाइडर होता है वो खुद भी इसमें फंस जाता है। सेइंग अब तो खान साहब को फॉर द फर्स्ट टाइम कह सकते हैं कि हाँ जी वो भी करप्शन में मुलविस थे। बेस्ट आपको अकासी बताऊँ, मुझे एक एलीट ही हैं दोस्त, मैं कंपनी के नाम चेंज कर देता हूँ ताकि पता ना चले कौन है। बोलते मेरे चाचा मामू थे, उनकी एक फैक्ट्री थी, उन्होंने खान साहब के टाइम उन्होंने बहुत एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ की, ये क्या वो किया, अब वो नहीं होता, अब उनकी फैक्ट्री इतनी चल रही थी। मुझे बहुत उसने बोला, मैंने बोला करते क्या हैं, वो बोला यार ये मंगवाते हैं स्पेयर पार्ट्स और फिर वो असेंबल करके बेचते हैं। मैंने यार वो स्पेयर पार्ट्स तो बंद है, नहीं वो स्पेयर पार्ट तो स्मगल करके आते हैं ना। तो ऐसे ये इलीगल नहीं है यार, मतलब अब इस तरह की बातें कर रहे हो तुम, मेरे साथ जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, वो चीज़ बना रहे हैं तुम स्मगलिंग के पीछे पड़ गए हो। तो उसने एक पूरा वो बनाया हुआ था कि खान साहब के टाइम वो स्मगल करके बना रहे थे, बिक रहा था, चीज़ें चल रही थी, लोग नौकरियाँ थी, वो सो गुड फॉर द इंडस्ट्री, गुड फॉर द पीपल, जॉब्स क्रिएट हो रहे थे। तो ये एलीट खुद वो ना हलाल हराम वाली बात है, हलाल स्मगलिंग, हराम स्मगलिंग। पाकिस्तान की एलीट खुद इतनी चोर है। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप बैंक्स को उठा लें, वो जिस तरह से करेंसी स्पेकुलेशन पे पैसा बनाते हैं, आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को निकाल लें, करोड़ रुपए की आप एक सिविक बेचते हैं उठाकर, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को निकालें, इतनी सब्सिडीज लेके इतना कम एक्सपोर्ट करते हैं, शुगर इंडस्ट्री पूरी की पूरी माफिया। कौन सी आपकी इंडस्ट्री है जो नेक नियति से अच्छा काम कर रही है? सो दे कांट लुक इन द मिरर एंड बी लाइक ओ नो वी एलीट आर द प्रॉब्लम इन पाकिस्तान, सो देन दे हैव टू फाइंड अ ट्रांसफरेंस के अच्छा ये दोनों नवाज शरीफ ज़रदारी चोर है, इनके पेट से पैसा फाड़ के निकाल लो, बाकी तो मुल्क फरिश्तों से भरा हुआ है। एंड द सेम विद इमरान खान के जनरल बाजवा बुरे इंसान आ गए, जनरल आसिम मुनीर बुरे इंसान आ गए, जनरल फैसल नसीब बुरे इंसान आ गए। अदर देन दैट द इंस्टीट्यूशन ऑफ द आर्मी हिस्टोरिकली हैज बीन स्पॉटलेस। या बेसिकली अभी भी आपको अगर कोई रोके ना, मैं तो कह रहा हूँ लेकिन ऑल द सेम बेसिकली। और जब एलीट की बात करते हैं हमारे दिमाग में आता है कि ये अपर क्लास, अब नहीं, ये मिडिल क्लास भी वही हाल है, थिंकिंग वही है, उनको अपॉर्चुनिटी मिले वो करेंगे। उनको जब पुलिस रोकती है, अगर वो सिग्नल तोड़ेंगे तो पहली चीज़ दिमाग में आती है इसको 500 रुपये दे के इसका मुँह चुप कराओ, कौन जाएगा मजिस्ट्रेट, कौन जाएगा अगर लाइसेंस नहीं है, या फिर खड़े होकर अंग्रेजी बोलना शुरू कर दे। ये मुझे सभी समझ नहीं है, ये मैं बचपन से देख रहा हूँ कि पुलिस वाले अगर कोई रोके उनके जा वो अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? आप ठीक है आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उस आदमी से, लेकिन अंग्रेजी बोलने से इसका क्या मतलब है कि आपने क्राइम नहीं कमिट किया? वीडियो देखी थी आपने? मैं ब्रिगेडियर की बीवी हूँ। हाँ वो थी वो जो इसको उठा के लेके जा रहे थे। नहीं बहुत पहले ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोक दिया था, गलती कर दी थी उसने। हाँ ब्रिगेडियर की बीवी हूँ, एंड देन फिर इंग्लिश शुरू हो जाती है। ये मुझे कभी नहीं समझी हमारी मेरी क्लास की, हम अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते हैं। तो बड़े बड़े देखो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इतनी सिंप्लीफाई करके हम लोग करते हैं, हम एलीट को गाली दे देते हैं, नॉट रियलाइजिंग वी आर पार्ट ऑफ दैट एलीट, वी आर पार्ट ऑफ दैट एलीट। इसमें ट्रांसफरेंस का जो जिक्र आया सिगमंड फ्रॉइड का, अगर सिंपल कर दूं, आपने किताब में लिखा है कि एक तबका होता है जो पार्टी जब परफॉर्म होती है तो किसी को भी अब्बू बना लेते हैं अपना। जी यही है। हाँ, फादर फिगर, मदर फिगर और फादर फिगर। जी जी, फादर फिगर ना बेशक वो देखते हैं कि यार उस पे अटैक होता है तो करते हैं कि हमारे अब्बू पे अटैक कर दिया, ठीक है ना। तो इमरान खान प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज अ फादर फिगर टू अ लॉट ऑफ यंग पीपल एज वेल। आंटियों को पता नहीं कैसे लगेगा, उनके उनको डैडी फिगर लगता था ना उन्हीं के जितना अब्बू कैसे। बहरहाल वो एक अलग केस है, बट यस फादर फिगर, फ्रॉयड थॉट दैट अबाउट एंड लॉट ऑफ पॉपुलिस्ट ट्राई टू बिकम दैट। मुगल बाग आपने जिक्र किया, वो आए हुए थे पॉडकास्ट पे, उन्होंने बोल दिया कि आसिफ वसूद को निकाल कर इमरान खान को लाए थे टीम में, लोग बड़े नाराज़ हो गए कि वो 40 एवरेज थी आसिफ वसूद की, शर्म करो इमरान खान क्रिकेट में तो परफॉर्मेंस पे आया। गलत बोल दिया मुगल भाई ने थोड़ा, आमिर मुगल ने। आसिफ मसूद क्या नाम था उनका जिनको निकाल कर इमरान खान को लाए थे टीम में? आसिफ मसूद था, क्या था मैं भूल गया नाम, एक फास्ट बॉलर था दूसरी आसिफ मसूद, फिर उन्हीं की बात कर रहे होंगे। एक था, तो ये तो गलत है क्रिकेट में तो परफॉर्मेंस। आसिफ मसूद नहीं, क्रिकेट में तो इमरान खान रियली वर्क हार्ड, काश इतना ही वो सियासत में वर्क हार्ड करते। तो देखो क्रिकेट में इमरान खान परफॉर्म्ड, दैट्स व्हाई ही यूज्ड टू गेट अवे विद अ लॉट ऑफ अदर स्टफ। वी बीइंग इमरान खान फैंस एज क्रिकेट, हमें पता था, सब पूरी दुनिया को पता था इमरान खान ऑफ द फील्ड क्या कर रहा है, बट उसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़बरदस्त थी, स्पेशली जब वो कैप्टन बना तो लोग नहीं देखते, कहता यार लार्जर गुड के लिए अच्छा है। काश सियासत में भी वो इसी तरह परफॉर्म कर सकते तो बचे रहते, लेकिन सियासत में वो नहीं कर सके जो क्रिकेट में कर सकते। I mean, as much as we hate them, मैंने भी आज एक ज़रदारी की क्लिप पोस्ट की कि ब्रो सीज 5 years into the future, उन्होंने जो पहली स्पीच दी थी जब इमरान खान, हाँ वो मुझे याद है, लोग बड़े नाराज़ हुए कि तुम उसको सपोर्ट कर। नहीं भाई, आप नहीं डिनाई कर सकते कि उस आदमी का जो फोरसाइट है, जो अंडरस्टैंडिंग है, he is the most complete politician। तो वही तो पॉलिटिक्स है खान साहब। क्रिकेट में इट वर्क बिकॉज वो फिरौन थे, जिस तरह हमने किताब में भी लिखा है कि वो एक एलीट थे। मोस्ट लोग बुरेवाली एक्सप्रेस और ये वो रोड पे बॉलिंग कराते कराते गाँवों से आए थे, वो अंग्रेज़ी बोलते थे तो सब उनको अपना हीरो समझते थे, लिटरली एम्यूलेट करते। वसीम अकरम ट्राइड टू बी इमरान खान एंड बिकेम, क्या हाल हुआ उसका वसीम अकरम का, व्हेन ही ट्राइड टू बी इमरान मेंटर था। इमरान की एक प्रेजेंस था, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इमरान यूज्ड टू परफॉर्म दैट नो वन कैन टेक एज अ क्रिकेटर, लीड फ्रॉम फ्रंट एज अ क्रिकेटर। सबको पता था वो ग्राउंड में गालियां देता है सबको, क्यों नहीं कर सकता था उसके खिलाफ कोई। कासिम उमर और यूनुस अहमद चूंकी थी, उन्होंने चूंकि तो किसी ने सुनी नहीं भाई। इमरान खान वाज अगेन परफॉर्मिंग, इमरान खान नहीं परफॉर्म कर रहा होता तो उसकी उसी वक्त रिटायर हो जाना था उसने, या उसको निकाल देना था। वसीम अकरम कप्तान बने, वो सर मैं भी इमरान खान हूँ, उन्होंने गालियाँ देनी शुरू कर दी फील्ड पे, वो 10 खड़े हो गए उसके खिलाफ, वकार यूनस, मुश्ताक अहमद, 10 क्रिकेटर, एंड दे कॉट हिम किक्ड आउट बिकॉज वसीम अकरम came from a very humble lower middle class background in Lahore, so they saw him coming from the same background and now pretending to be coming from somewhere higher up than them, so it was out of resentment they got rid of him. The same reason ke jo Imran Khan copy karke cabinet ke log banne ki koshish kar rahe hain, unko koi wo izzat nahi deta। Khan sahab ki cabinet wale bhi galiyan sun dete hain। What are the likely trajectories, abhi logo sawal hain, of the class shaped politically engaged by PTI in a post Imran political context? कोई और मिल जाएगा इनको? Yeah, I think there will be further fragmentation of this class. Like I said ना, उसके अंदर already एक class fragment हो गई है politically speaking। जैसे कि मैंने कहा ये इस fragmentation का हिस्सा है, ये जो tussle चल रही है especially PMLN और PTI में, there will be further fragmentation। ये कोई शायद आफरीदी जैसा खड़ा कर दें? नहीं नहीं, अब वो नहीं, अब नहीं होगा। I don't think अब इतना, maybe आगे वाली जनरेशंस में कुछ हो, एंड इट ऑल डिपेंड्स व्हाट हैपेंस, व्हाट द करंट सिचुएशन और द करंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर लाइक। हाँ, बिकॉज ये तो चढ़ा ना, व्हेन पॉपुलिज्म वाज कमिंग बैक ड्यू टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ रीजंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो ये उसी वे पे चढ़ के आ गया। इट डिपेंड व्हाट्स हैपनिंग कि आगे जाके दुनिया इंटरनेशनल ट्रेंड्स क्या हैं, सो उस पर डिपेंड करता है। एज फार एज दिस क्लास इज कंसर्न पोलिटिकली इट विल गेट फ्रेगमेंटेड। आई थिंक हम जब लोकल कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, हम इतने इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करते। फार राइट का एक राइज देख रहे हैं स्ट्रांग, नहीं एंड इट्स ऑल कनेक्टेड यार, स्पेशली जब हम ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, इट्स ऑल कनेक्टेड 100%। साथ ही देख लें, हाउ डज द मिलिट्री शेप पाकिस्तान अथॉरिटेरियन आइकोनोग्राफी स्पेशली विद द रिसर्जेंट फ्लर्टिंग विद मार्शल लॉज एंड कंडक्ट। ये जो एक स्ट्रांग मैन अथॉरिटेरियन आइकोनोग्राफी, आई थिंक ज़िया-उल-हक़ ने पूरा पाक स्टडीज बदल कर हिस्ट्री बदल कर इस्लाम को इस्तेमाल कर। मुझे लगता है कि आर्मी विल, और मैंने लिखा है इन द एंड इन द बुक कि इट्स, आई थिंक व्हाट दे नाउ वांट इज ये जो बैगेज इन्होंने खुद ही अपने लिए क्रिएट किया ना, विच इज़ प्योरली आइडियोलॉजिकल और सपोजली आइडियोलॉजी ड्रिवन, आई थिंक वो उसको कम करेंगे बिकॉज वो अब इम्पैक्ट कर रहा है उनकी अपनी फाइल एंड रैंक्स में भी। सो इट्स डेंजरस। सो आई थिंक वो कहेंगे यार सोल्जर बना, सोल्जर बनो, हमारा अभी भी जो है इंडिया इज आवर एनिमी और ये कुछ टेररिस्ट हैं जो इस्लाम के नाम पे भी कर रहे हैं। बट आई डोंट थिंक द जिस तरह ज़िया-उल-हक के ज़माने से इस्लामिक कार्ड प्ले हो करना शुरू हो गया था ना, दैट इज़ बिकम प्रॉब्लमैटिक। जो राहल शरीफ के ज़माने में राहल शरीफ ने रियलाइज़ कर लिया था कि वाई दैट कार्ड इज़ बिकम प्रॉब्लमैटिक विद इन अमंग द फाइल एंड रैंक द आर्मी। आई थिंक उसको पुल बैक करना शुरू करेंगे। हाउ इट विल डन आई डोंट नो। क्या नहीं आ रहा, क्या नहीं वाज सिमिलर ना, पुल बैक एक हमने देखा, एक यार क्यानी का पुल बैक था, लेकिन क्यानी वाज स्टिल वन वे और द अदर स्टिल प्लेइंग दैट मुशर्रफ डबल गेम। ठीक है ना, कितना बेचारा ज़रदारी को कितना हेल्प किया था। चौधरी निकल चुका था, वो भी जब तक वो स्वात में नहीं आए दे देन डिसाइडेड टू हीड द प्लीज ऑफ प्रेसिडेंट ज़रदारी के भाई अब तो कुछ कर लो, नहीं तो वो करते नहीं थे। Except the work of Altaf Hussain, can Paracha name any single politician who empowered a common person to become a parliamentary member with this sort of success and secularism? Jamaat-e-Islami. Jamaat-e-Islami. अरे भाई इनको बोलो 1970 के इलेक्शन के पहले पढ़ लें कौन से कैंडिडेट्स थे, फिर उनकी बैकग्राउंड पढ़ लें। Majority of them came from lower, middle and middle classes. जो शुरू में जो टिकट्स मिले, especially in places like फैसलाबाद, साहिवाल, लाहौर, most of them were labor leaders either coming from working classes, lower middle class, middle class, and they defeated huge industrialists and feudals. उनको बोलो वहाँ पढ़ने पहले। अल्ताफ हुसैन तो लेट बात है। I think even today yes, एक feudal takeover हो गया है थोड़ा बहुत PBB का, बट अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल करते हैं यार। कराची में आप feudals को हरा, मुझे बता कराची में जितना भी ये ग्राउंड वर्क किया है कौन थे? सईद गनी, मुर्तज़ा वहाब, ठीक है। मुर्तज़ा वहाब तो एक पॉलिटिकल फैमिली से आते हैं यार, पॉलिटिकल फैमिली कोई जायदादें नहीं है, ही कम्स फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली मुर्तज़ा वहाब, ठीक है। सईद गनी कम्स फ्रॉम योर मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है, दे अर्बन मिडिल क्लास फैमिली मोर सो देन मुर्तज़ा वहाब। आई थिंक जो भी इवन आपका वो सेनेटर कौन एहसन, आई थिंक शाजिया मरी आल्सो कम्स फ्रॉम हम्बल बैकग्राउंड्स इफ आई एम यार मोस्ट ऑफ देम डू। लेकिन चले उनको सवाल तो उन्होंने हिस्ट्री का पूछा ना, बोला मैंने 1970 के इलेक्शन के कैंडिडेट्स का अगर पढ़ ले, देख लें और गूगल कर लें, पता लग जाता है। Which stakeholders inside and outside the state and the nation were involved in conceiving, designing and planting the myths and fantasy? आपका मीडिया, आपकी जुडिशरी, आपकी मिलिट्री, हर कोई। Everybody was involved because it was a joint effort of course. प्लस वो ग्राउंड वर्क तो कर दिया था ना आपने, तारीख में बता बता के सियासतदान चोर होते हैं, इनसे बुरा तो कोई है ही नहीं। फिर मुशर्रफ ने 10 साल जहन बनाया, हीरो बनाया, बिल्कुल। सो द प्लॉट दैट इमरान खान मेड द बिल्डिंग ऑन बनाई थी ना, बनी बनाई। ऑल ही हैड टू डू बिकॉज़ ही बिलीव्ड इन इट एज वेल, बिकॉज़ ही वाज आल्सो द गाय हु द फर्स्ट हिस्ट्री बुक वाज मोस्ट प्रोबब्ली अ पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक। हु इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ प्लेइंग आउट द फैंटेसी इन पाकिस्तान? और फैंटेसी आई थिंक अगर मतलब आई गेस हमीद गुल, वो तो आपने जिक्र भी किया, मुझे भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे रिसेंटली कि तुम झूठ बोल रहे हो, बट ईदी इज़ ऑन द रिकॉर्ड टू से कि हमीद गुल इमरान खान मेरे पास आए थे। नहीं वो तो रिपोर्टेड इन हेरल्ड, पूरा रिपोर्ट था कि हाउ व्हाट हैपेंड एंड दे वेंट। हां ईदी के पास गए थे और फिर हमीद गुल ने तड़ी लगाई थी इसको। दे डिडंट रियलाइज दैट ईदी हैड वेरी गुड रिलेशंस विद बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है ना। ही वाजंट पार्ट ऑफ पीपल्स पार्टी बट उसके अच्छे रिलेशंस थे विद बेनज़ीर भुट्टो। और वो आइडिया किसका था? वो आइडिया था, एक लॉबी भी क्रिएट हो गई थी बाय द वे बिजनेसमैन की, जो ईदी को चंदा भी देते थे। तो उन्होंने बोला यार इससे कर लो, ये हम इसको चंदा देते हैं। बोले ईदी साहब ईदी थे यार, बोला तेरा चंदा आपको मुबारक हो, ये मैं नहीं करूँगा। दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ फॉल्स इक्विवेलेंस। हां, डिड ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो स्टार्ट इन अयूब खान कैबिनेट? यस। डिड ज़िया-उल हक क्रिएट नवाज शरीफ? यस। लेकिन इमरान खान को हमीद गुल ने हैंड ओवर किया, शुजा पाशा को उन्होंने हैंड ओवर किया, ज़हीरुल इस्लाम को उन्होंने हैंड ओवर किया, जनरल फैज़ को। ये 10-15 साल की इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल 10-15 साल की जद्दोजहद कहें प्लीज कौम के लिए वो आपको नहीं मिलेगी। हु डिसाइडेड टू डिच आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑन प्लेबिसिट ऑन कश्मीर? पता नहीं। In previous podcast, NFP defended PPP by saying most analytics journalists have never been to most of Sindh, How does he respond to Sohail Sanghi's Don contributor and professor at University of Sindh analysis of PPP using structural corruption and manipulation of the Biradari and tribal politics to keep the hold on Sindh? Can the establishment be blamed for all of this, or should the so-called democratic forces take some responsibility too? Everybody has to take responsibilities. Or I'm not saying there's no corruption at all. Sohail Sanghi का मैंने पढ़ा नहीं है, but I'm sure उन्होंने research की होगी. I'm not going to, I can't comment on it because I haven't read it. Why social media personalities and film superstars tend to support super right-wing parties? Which is also interesting because left में Hollywood तो बहुत ही liberal है. Left में नहीं, sorry, West में. ये आपका Asian phenomenon है. India में आप देख लें, मोदी के साथ बैठे रहते हैं, इधर पाकिस्तान में देख लें. Because यार I don't know, मैं यार बात करूँगा वही वाली बात. मेरी तो वही theory है भाई. They also come from the same class, if not the same class, then they have the same mindset, which is inherently driven, inherently influenced by certain insecurities, and that leads to them becoming reactionaries and identifying with strong men or men on horses or जो बंदे बात करें खुल के, like for example, you know, it's a taboo in a poor third world country, for example, so-called third world country, to say certain things about poor people, for example. बट आपका जो इस तरह के लोग होते हैं, आइकॉनोक्लास्ट्स जिनको कहते हैं, जो खान साहब भी थे और ये मोदी भी थे, वो खड़े हो कहते हैं हाँ जी मैं तो नहीं मानता मुसलमानों को, मुसलमानों ने ये किया, हम तो हाँ हम मार रहे हैं मुसलमान को. अगर उनका कोई मिनिस्टर खड़े हो कहता है इनको बड़ा अच्छा लगता है. एनी थिंग, दिस इज़ वॉट नाटसी में यही हुआ ना, नाटसीजम में आप आइकन सर्टन नॉर्म्स को तोड़ देते हैं बाय सेइंग ना जूज आर वर्मन, दे शुड बी किल्ड. एंड सडनली वो एक फ्रस्ट्रेटेड आपकी जो एक मिडिल क्लास होती है वो कहती ये बंदा सही सच बोल रहा है, ये कोई छुपा नहीं रहा, ये कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं कर रहा, ये दिल की बात कर रहा है. तो इनके साथ भी हाल है. बुक में और ज़्यादा पैरेलल्स हैं नाजी जर्मनी के साथ, वो प्लीज़ पढ़िएगा. इज़ मिडिल, डू यू थिंक द मिडिल क्लास इन पाकिस्तान मीन्स कार क्लास, वेयर एज इन इंडिया इट एक्चुअली मीन्स बाइक क्लास? इंटरेस्टिंग. यार इधर कार भी है बाइक भी है. बाइक वाले वांट टू गेट टू द कार वाले वांट टू कार क्लास. कल मैं एक इंडियन कॉमिक से भी बात कर रहा था, बोलता है यार इंडिया में भी मिथ है, मिडिल क्लास एक्चुअली है नहीं, एक अमीर तबका है जो अमीर होता जा रहा है, गरीब तबका है. अगर तुम्हें मिथ लग रहा है तो हम तो एनवियसली तुम लोगों को देखते हैं, तो हमारे यहाँ तो फिर एग्जिस्ट करती ही नहीं है. यू आल्सो फील लाइक दिस आइडिया कि नहीं यार ये देखो कोई मिडिल क्लास है नहीं पाकिस्तान में. नहीं यार देखो ना, लाइक मैं अकबर ने तो ये कहा ना, उसको एस्पिरेशनल क्लास बोला है. एनीवन हू इज लाइक जो अपने छोटे मोटे बिजनेस भी चला रहा है, सीईओ भी है, एग्जीक्यूटिव भी है, जर्नलिस्ट भी है, ये बहुत सारे लोग आ जाते हैं. आई थिंक मोर ऑफ इट इज़ टू डू विद अ पर्टिकुलर माइंडसेट. क्योंकि इकोनॉमिकली सीईओ और फील्ड रिपोर्टर सेम डिफरेंस है, लेकिन माइंडसेट देखें ना. बिकॉज देखें इमरान की आप किसी कंपनी में चले जाएँ तो वो सीईओ से लेके लोअर लेवल का एग्जीक्यूटिव भी पीटीआई का सपोर्टर होगा, बिकॉज एस्पिरेशंस एंड माइंडसेट वही हैं. मुजम्मिल साहब भी बार बार बात करते रहते हैं आइन रैंड की टेम्प्रेरी अलायंस ऑफ द क्लासेस. लास्ट टाइम ही हैड मेड एलिगेशंस रिगार्डिंग जेआई हैज डन करप्शन एंड ब्रॉट वेपन्स इन कराची. काइंडली आस्क हिम इफ ही कैन रेफर टू सम एविडेंस. आई हैव नेवर सेड ब्रॉट वेपन्स. दे ब्रॉट वेपन्स इनटू कराची यूनिवर्सिटी इन 1979, व्हिच इज अ वेल नोन फैक्ट. नंबर एक. नंबर दो, व्हाट आई सेड वाज दैट ड्यूरिंग द मेयरशिप इन कराची फ्रॉम 1979-87 द होल सो कॉल्ड क्लैशनिकॉफ कल्चर कराची में पैदा हो गया. Because they were given a free hand to recruit people and funds for the Afghan Jihad, so of course, spillover क्या हुआ? Weaponization हो गई. University campuses से वहाँ से फट के बाहर आ गई. Everybody then started owning a gun because getting a gun became very easy in those days. बहुत आसान हो गया. तो ये मेरा मतलब था. So करप्शन तो यार फिर आप जब होंगे फिर आपके कमीशंस भी होंगी, ठीक है. इसमें बहुत स्टोरीज हैं मेरे पास, और एक स्टोरी मैंने की भी थी 93 में, उसकी वजह से मुझे उस अखबार से निकाल दिया गया था. तो खैर वो अलग की बात है. When he wrote the book, did he predict anything like this could happen? आपने जो एंड का पार्ट लिखा है वो कब लिखा है? After all the chapters. एंड का पार्ट मैंने किया है दिसंबर लास्ट, ये पिछले साल दिसंबर को मैंने फिनिश किया किताब. सूनिश, क्योंकि उसमें तो प्रेडिक्शन यही थी कि ख़त्म है. हाँ देखे ना यार, देखो मेरी बात सुनो, उसमें ज़्यादा प्रेडिक्शंस सही होंगी, बिकॉज अगर थोड़ा आप एक्सपीरियंस कर लें, जब पढ़ लिख जाएं कि सियासत किस तरह इवॉल्व करती है, हिस्टोरिकल प्रोसेस किस तरह चलते हैं, फिर आप अपनी कंट्री की सियासत को देखें किस तरह चलती है, इवॉल्व किया है, तो आप सर्टन चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं. इतनी मुश्किल नहीं है. मैं आपको ये भी बता दूं, दिसंबर 22 लास्ट ईयर आखिरी जो एडिटोरियल नजम सेठी ने लिखा बिफोर ही बिकेम दिस, अब तो वो नहीं लिख रहे ना वो बोल रहे हैं, क्या था उसका टाइटल? दिसंबर को ख़त्म हुए कितना टाइम हो गया, आज है 6-7 महीने हो गए, नहीं 5 महीने में ही चल रहा है ना, ठीक है ना। तो आखिरी एडिटोरियल क्या था उनका? नाम इमरान खान इज़ डन। How can we identify con mans? Political con mans, मतलब कि यार देखो, everybody is a con man in politics. Politics requires you to be a con man. उस con man, उस con से आपको थोड़े लोगों को फ़ायदा भी हो रहा है, और by that means के अवाम का और कंट्री का थोड़ा फ़ायदा भी हो रहा है, तो चलने देते हैं। Everybody is a, politics is about con man. It's a con. पता नहीं हम ये नेकी बदी की जंग क्यों बना लेते हैं पॉलिटिक्स को। How important is it for a social researcher and commentator to be impartial, not just above political divide but also above momentary political developments in order to have a broad understanding of a certain phenomena? It's very important, because if you're not everybody can be totally objective, but if you refuse to be open-minded, then you stop learning as well, because when you're researching something, it's also you learning a lot of new stuff. Does he have any advice to Sindhi nationalists in Karachi's context? Sindhi nationalist यार वो भी बेचारी कौम है, ठीक है ना। सिंधी नेशनलिस्ट आजकल तो वो उसके साथ फिर रहे हैं, पगाड़ा के बेटे के साथ उनके दोस्ती बनाई हुई है, PTI के साथ भी एलाय बन जाते हैं। देखो, सिंधी नेशनलिस्ट के पास जो एक ठोस नैरेटिव था ना, वो पीपल्स पार्टी ने ले लिया और उसको फेडरलाइज कर लिया, उसको फेडरेशन के कॉन्टेक्स्ट में डाल दिया। अब इनके पास कोई नैरेटिव नहीं है। सिंधी नेशनलिस्ट डोंट हैव इट, बिकॉज पीपल्स पार्टी लोगों को अच्छा लगे जब बुरा लगे। आउटसाइड सिंध हैज़ डन अ लॉट इन फॉर द सिंधी, और सिंध के अंदर आपको सिंधी मिडिल क्लास भी पीपल्स पार्टी की पैदावार है। ये नैरेटिव लेके जो चल रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा सिंधी नेशनलिस्ट, व्हाट डू सिंधी नेशनलिस्ट नाउ स्टैंड फॉर? आई डोंट नो व्हाट डू दे स्टैंड फॉर। Does he see left parties like AWP and Huquq-e Khalq party having success in the next 2 decades? No. Electoral success? Probably. I don't think so. I don't think so. मैंने पहले भी तुम लोग से यही डिस्कस किया था कि electoral politics इस तरह के बहुत सारे experiments हुए ना, they'll have to ally themselves with one party or the other. मैंने तो कहा था जमात इस्लामी के साथ ally कर लें। Has PPP PML learned any lesson from their past confrontations with establishment? सुना नहीं मैंने क्या कहा। हाँ मैंने सुन लिया, कमेंट और मुझे थ्रोबैक भी आपका याद आ गया कि आपने क्या कहा था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ क्या किया था लोगों ने, तो आप कह रहे हैं वो इनकी हिस्ट्री रही है, राइट ऑन द कोट टेल्स ऑफ रिएक्शनरीज। समझ गया था कि आपका कॉल बैक कहाँ से आ रहा है। Has PPP PMLN learned any lesson from their past confrontations with the establishment? Yes, they have. इसलिए a lot. खास काश इमरान खान वो हिस्ट्री देख के कुछ सीख जाते, तो उनको कन्फ्रंट करने की कोशिश ज़रूरत नहीं थी, वो सीखे नहीं। ये लोग तो 2008 में ही सीख गए थे, जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और मुल्क मुका कहते हैं, दैट वाज अ ग्रेट थिंग। हाँ 2007 दैट वाज वुड हैव बीन फैंटास्टिक, एंड वो सीख गए थे कि यार हमें आपस में लड़ाया गया, अपने फ़ायदे के लिए हम नहीं करेंगे, हम पॉलिटिकल करेंगे। और ये अच्छा खासा, मतलब इसमें जेन्युइन अग्रीमेंट हुआ था। अगर आपको याद हो, बेनज़ीर व्हेन शी डाइड, व्हेन शी वाज किल्ड, if you remember, Nawaz Sharif went there and he started crying, and you saw that the emotion was genuine. They knew that together they could actually create a pretty good democratic space for a lot of civilians in this country, but unfortunately, लोग कहते हैं भाई सिर्फ इमरान खान ने तो नहीं गलतियाँ पैदा की, नहीं की, लेकिन जो स्टेप्स फॉरवर्ड लिए गए थे वो उन्होंने रिवर्स किए ना डेमोक्रेसी के। ऐसे वैसे अब जब कहते हैं हमारे लिए कोई खड़ा नहीं हो रहा, डॉन एक इदारा था जो खड़ा होता था, आर्टिकल लिखता था, आपने वो बर्बाद कर दिया। दे डोंट हैव द रिसोर्स, द विल, द स्ट्रेंथ टू स्टैंड नाउ, इवन इफ दे वांट टू। वो एडिटोरियल लिख देंगे, जफराबाद का एडिटोरियल फेवर में ही आया, अच्छा ही आया कि गलत है, लेकिन वो एक मास मूवमेंट डॉन नहीं चला सकता, जियो नहीं चला सकता। आपने मीर जकील रहमान को जेल में डाल दिया था। औरत मार्च एक मूवमेंट थी, बढ़ रही थी, हर साल ज़्यादा हो रही थी, आपने FIRs आपके टाइम में उनके खिलाफ लगी गई। PTM एक मूवमेंट थी, सोशल मूवमेंट थी, आपने बर्बाद। स्टूडेंट सॉलिडारिटी मार्च तक पे सेडिशन के पर्चे कटे गए थे PTI के दौर में। तो जब सारे इदारे जो खड़े हो सकते थे आपने उनकी टांगे तोड़ दी अपने टाइम में, अब आप बोलते हो अबे तुम लंगड़े क्यों, अबे तुमने गोलियां मारी हैं ना यार, खड़े क्यों नहीं हो रहे हमारे लिए। ये तो अब सवाल पूछते हैं, पूरी जिंदगी तुमने उनको गालियां दी तो तुमने बोला वही चीज़ें, एंड देन यू एक्सपेक्ट देम टू स्टैंड एंड डिफेंड यू, जो कर रहे हैं हम तो ये बड़ी बात है यार। इवन इफ इमरान खान एज अ डेमागॉग हैज ही नॉट डन सर्विस टू पाकिस्तानी पीपल बाय टर्निंग द पंजाबी मिडिल क्लासेस अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट। मेरा ये कहना है कि तो पंजाबी मिडिल क्लास सिचुएशन ऐसी होगी, इवन इफ देयर वाज़न्ट एन इमरान खान वुड हैव एंडेड अप इन दिस सिचुएशन। और मैंने एक्सप्लेन किया अपनी किताब में वाई, लाइक आई सेड देयर आर टू फैक्शंस ऑफ दिस पंजाबी मिडिल क्लास, जो आपस में मुशर्रफ के ज़माने से इनका टेंशन शुरू हो गए थे। तो वन वे और दी अदर दिस वुड हैव हैपेंड विद और विदाउट इमरान खान। काइंडली आस्क हिम फॉर प्रैक्टिकल स्टेप्स टू इनकलकेट टॉलरेंस। I don't know. पढ़ें जितना आप पढ़ेंगे ना। Tolerance, yeah. I don't know what. It's very important to be tolerant, of course, but. इसने पूछा any particular reason for Marlboro ice blasts? Well, these days they are cheaper than your regular cigarette, Pakistani local cigarettes, which is unfortunate. अगर cheaper local alternatives की बात हो रही है तो किसी ने ये भी पूछा है classic या millennium? Classic या millennium. Anything modern. Sweet. Thank you so much sir for your time, and everybody go and buy the books. कहाँ available है? यार ये किताब आज Saturday है ना, what date it is today? आज Saturday है, अभी बताई तो थी मैं 18 है, 20 है ना, तो आज शाम को उनकी शोरूम से आ जाएगी, वैनगार्ड वालों ने छापी है, and it's going to be in the market on Monday, which is going to be the 22nd of May, and it can be ordered online either from Vanguard Books, Liberty Books और Readings. आगे जाके Amazon पे आ जाएगी, लेकिन Vanguard and Liberty also deliver outside Pakistan. लोगों की बड़ी शिकायतें हैं आपकी पिछली बुक की कीमत कुछ बहुत यार वो तो वर्क ऑफ आर्ट था। मेरा मकसद ये है कि उस पर एक्चुअली पब्लिशर ने इतना पैसा लगा दिया था, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है ना। दैट बुक इज डिफरेंट, इट्स अ कॉफी टेबल बुक बेसिकली। ऑफ द रिकॉर्ड एक बुक पब्लिशर ने मुझे बोला है कि इनसे पूछें इतनी किताबें कैसे लिख लेते हैं भाई, हर साल किताब आ रही है। भाई यार ये मेरा प्रोफेशन है, मेरा और कोई प्रोफेशन नहीं है, मैं अपनी लिखाई से ही पैसे कमाता हूँ। प्रोलिफिक इवन विद इन द ऑथर्स, इतनी किताबें नहीं आ रही हैं स्पीड पे किसी और की। यार ये है कि आई डोंट प्रिटेंड देम टू बी एनी वर्क्स ऑफ एकेडमिक ब्रिलियंस। I write for a particular audience which is pretty large. I'm glad they're young people, and basically what happens is I'm a regular columnist as well. So my books are basically expansions of those ideas. तो वो इतना आसान हो जाता है. Yes, books requires a lot more research. तो देखो कब तक लिखता रहता हूँ, जब तक आइडियाज़ आते रहेंगे लिखते रहेंगे। और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ में तो आइडियाज़ ही आइडियाज़ हैं। सरप्राइजिंग कि ज़्यादातर लोग रीसेंट हिस्ट्री पे बिल्कुल किताबें नहीं लिखते, क्योंकि अगर आपकी आंखें नज़रें खुली हों तो यू जस्ट नीड टू रिमेंबर एंड रेफरेंस। आपको पता ही होगा किसने टीवी पे आके क्या बोला, सलीम साहब के प्रोग्राम में क्या डिस्कस हुआ था। जिस तरह आपने वो कामरान शाहिद का जिक्र किया कि कामरान शाहिद ने आके एतराफ़ किया कि हम खुद 40 लोग भी हों जलसे पे तो 4000 बोलते हैं। नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट है इमरान की एटलीस्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री पे तो आई थिंक किताब बनती थी। आई एम श्योर मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आगे जाके लिखेंगे इस पर, क्योंकि एक फिनोमेना है इमरान खान, लाइक इट और नॉट, एक कैरेक्टर था पॉलिटिक्स में, ठीक है। कुछ नहीं कह सकते। मैं भी एक वीडियो ऐसे सोच रहा था, द स्टोरी ऑफ इमरान खान। नहीं, ही इज़ नॉट गोइंग टू कम बैक टू पावर। ये अगर है कि या तो मैं पर्सनली स्पीकिंग आई थिंक आई विश ही गोज अब्रॉड। I don't wish him to be thrown in jail or anything. मैं बता रहा हूँ, साल पहले पॉडकास्ट में बोला था कि अल्ताफ हुसैनी बन जाएंगे, लंदन से बयान देते रहेंगे। मैंने बोला था ना वो एक ऑप्शन है कि ये जा सकता है। आई विश चाहे और सियासत में बयान ना दे। इस पर मैं अपनी राय आपको ऑफलाइन बताता हूँ। थैंक यू एवरीवन लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। टेक केयर।